गाइस, आप सभी का फिर से स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल थंडर रिव्यूज में। तो गाइस आज हम बात करने वाले हैं यहाँ पे मुबारका मूवी के बारे में। तो गाइस मैं आपको यहाँ पे मूवी का रिव्यू दूंगा, और गाइस मूवी का रिव्यू स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूँ कि गाइस मैं यहाँ पे कोई मूवी की क्लिप या फिर पूरी मूवी अपलोड नहीं कर पाऊंगा यूट्यूब कम्युनिटी गाइडलाइंस की वजह से। तो गाइस चलिए स्टार्ट करते हैं मूवी का रिव्यू, और गाइस मैं आपको बताता हूँ यहाँ पे इस मूवी को किसने डायरेक्ट किया है और किसके द्वारा इसका स्क्रीन प्ले दिया गया है, और इस मूवी की स्टोरी के बारे में किसने इस मूवी की स्टोरी दी है, और इस मूवी के प्रोड्यूसर्स के बारे में, और इस मूवी के स्टारिंग रोल्स के बारे में, और गाइस मूवी से जुड़ी हुई जानकारी और काफ़ी कुछ। तो गाइस इस मूवी का जो डायरेक्टर हैं वह अनीस बज्मी, और गाइस अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के स्क्रीन प्ले की, तो गाइस इस मूवी का जो स्क्रीन प्ले दिया गया है वो दिया गया है बलविंदर सिंह जंजुआ के द्वारा, और गुरमीत सिंह के द्वारा, और राजेश चावला के द्वारा, जिन्होंने गाइस इस मूवी के अंदर डायलॉग्स दिए हैं। और अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी की स्टोरी की, तो गाइस इस मूवी की जो स्टोरी दी गई है वो दी गई बलविंदर सिंह जंजुआ के द्वारा और रुपिंदर चहल के द्वारा। और गाइस अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के प्रोड्यूसर्स की, तो गाइस इस मूवी के प्रोड्यूसर्स में आपको देखने के लिए मिलेंगे सोनी पिक्चर्स नेटवर्क्स प्रोडक्शंस और मुराद खेतानी के द्वारा और अश्विन वर्दे के द्वारा। और गाइस अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के स्टारिंग रोल्स की, तो गाइस इस मूवी के स्टारिंग रोल्स में आपको देखने के लिए मिलेंगे अनिल कपूर और अर्जुन कपूर और इलियाना डिक्रूज और आथिया शेट्टी और करण कुंद्रा और नेहा शर्मा और राहुल देव और गुरपाल सिंह और रतन पाठक साहा और पवन मल्होत्रा और ललित परिमो और संजय कपूर। और गाइस ये मूवी सुनाई गई है विजय राज के द्वारा। और गाइस अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के सिनेमेटोग्राफी की, तो गाइस इस मूवी की जो सिनेमेटोग्राफी की गई है वो की गई हिम्मत धमीजा के द्वारा, और गाइस इस मूवी को एडिट किया गया है रामेश्वर एस भगत के द्वारा। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के म्यूजिक की। तो गाइस इस मूवी के अंदर जो सॉन्ग्स दिए गए हैं वो दिए गए अमाल मलिक के द्वारा और गौरव रोशन के द्वारा और ऋषि रिच के द्वारा, और इस मूवी के अंदर जो बैकग्राउंड स्कोर दिया गया है वो दिया गया अमर मोहिल के द्वारा। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की प्रोडक्शन कंपनीज की। तो गाइस इस मूवी की जो प्रोडक्शन कंपनीज हैं वो है सोनी पिक्चर्स नेटवर्क्स प्रोडक्शंस और साइनमन स्टूडियोज और मार्क प्रोडक्शन। और गाइस इस मूवी को डिस्ट्रीब्यूट किया गया था सोनी पिक्चर्स लीजिंग के द्वारा, और इस मूवी को रिलीज किया गया था 28 जुलाई 2017 को, और मूवी का टोटल रनिंग टाइम है 116 मिनट का, और ये इंडिया की हिंदी लैंग्वेज की मूवी है। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के बजट की। तो गाइस इस मूवी का टोटल बजट है वो 65 करोड़ रुपए का, और अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी की बॉक्स ऑफिस पे कमाई की, तो गाइस बॉक्स ऑफिस पे इस मूवी ने मतलब काफ़ी अच्छी खासी धूम मचाई, काफ़ी अच्छी खासी कमाई की है, क्योंकि इस बॉक्स ऑफिस पे जिस मूवी ने कमाई की है वो की 93.59 करोड़ रुपये की। तो आप इससे भी अंदाजा लगा सकते हैं कि मूवी की स्टोरी कैसी होगी। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के साउंड ट्रैक की। तो गाइस अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के साउंड ट्रैक की, तो गाइस इस मूवी के अंदर टोटल 6 सॉन्ग्स हैं, और गाइस जो इस मूवी के अंदर पहला सॉन्ग है वो है द गूगल सॉन्ग, और गाइस जो इस मूवी के अंदर दूसरा सॉन्ग है वो है मुबारक का टाइटल ट्रैक, और गाइस जो इस मूवी के अंदर तीसरा सॉन्ग है वो है जट जगुआर, और गाइस जो इस मूवी के अंदर चौथा सॉन्ग है वो है हाथों में थे हाथ, और गाइस जो इस मूवी के अंदर पांचवा सॉन्ग है वो है हवा हवा, और गाइस जो इस मूवी के अंदर छठा और आखिरी सॉन्ग है वो है दिल धड़के लाउडर लाउडर। तो गाइस इसी तरीके से 6 सॉन्ग्स हैं, और मतलब मीडियम सॉन्ग्स हैं, सुन भी सकते हैं आप अगर आपका मन करता है तो, मैं सजेस्ट करूंगा सुन सकते हैं अगर मन कर रहा है तो, अगर नहीं कर रहा तो मत सुनिए, स्किप कर दीजिए। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के IMDb रेटिंग के बारे में। तो गाइस अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी की IMDb रेटिंग की, तो गाइस इस मूवी को IMDb पर मिले हैं 10 में से 5.6 की रेटिंग, जो कि गाइस मतलब मीडियम से थोड़ा ऊपर है, काफ़ी सही रेटिंग है। तो मैं आपको सजेशन यहाँ पे यही करूँगा कि वन टाइम मूवी है, अगर आप एक बार देखेंगे तो आपको काफ़ी आनंद आएगा, थोड़े कॉमेडी सीन्स भी इस मूवी के अंदर और मतलब एक्शन सीन्स भी हैं, तो सजेस्ट मैं आपको यहाँ पे यही करूँगा, आप मूवी देखें एक बार जरूर देखें। और गाइस वैसे मैं अगर आपको अपना पर्सनल ओपिनियन दूँ इस मूवी के बारे में, तो गाइस ये मूवी मेरी देखी हुई है और काफ़ी कॉमेडी स्टोरी इस मूवी, तो गाइस मैं आपको यहाँ पे सजेस्ट यही करूँगा, आप एक बार जरूर देखें इस मूवी को, और मूवी देख के मूवी का आनंद लें, और इस मूवी के सॉन्ग सुने और अच्छे जाने इस मूवी की स्टोरी को, और सॉन्ग सुन के सॉन्ग्स का आनंद लें। तो गाइस चलिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। हे गाइस, आप सभी का फिर से स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल थंडर रिव्यूज़ में। तो गाइस आज हम बात करने वाले हैं यहाँ पे मुबारका मूवी के बारे में। तो गाइस मैं आपको यहाँ पे मूवी का रिव्यू दूंगा, और गाइस मूवी का रिव्यू स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि गाइस मैं यहाँ पे कोई मूवी की क्लिप या फिर पूरी मूवी अपलोड नहीं कर पाऊंगा यूट्यूब कम्युनिटी गाइडलाइंस की वजह से। तो गाइस चलिए स्टार्ट करते हैं मूवी का रिव्यू, और गाइस मैं आपको बताता हूँ यहाँ पे इस मूवी को किसने डायरेक्ट किया है और किसके द्वारा इसका स्क्रीन प्ले दिया गया है, और इस मूवी की स्टोरी के बारे में किसने इस मूवी की स्टोरी दी है, और इस मूवी के प्रोड्यूसर्स के बारे में, और इस मूवी के स्टारिंग रोल्स के बारे में, और गाइस मूवी से जुड़ी हुई जानकारी और काफ़ी कुछ। तो गाइस इस मूवी का जो डायरेक्टर हैं वह अनीस बज्मी, और गाइस अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के स्क्रीन प्ले की, तो गाइस इस मूवी का जो स्क्रीन प्ले दिया गया है वो दिया गया बलविंदर सिंह जंजुआ के द्वारा और गुरमीत सिंह के द्वारा और राजेश चावला के द्वारा, जिन्होंने गाइस इस मूवी के अंदर डायलॉग्स दिए हैं। और अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी की स्टोरी की, तो गाइस इस मूवी की जो स्टोरी दी गई है वो दी गई बलविंदर सिंह जंजुआ के द्वारा और रुपिंदर चहल के द्वारा। और गाइस अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के प्रोड्यूसर्स की, तो गाइस इस मूवी के प्रोड्यूसर्स में आपको देखने के लिए मिलेंगे सोनी पिक्चर्स नेटवर्क्स प्रोडक्शंस और मुराद खेतानी के द्वारा और अश्विन वर्दे के द्वारा। और गाइस अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के स्टारिंग रोल्स की, तो गाइस इस मूवी के स्टारिंग रोल्स में आपको देखने के लिए मिलेंगे अनिल कपूर और अर्जुन कपूर और इलियाना डिक्रूज और आथिया शेट्टी और करण कुंद्रा और नेहा शर्मा और राहुल देव और गुरपाल सिंह और रतन पाठक साहा और पवन मल्होत्रा और ललित परिमो
और संजय कपूर। और गाइस ये मूवी सुनाई गई है विजय राज के द्वारा। और गाइस अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी की सिनेमेटोग्राफी की, तो गाइस इस मूवी की जो सिनेमेटोग्राफी की गई है वो की गई हेमंत धमीजा के द्वारा। और गाइस इस मूवी को एडिट किया गया है रामेश्वर एस भगत के द्वारा। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के म्यूजिक की। तो गाइस इस मूवी के अंदर जो सॉन्ग्स दिए गए हैं वो दिए गए अमाल मलिक के द्वारा और गौरव रोशन के द्वारा और ऋषि रिच के द्वारा। और इस मूवी के अंदर जो बैकग्राउंड स्कोर दिया गया है वो दिया गया अमर मोहिल के द्वारा। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की प्रोडक्शन कंपनीज की। तो गाइस इस मूवी की जो प्रोडक्शन कंपनीज हैं वो है सोनी पिक्चर्स नेटवर्क्स प्रोडक्शंस और साइन वन स्टूडियोज और मार्क प्रोडक्शन। और गाइस इस मूवी को डिस्ट्रीब्यूट किया गया था सोनी पिक्चर्स लीजिंग के द्वारा। और इस मूवी को रिलीज किया गया था 28 जुलाई 2017 को। और मूवी का टोटल रनिंग टाइम है 116 मिनट का और ये इंडिया की हिंदी लैंग्वेज की मूवी है। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के बजट की। तो गाइस इस मूवी का टोटल बजट है वो है 65 करोड़ रुपए का। और अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी की बॉक्स ऑफिस पे कमाई की, तो गाइस बॉक्स ऑफिस पे इस मूवी ने मतलब काफ़ी अच्छी खासी धूम मचाई, काफ़ी अच्छी खासी कमाई की है। क्योंकि इस बॉक्स ऑफिस पे जिस मूवी ने कमाई की है वो की 93.59 करोड़ रुपये की। तो आप इससे भी अंदाजा लगा सकते हैं कि मूवी की स्टोरी कैसी होगी। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के साउंड ट्रैक की। तो गाइस अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के साउंड ट्रैक की, तो गाइस इस मूवी के अंदर टोटल 6 सॉन्ग्स हैं। और गाइस जो इस मूवी के अंदर पहला सॉन्ग है वो है द गोल सॉन्ग। और गाइस जो इस मूवी के अंदर दूसरा सॉन्ग है वो है मुबारक का टाइटल ट्रैक। और गाइस जो इस मूवी के अंदर तीसरा सॉन्ग है वो है जट जगुआर। और गाइस जो इस मूवी के अंदर चौथा सॉन्ग है वो है हाथों में थे हाथ। और गाइस जो इस मूवी के अंदर पांचवा सॉन्ग है वो है हवा हवा। और गाइस जो इस मूवी के अंदर छठा और आखिरी सॉन्ग है वो है दिल धड़के लाउडर लाउडर। तो गाइस इसी तरीके से 6 सॉन्ग्स हैं और मतलब मीडियम सॉन्ग्स हैं, सुन भी सकते हैं आप अगर आपका मन करता है तो। मैं सजेस्ट करूंगा सुन सकते हैं अगर मन कर रहा है तो, अगर नहीं कर रहा तो मत सुनिए, स्किप कर दीजिए। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के IMDb रेटिंग के बारे में। तो गाइस अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी की IMDb रेटिंग की, तो गाइस इस मूवी को IMDb पर मिले हैं 10 में से 5.6 की रेटिंग, जो कि गाइस मतलब मीडियम से थोड़ा ऊपर है, काफ़ी सही रेटिंग है। तो मैं आपको सजेस्ट यहाँ पे यही करूँगा कि वन टाइम मूवी है, अगर आप एक बार देखेंगे तो आपको काफ़ी आनंद आएगा। थोड़े कॉमेडी सीन्स भी इस मूवी के अंदर और मतलब एक्शन सीन्स भी हैं। तो सजेस्ट मैं आपको यहाँ पे यही करूँगा, आप मूवी देखें एक बार जरूर देखें। और गाइस वैसे मैं अगर आपको अपना पर्सनल ओपिनियन दूँ इस मूवी के बारे में, तो गाइस ये मूवी मेरी देखी हुई है और काफ़ी कॉमेडी स्टोरी इस मूवी। तो गाइस मैं आपको यहाँ पे सजेस्ट यही करूँगा, आप एक बार जरूर देखें इस मूवी को और मूवी देख के मूवी का आनंद लें और इस मूवी के सॉन्ग सुने और अच्छे जाने इस मूवी की स्टोरी को और सॉन्ग सुन के सॉन्ग्स का आनंद लें। तो गाइस चलिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। हे गाइस, आप सभी का फिर से स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल थंडर रिव्यूज़ में। तो गाइस आज हम बात करने वाले हैं यहाँ पे मुबारका मूवी के बारे में। तो गाइस मैं आपको यहाँ पे मूवी का रिव्यू दूंगा। और गाइस मूवी का रिव्यू स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूँ कि गाइस मैं यहाँ पे कोई मूवी की क्लिप या फिर पूरी मूवी अपलोड नहीं कर पाऊंगा यूट्यूब कम्युनिटी गाइडलाइंस की वजह से। तो गाइस चलिए स्टार्ट करते हैं मूवी का रिव्यू। और गाइस मैं आपको बताता हूँ यहाँ पे इस मूवी को किसने डायरेक्ट किया है और किसके द्वारा इसका स्क्रीन प्ले दिया गया है और इस मूवी की स्टोरी के बारे में, किसने इस मूवी की स्टोरी दी है और इस मूवी के प्रोड्यूसर्स के बारे में और इस मूवी के स्टारिंग रोल्स के बारे में और गाइस मूवी से जुड़ी हुई जानकारी और काफ़ी कुछ। तो गाइस इस मूवी का जो डायरेक्टर हैं वह अनीस बज्मी। और गाइस अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के स्क्रीन प्ले की, तो गाइस इस मूवी का जो स्क्रीन प्ले दिया गया है वो दिया गया है बलविंदर सिंह जंजुआ के द्वारा और गुरमीत सिंह के द्वारा और राजेश चावला के द्वारा, जिन्होंने गाइस इस मूवी के अंदर डायलॉग्स दिए हैं। और अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी की स्टोरी की, तो गाइस इस मूवी की जो स्टोरी दी गई है वो दी गई बलविंदर सिंह जंजुआ के द्वारा और रुपिंदर चहल के द्वारा। और गाइस अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के प्रोड्यूसर्स की, तो गाइस इस मूवी के प्रोड्यूसर्स में आपको देखने के लिए मिलेंगे सोनी पिक्चर्स नेटवर्क्स प्रोडक्शंस और मुराद खेतानी के द्वारा और अश्विन वर्दे के द्वारा। और गाइस अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के स्टारिंग रोल्स की, तो गाइस इस मूवी के स्टारिंग रोल्स में आपको देखने के लिए मिलेंगे अनिल कपूर और अर्जुन कपूर और इलियाना डिक्रूज और आथिया शेट्टी और करण कुंद्रा और नेहा शर्मा और राहुल देव और गुरपाल सिंह और रतन पाठक साहा और पवन मल्होत्रा और ललित परिमो और संजय कपूर। और गाइस ये मूवी सुनाई गई है विजय राज के द्वारा। और गाइस अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी की सिनेमेटोग्राफी की, तो गाइस इस मूवी की जो सिनेमेटोग्राफी की गई है वो की गई हेमंत धमीजा के द्वारा। और गाइस इस मूवी को एडिट किया गया है रामेश्वर एस भगत के द्वारा। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के म्यूजिक की। तो गाइस इस मूवी के अंदर जो सॉन्ग्स दिए गए हैं वो दिए गए अमाल मलिक के द्वारा और गौरव रोशन के द्वारा और ऋषि रिच के द्वारा। और इस मूवी के अंदर जो बैकग्राउंड स्कोर दिया गया है वो दिया गया अमर मोहिल के द्वारा। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की प्रोडक्शन कंपनीज की। तो गाइस इस मूवी की जो प्रोडक्शन कंपनीज हैं वो है सोनी पिक्चर्स नेटवर्क्स प्रोडक्शंस और साइन वन स्टूडियोज और मार्क प्रोडक्शन। और गाइस इस मूवी को डिस्ट्रीब्यूट किया गया था सोनी पिक्चर्स लीजिंग के द्वारा। और इस मूवी को रिलीज किया गया था 28 जुलाई 2017 को। और मूवी का टोटल रनिंग टाइम है 116 मिनट का और ये इंडिया की हिंदी लैंग्वेज की मूवी है। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के बजट की। तो गाइस इस मूवी का टोटल बजट है वो है 65 करोड़ रुपए का। और अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी की बॉक्स ऑफिस पे कमाई की, तो गाइस बॉक्स ऑफिस पे इस मूवी ने मतलब काफ़ी अच्छी खासी धूम मचाई, काफ़ी अच्छी खासी कमाई की है। क्योंकि इस बॉक्स ऑफिस पे जिस मूवी ने कमाई की है वो की 93.59 करोड़ रुपये की। तो आप इससे भी अंदाजा लगा सकते हैं कि मूवी की स्टोरी कैसी होगी। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के साउंड ट्रैक की। तो गाइस अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के साउंड ट्रैक की, तो गाइस इस मूवी के अंदर टोटल 6 सॉन्ग्स हैं। और गाइस जो इस मूवी के अंदर पहला सॉन्ग है वो है द गोल सॉन्ग। और गाइस जो इस मूवी के अंदर दूसरा सॉन्ग है वो है मुबारका का टाइटल ट्रैक। और गाइस जो इस मूवी के अंदर तीसरा सॉन्ग है वो जट जगुआर।
और गाइस जो इस मूवी के अंदर चौथा सॉन्ग है वह हाथों में थे हाथ, और गाइस जो इस मूवी के अंदर पांचवा सॉन्ग है वह हवा हवा, और गाइस जो इस मूवी के अंदर छठा और आखिरी सॉन्ग है वह दिल धड़के लाउडर लाउडर। तो गाइस इसी तरीके से छह सॉन्ग्स हैं और मतलब मीडियम सॉन्ग्स हैं, सुन भी सकते हैं आप अगर आपका मन करता है तो, मैं सजेस्ट करूँगा सुन सकते हैं अगर मन कर रहा है तो, अगर नहीं कर रहा तो मत सुनिए, स्किप कर दीजिए। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के IMDb रेटिंग के बारे में। तो गाइस अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी की IMDb रेटिंग की, तो गाइस इस मूवी को IMDb पर मिले हैं 10 में से 5.6 की रेटिंग, जो कि गाइस मतलब मीडियम से थोड़ा ऊपर है, काफ़ी सही रेटिंग है। तो मैं आपको सजेशन यहाँ पे यही करूँगा कि वन टाइम मूवी है, अगर आप एक बार देखेंगे तो आपको काफ़ी आनंद आएगा, थोड़े कॉमेडी सीन्स भी इस मूवी के अंदर और मतलब एक्शन सीन्स भी हैं। तो सजेस्ट मैं आपको यहाँ पे यही करूँगा, आप मूवी देखें एक बार जरूर देखें। और गाइस वैसे मैं अगर आपको अपना पर्सनल ओपिनियन दूँ इस मूवी के बारे में, तो गाइस ये मूवी मेरी देखी हुई है और काफ़ी कॉमेडी स्टोरी इस मूवी, तो गाइस मैं आपको यहाँ पे सजेस्ट यही करूँगा आप एक बार जरूर देखें इस मूवी को और मूवी देख के मूवी का आनंद लें और इस मूवी के सॉन्ग सुने और अच्छे जाने इस मूवी की स्टोरी को और सॉन्ग सुन के सॉन्ग्स का आनंद लें। तो गाइस चलिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। हे गाइस आप सभी का फिर से स्वागत है मेरे YouTube चैनल थंडर रिव्यूज़ में। तो गाइस आज हम बात करने वाले हैं यहाँ पे मुबारका मूवी के बारे में। तो गाइस मैं आपको यहाँ पे मूवी का रिव्यू दूंगा, और गाइस मूवी का रिव्यू स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूँ कि गाइस मैं यहाँ पे कोई मूवी की क्लिप या फिर पूरी मूवी अपलोड नहीं कर पाऊंगा YouTube कम्युनिटी गाइडलाइंस की वजह से। तो गाइस चलिए स्टार्ट करते हैं मूवी का रिव्यू, और गाइस मैं आपको बताता हूँ यहाँ पे इस मूवी को किसने डायरेक्ट किया है और किसके द्वारा इसका स्क्रीन प्ले दिया गया है, और इस मूवी की स्टोरी के बारे में किसने इस मूवी की स्टोरी दी है, और इस मूवी के प्रोड्यूसर्स के बारे में, और इस मूवी के स्टारिंग रोल्स के बारे में, और गाइस मूवी से जुड़ी हुई जानकारी और काफ़ी कुछ। तो गाइस इस मूवी का जो डायरेक्टर है वह अनीस बज्मी, और गाइस अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के स्क्रीन प्ले की, तो गाइस इस मूवी का जो स्क्रीन प्ले दिया गया है वो दिया गया है बलविंदर सिंह जंजुआ के द्वारा और गुरमीत सिंह के द्वारा और राजेश चावला के द्वारा, जिन्होंने गाइस इस मूवी के अंदर डायलॉग्स दिए हैं। और अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी की स्टोरी की, तो गाइस इस मूवी की जो स्टोरी दी गई है वो दी गई बलविंदर सिंह जंजुआ के द्वारा और रुपिंदर चहल के द्वारा। और गाइस अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के प्रोड्यूसर्स की, तो गाइस इस मूवी के प्रोड्यूसर्स में आपको देखने के लिए मिलेंगे सोनी पिक्चर्स नेटवर्क्स प्रोडक्शंस और मुराद खेतानी के द्वारा और अश्विन वर्दे के द्वारा। और गाइस अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के स्टारिंग रोल्स की, तो गाइस इस मूवी के स्टारिंग रोल्स में आपको देखने के लिए मिलेंगे अनिल कपूर और अर्जुन कपूर और इलियाना डिक्रूज और आथिया शेट्टी और करण कुंद्रा और नेहा शर्मा और राहुल देव और गुरपाल सिंह और रतन पाठक साहा और पवन मल्होत्रा और ललित परिमो और संजय कपूर। और गाइस ये मूवी सुनाई गई है विजय राज के द्वारा। और गाइस अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के सिनेमेटोग्राफी की, तो गाइस इस मूवी की जो सिनेमेटोग्राफी की गई है वो की गई हिम्मत धमीजा के द्वारा, और गाइस इस मूवी को एडिट किया गया है रामेश्वर एस भगत के द्वारा। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के म्यूजिक की, तो गाइस इस मूवी के अंदर जो सॉन्ग्स दिए गए हैं वो दिए गए अमाल मलिक के द्वारा और गौरव रोशन के द्वारा और ऋषि रिच के द्वारा, और इस मूवी के अंदर जो बैकग्राउंड स्कोर दिया गया है वो दिया गया अमर मोहिल के द्वारा। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की प्रोडक्शन कंपनीज की, तो गाइस इस मूवी की जो प्रोडक्शन कंपनीज हैं वो है सोनी पिक्चर्स नेटवर्क्स प्रोडक्शंस और साइनमन स्टूडियोज और मार्क प्रोडक्शन। और गाइस इस मूवी को डिस्ट्रीब्यूट किया गया था सोनी पिक्चर्स लीजिंग के द्वारा, और इस मूवी को रिलीज किया गया था 28 जुलाई 2017 को, और मूवी का टोटल रनिंग टाइम है 116 मिनट का, और ये इंडिया की हिंदी लैंग्वेज की मूवी है। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के बजट की, तो गाइस इस मूवी का टोटल बजट है वो है 65 करोड़ रुपए का। और अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी की बॉक्स ऑफिस पे कमाई की, तो गाइस बॉक्स ऑफिस पे इस मूवी ने मतलब काफ़ी अच्छी खासी धूम मचाई, काफ़ी अच्छी खासी कमाई की है, क्योंकि इस बॉक्स ऑफिस पे जिस मूवी ने कमाई की है वो की 93.59 करोड़ रुपये की। तो आप इससे भी अंदाज़ा लगा सकते हैं कि मूवी की स्टोरी कैसी होगी। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के साउंड ट्रैक की, तो गाइस अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के साउंड ट्रैक की, तो गाइस इस मूवी के अंदर टोटल 6 सॉन्ग्स हैं, और गाइस जो इस मूवी के अंदर पहला सॉन्ग है वो है द गूगल सॉन्ग, और गाइस जो इस मूवी के अंदर दूसरा सॉन्ग है वो है मुबारक का टाइटल ट्रैक, और गाइस जो इस मूवी के अंदर तीसरा सॉन्ग है वह जट जगुआर, और गाइस जो इस मूवी के अंदर चौथा सॉन्ग है वह हाथों में थे हाथ, और गाइस जो इस मूवी के अंदर पांचवा सॉन्ग है वह हवा हवा, और गाइस जो इस मूवी के अंदर छठा और आखिरी सॉन्ग है वह दिल धड़के लाउडर लाउडर। तो गाइस इसी तरीके से 6 सॉन्ग्स हैं और मतलब मीडियम सॉन्ग्स हैं, सुन भी सकते हैं आप अगर आपका मन करता है तो, मैं सजेस्ट करूंगा सुन सकते हैं अगर मन कर रहा है तो, अगर नहीं कर रहा तो मत सुनिए, स्किप कर दीजिए। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की IMDb रेटिंग के बारे में। तो गाइस अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी की IMDb रेटिंग की, तो गाइस इस मूवी को IMDb पर मिले हैं 10 में से 5.6 की रेटिंग, जो कि गाइस मतलब मीडियम से थोड़ा ऊपर है, काफ़ी सही रेटिंग है। तो मैं आपको सजेशन यहाँ पे यही करूँगा कि वन टाइम मूवी है, अगर आप एक बार देखेंगे तो आपको काफ़ी आनंद आएगा, थोड़े कॉमेडी सीन्स भी इस मूवी के अंदर और मतलब एक्शन सीन्स भी हैं। तो सजेस्ट मैं आपको यहाँ पे यही करूँगा आप मूवी देखें एक बार जरूर देखें। और गाइस वैसे मैं अगर आपको अपना पर्सनल ओपिनियन दूँ इस मूवी के बारे में, तो गाइस ये मूवी मेरी देखी हुई है और काफ़ी कॉमेडी स्टोरी इस मूवी, तो गाइस मैं आपको यहाँ पे सजेस्ट यही करूँगा आप एक बार जरूर देखें इस मूवी को और मूवी देख के मूवी का आनंद लें और इस मूवी के सॉन्ग सुने और अच्छे जाने इस मूवी की स्टोरी को और सॉन्ग सुन के सॉन्ग्स का आनंद लें। तो गाइस चलिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। हे गाइस आप सभी का फिर से स्वागत है मेरे YouTube चैनल थंडर रिव्यूज़ में। तो गाइस आज हम बात करने वाले हैं यहाँ पे मुबारका मूवी के बारे में। तो गाइस मैं आपको यहाँ पे मूवी का रिव्यू दूंगा, और गाइस मूवी का रिव्यू स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि गाइस मैं यहाँ पे कोई मूवी की क्लिप या फिर पूरी मूवी अपलोड नहीं कर पाऊंगा YouTube कम्युनिटी गाइडलाइंस की वजह से।
तो गाइस चलिए स्टार्ट करते हैं मूवी का रिव्यू। और गाइस मैं आपको बताता हूँ यहाँ पे इस मूवी को किसने डायरेक्ट किया है और किसके द्वारा इसका स्क्रीन प्ले दिया गया है, और इस मूवी की स्टोरी के बारे में, किसने इस मूवी की स्टोरी दी है, और इस मूवी के प्रोड्यूसर्स के बारे में, और इस मूवी के स्टारिंग रोल्स के बारे में, और गाइस मूवी से जुड़ी हुई जानकारी और काफ़ी कुछ। तो गाइस इस मूवी का जो डायरेक्टर हैं वह अनीस बज्मी। और गाइस अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के स्क्रीन प्ले की, तो गाइस इस मूवी का जो स्क्रीन प्ले दिया गया है वो दिया गया है बलविंदर सिंह जंजुआ के द्वारा, और गुरमीत सिंह के द्वारा, और राजेश चावला के द्वारा, जिन्होंने गाइस इस मूवी के अंदर डायलॉग्स दिए हैं। और अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी की स्टोरी की, तो गाइस इस मूवी की जो स्टोरी दी गई है वो दी गई बलविंदर सिंह जंजुआ के द्वारा और रुपिंदर चहल के द्वारा। और गाइस अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के प्रोड्यूसर्स की, तो गाइस इस मूवी के प्रोड्यूसर्स में आपको देखने के लिए मिलेंगे सोनी पिक्चर्स नेटवर्क्स प्रोडक्शंस और मुराद खेतानी के द्वारा और अश्विन वर्दे के द्वारा। और गाइस अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के स्टारिंग रोल्स की, तो गाइस इस मूवी के स्टारिंग रोल्स में आपको देखने के लिए मिलेंगे अनिल कपूर और अर्जुन कपूर और इलियाना डिक्रूज और आथिया शेट्टी और करण कुंद्रा और नेहा शर्मा और राहुल देव और गुरपाल सिंह और रतन पाठक साहा और पवन मल्होत्रा और ललित परिमो और संजय कपूर। और गाइस ये मूवी सुनाई गई है विजय राज के द्वारा। और गाइस अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी की सिनेमेटोग्राफी की, तो गाइस इस मूवी की जो सिनेमेटोग्राफी की गई है वो की गई हेमंत धमीजा के द्वारा, और गाइस इस मूवी को एडिट किया गया है रामेश्वर एस भगत के द्वारा। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के म्यूजिक की। तो गाइस इस मूवी के अंदर जो सॉन्ग्स दिए गए हैं वो दिए गए अमाल मलिक के द्वारा और गौरव रोशन के द्वारा और ऋषि रिच के द्वारा, और इस मूवी के अंदर जो बैकग्राउंड स्कोर दिया गया है वो दिया गया अमर मोहिल के द्वारा। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की प्रोडक्शन कंपनीज की। तो गाइस इस मूवी की जो प्रोडक्शन कंपनीज हैं वो है सोनी पिक्चर्स नेटवर्क्स प्रोडक्शंस और साइन वन स्टूडियोज और मार्क प्रोडक्शन। और गाइस इस मूवी को डिस्ट्रीब्यूट किया गया था सोनी पिक्चर्स लीजिंग के द्वारा, और इस मूवी को रिलीज किया गया था 28 जुलाई सन 2017 को, और मूवी का टोटल रनिंग टाइम है 116 मिनट का, और ये इंडिया की हिंदी लैंग्वेज की मूवी है। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के बजट की। तो गाइस इस मूवी का टोटल बजट है वो 65 करोड़ रुपए का, और अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी की बॉक्स ऑफिस पे कमाई की, तो गाइस बॉक्स ऑफिस पे इस मूवी ने मतलब काफ़ी अच्छी खासी धूम मचाई, काफ़ी अच्छी खासी कमाई की है, क्योंकि इस बॉक्स ऑफिस पे जिस मूवी ने कमाई की है वो की 93.59 करोड़ रुपए की। तो आप इससे भी अंदाजा लगा सकते हैं कि मूवी की स्टोरी कैसी होगी। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के साउंड ट्रैक की। तो गाइस अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के साउंड ट्रैक की, तो गाइस इस मूवी के अंदर टोटल 6 सॉन्ग्स हैं। और गाइस जो इस मूवी के अंदर पहला सॉन्ग है वो है द गूगल सॉन्ग, और गाइस जो इस मूवी के अंदर दूसरा सॉन्ग है वो है मुबारक का टाइटल ट्रैक, और गाइस जो इस मूवी के अंदर तीसरा सॉन्ग है वो जट जगुआर, और गाइस जो इस मूवी के अंदर चौथा सॉन्ग है वो हाथों में थे हाथ, और गाइस जो इस मूवी के अंदर पांचवा सॉन्ग है वो हवा हवा, और गाइस जो इस मूवी के अंदर छठा और आखिरी सॉन्ग है वो दिल धड़के लाउडर लाउडर। तो गाइस इसी तरीके से 6 सॉन्ग्स हैं, और मतलब मीडियम सॉन्ग्स हैं, सुन भी सकते हैं आप अगर आपका मन करता है तो, मैं सजेस्ट करूंगा सुन सकते हैं अगर मन कर रहा है तो, अगर नहीं कर रहा तो मत सुनिए, स्किप कर दीजिए। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की आईएमडीबी रेटिंग के बारे में। तो गाइस अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी की आईएमडीबी रेटिंग की, तो गाइस इस मूवी को आईएमडीबी पर मिले हैं 10 में से 5.6 की रेटिंग, जो कि गाइस मतलब मीडियम से थोड़ा ऊपर है, काफ़ी सही रेटिंग है। तो मैं आपको सजेशन यहाँ पे यही करूँगा कि वन टाइम मूवी है, अगर आप एक बार देखेंगे तो आपको काफ़ी आनंद आएगा, थोड़े कॉमेडी सीन्स भी इस मूवी के अंदर और मतलब एक्शन सीन्स भी हैं। तो सजेस्ट मैं आपको यहाँ पे यही करूँगा, आप मूवी देखें एक बार जरूर देखें। और गाइस वैसे मैं अगर आपको अपना पर्सनल ओपिनियन दूँ इस मूवी के बारे में, तो गाइस ये मूवी मेरी देखी हुई है और काफ़ी कॉमेडी स्टोरी इस मूवी, तो गाइस मैं आपको यहाँ पे सजेस्ट यही करूँगा आप एक बार जरूर देखें इस मूवी को, और मूवी देख के मूवी का आनंद लें और इस मूवी के सॉन्ग सुने और अच्छे जाने इस मूवी की स्टोरी को और सॉन्ग सुन के सॉन्ग्स का आनंद लें। तो गाइस चलिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। हे गाइस आप सभी का फिर से स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल थंडर रिव्यूज़ में। तो गाइस आज हम बात करने वाले हैं यहाँ पे मुबारका मूवी के बारे में। तो गाइस मैं आपको यहाँ पे मूवी का रिव्यू दूंगा, और गाइस मूवी का रिव्यू स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूँ कि गाइस मैं यहाँ पे कोई मूवी की क्लिप या फिर पूरी मूवी अपलोड नहीं कर पाऊंगा यूट्यूब कम्युनिटी गाइडलाइंस की वजह से। तो गाइस चलिए स्टार्ट करते हैं मूवी का रिव्यू। और गाइस मैं आपको बताता हूँ यहाँ पे इस मूवी को किसने डायरेक्ट किया है और किसके द्वारा इसका स्क्रीन प्ले दिया गया है, और इस मूवी की स्टोरी के बारे में, किसने इस मूवी की स्टोरी दी है, और इस मूवी के प्रोड्यूसर्स के बारे में, और इस मूवी के स्टारिंग रोल्स के बारे में, और गाइस मूवी से जुड़ी हुई जानकारी और काफ़ी कुछ। तो गाइस इस मूवी का जो डायरेक्टर हैं वह अनीस बज्मी। और गाइस अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के स्क्रीन प्ले की, तो गाइस इस मूवी का जो स्क्रीन प्ले दिया गया है वो दिया गया बलविंदर सिंह जंजुआ के द्वारा और गुरमीत सिंह के द्वारा और राजेश चावला के द्वारा, जिन्होंने गाइस इस मूवी के अंदर डायलॉग्स दिए हैं। और अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी की स्टोरी की, तो गाइस इस मूवी की जो स्टोरी दी गई है वो दी गई बलविंदर सिंह जंजुआ के द्वारा और रुपिंदर चहल के द्वारा। और गाइस अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के प्रोड्यूसर्स की, तो गाइस इस मूवी के प्रोड्यूसर्स में आपको देखने के लिए मिलेंगे सोनी पिक्चर्स नेटवर्क्स प्रोडक्शंस और मुराद खेतानी के द्वारा और अश्विन वर्दे के द्वारा। और गाइस अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के स्टारिंग रोल्स की, तो गाइस इस मूवी के स्टारिंग रोल्स में आपको देखने के लिए मिलेंगे अनिल कपूर और अर्जुन कपूर और इलियाना डिक्रूज और आथिया शेट्टी और करण कुंद्रा और नेहा शर्मा और राहुल देव और गुरपाल सिंह और रतन पाठक साहा और पवन मल्होत्रा और ललित परिमो
और संजय कपूर। और गाइज ये मूवी सुनाई गई है विजय राज के द्वारा। और गाइज अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के सिनेमेटोग्राफी की, तो गाइज इस मूवी की जो सिनेमेटोग्राफी की गई है वो की गई हेमंत धमीजा के द्वारा। और गाइज इस मूवी को एडिट किया गया है रामेश्वर एस भगत के द्वारा। तो गाइज चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के म्यूजिक की। तो गाइज इस मूवी के अंदर जो सॉन्ग्स दिए गए हैं वो दिए गए अमाल मलिक के द्वारा और गौरव रोशन के द्वारा और ऋषि रिच के द्वारा। और इस मूवी के अंदर जो बैकग्राउंड स्कोर दिया गया है वो दिया गया अमर मोहिल के द्वारा। तो गाइज चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की प्रोडक्शन कंपनीज की। तो गाइज इस मूवी की जो प्रोडक्शन कंपनीज हैं वो है सोनी पिक्चर्स नेटवर्क्स प्रोडक्शंस और साइनमन स्टूडियोज और मार्क प्रोडक्शन। और गाइज इस मूवी को डिस्ट्रीब्यूट किया गया था सोनी पिक्चर्स लीजिंग के द्वारा। और इस मूवी को रिलीज किया गया था 28 जुलाई 2017 को और मूवी का टोटल रनिंग टाइम है 116 मिनट का और ये इंडिया की हिंदी लैंग्वेज की मूवी है। तो गाइज चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के बजट की। तो गाइज इस मूवी का टोटल बजट है वो है 65 करोड़ रुपए का। और अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी की बॉक्स ऑफिस पे कमाई की, तो गाइज बॉक्स ऑफिस पे इस मूवी ने मतलब काफ़ी अच्छी खासी धूम मचाई, काफ़ी अच्छी खासी कमाई की है, क्योंकि इस बॉक्स ऑफिस पे जिस मूवी ने कमाई की है वो की 93.59 करोड़ रुपये की। तो आप इससे भी अंदाज़ा लगा सकते हैं कि मूवी की स्टोरी कैसी होगी। तो गाइज चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के साउंड ट्रैक की। तो गाइज अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के साउंड ट्रैक की, तो गाइज इस मूवी के अंदर टोटल 6 सॉन्ग्स हैं। और गाइज इस मूवी के अंदर पहला सॉन्ग है वो है द गूगल सॉन्ग। और गाइज इस मूवी के अंदर दूसरा सॉन्ग है वो है मुबारक का टाइटल ट्रैक। और गाइस जो इस मूवी के अंदर तीसरा सॉन्ग है वो जट जगुआर। और गाइस जो इस मूवी के अंदर चौथा सॉन्ग है वो हाथों में थे हाथ। और गाइस जो इस मूवी के अंदर पांचवा सॉन्ग है वो हवा हवा। और गाइस जो इस मूवी के अंदर छठा और आखिरी सॉन्ग है वो दिल धड़के लाउडर लाउडर। तो गाइस इसी तरीके से 6 सॉन्ग्स हैं और मतलब मीडियम सॉन्ग्स हैं, सुन भी सकते हैं आप अगर आपका मन करता है तो। मैं सजेस्ट करूंगा सुन सकते हैं अगर मन कर रहा है तो, अगर नहीं कर रहा तो मत सुनिए, स्किप कर दीजिए। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के IMDb रेटिंग के बारे में। तो गाइस अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी की IMDb रेटिंग की, तो गाइस इस मूवी को IMDb पर मिले हैं 10 में से 5.6 की रेटिंग, जो कि गाइस मतलब मीडियम से थोड़ा ऊपर है, काफ़ी सही रेटिंग है। तो मैं आपको सजेशन यहाँ पे यही करूँगा कि वन टाइम मूवी है, अगर आप एक बार देखेंगे तो आपको काफ़ी आनंद आएगा। थोड़े कॉमेडी सीन्स भी इस मूवी के अंदर और मतलब एक्शन सीन्स भी हैं। तो सजेस्ट मैं आपको यहाँ पे यही करूँगा, आप मूवी देखें एक बार जरूर देखें। और गाइज वैसे मैं अगर आपको अपना पर्सनल ओपिनियन दूँ इस मूवी के बारे में, तो गाइज ये मूवी मेरी देखी हुई है और काफ़ी कॉमेडी स्टोरी इस मूवी। तो गाइज मैं आपको यहाँ पे सजेस्ट यही करूँगा, आप एक बार जरूर देखें इस मूवी को और मूवी देख के मूवी का आनंद लें और इस मूवी के सॉन्ग सुने और अच्छे से जाने इस मूवी की स्टोरी को और सॉन्ग सुन के सॉन्ग्स का आनंद लें। तो गाइज चलिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। हे गाइज आप सभी का फिर से स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल थंडर रिव्यूज़ में। तो गाइज आज हम बात करने वाले हैं यहाँ पे मुबारका मूवी के बारे में। तो गाइज मैं आपको यहाँ पे मूवी का रिव्यू दूंगा और गाइज मूवी का रिव्यू स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूँ कि गाइज मैं यहाँ पे कोई मूवी की क्लिप या फिर पूरी मूवी अपलोड नहीं कर पाऊंगा यूट्यूब कम्युनिटी गाइडलाइंस की वजह से। तो गाइज चलिए स्टार्ट करते हैं मूवी का रिव्यू। और गाइज मैं आपको बताता हूँ यहाँ पे इस मूवी को किसने डायरेक्ट किया है और किसके द्वारा इसका स्क्रीन प्ले दिया गया है और इस मूवी की स्टोरी के बारे में, किसने इस मूवी की स्टोरी दी है और इस मूवी के प्रोड्यूसर्स के बारे में और इस मूवी के स्टारिंग रोल्स के बारे में और गाइज मूवी से जुड़ी हुई जानकारी और काफ़ी कुछ। तो गाइज इस मूवी का जो डायरेक्टर हैं वह अनीस बज्मी। और गाइज अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के स्क्रीन प्ले की, तो गाइज इस मूवी का जो स्क्रीन प्ले दिया गया है वो दिया गया है बलविंदर सिंह जंजुआ के द्वारा और गुरमीत सिंह के द्वारा और राजेश चावला के द्वारा, जिन्होंने गाइज इस मूवी के अंदर डायलॉग्स दिए हैं। और अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी की स्टोरी की, तो गाइज इस मूवी की जो स्टोरी दी गई है वो दी गई बलविंदर सिंह जंजुआ के द्वारा और रुपिंदर चहल के द्वारा। और गाइज अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के प्रोड्यूसर्स की, तो गाइज इस मूवी के प्रोड्यूसर्स में आपको देखने के लिए मिलेंगे सोनी पिक्चर्स नेटवर्क्स प्रोडक्शंस और मुराद खेतानी के द्वारा और अश्विन वर्दे के द्वारा। और गाइज अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के स्टारिंग रोल्स की, तो गाइज इस मूवी के स्टारिंग रोल्स में आपको देखने के लिए मिलेंगे अनिल कपूर और अर्जुन कपूर और इलियाना डिक्रूज और आथिया शेट्टी और करण कुंद्रा और नेहा शर्मा और राहुल देव और गुरपाल सिंह और रतन पाठक साहा और पवन मल्होत्रा और ललित परिमो और संजय कपूर। और गाइज ये मूवी सुनाई गई है विजय राज के द्वारा। और गाइज अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के सिनेमेटोग्राफी की, तो गाइज इस मूवी की जो सिनेमेटोग्राफी की गई है वो की गई हेमंत धमीजा के द्वारा। और गाइज इस मूवी को एडिट किया गया है रामेश्वर एस भगत के द्वारा। तो गाइज चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के म्यूजिक की। तो गाइज इस मूवी के अंदर जो सॉन्ग्स दिए गए हैं वो दिए गए अमाल मलिक के द्वारा और गौरव रोशन के द्वारा और ऋषि रिच के द्वारा। और इस मूवी के अंदर जो बैकग्राउंड स्कोर दिया गया है वो दिया गया अमर मोहिल के द्वारा। तो गाइज चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की प्रोडक्शन कंपनीज की। तो गाइज इस मूवी की जो प्रोडक्शन कंपनीज हैं वो है सोनी पिक्चर्स नेटवर्क्स प्रोडक्शंस और साइनमन स्टूडियोज और मार्क प्रोडक्शन। और गाइज इस मूवी को डिस्ट्रीब्यूट किया गया था सोनी पिक्चर्स लीजिंग के द्वारा और इस मूवी को रिलीज किया गया था 28 जुलाई 2017 को और मूवी का टोटल रनिंग टाइम है 116 मिनट का और ये इंडिया की हिंदी लैंग्वेज की मूवी है। तो गाइज चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के बजट की। तो गाइज इस मूवी का टोटल बजट है वो है 65 करोड़ रुपए का। और अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी की बॉक्स ऑफिस पे कमाई की, तो गाइज बॉक्स ऑफिस पे इस मूवी ने मतलब काफ़ी अच्छी खासी धूम मचाई, काफ़ी अच्छी खासी कमाई की है, क्योंकि इस बॉक्स ऑफिस पे जिस मूवी ने कमाई की है वो की 93.59 करोड़ रुपये की। तो आप इससे भी अंदाज़ा लगा सकते हैं कि मूवी की स्टोरी कैसी होगी। तो गाइज चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के साउंड ट्रैक की। तो गाइज अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के साउंड ट्रैक की, तो गाइज इस मूवी के अंदर टोटल 6 सॉन्ग्स हैं। और गाइज इस मूवी के अंदर पहला सॉन्ग है वो है द गूगल सॉन्ग। और गाइज इस मूवी के अंदर दूसरा सॉन्ग है वो है मुबारका का टाइटल ट्रैक। और गाइज इस मूवी के अंदर तीसरा सॉन्ग है वो जट जगुआर।
और गाइस जो इस मूवी के अंदर चौथा सॉन्ग है वह हाथों में थे हाथ, और गाइस जो इस मूवी के अंदर पांचवा सॉन्ग है वह हवा हवा, और गाइस जो इस मूवी के अंदर छठा और आखिरी सॉन्ग है वह दिल धड़के लाउडर लाउडर। तो गाइस इसी तरीके से छः सॉन्ग्स हैं और मतलब मीडियम सॉन्ग्स हैं, सुन भी सकते हैं आप अगर आपका मन करता है तो, मैं सजेस्ट करूँगा सुन सकते हैं अगर मन कर रहा है तो, अगर नहीं कर रहा तो मत सुनिए, स्किप कर दीजिए। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के IMDb रेटिंग के बारे में। तो गाइस अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी की IMDb रेटिंग की, तो गाइस इस मूवी को IMDb पर मिले हैं 10 में से 5.6 की रेटिंग, जो कि गाइस मतलब मीडियम से थोड़ा ऊपर है, काफ़ी सही रेटिंग है। तो मैं आपको सजेस्ट यहाँ पे यही करूँगा कि वन टाइम मूवी है, अगर आप एक बार देखेंगे तो आपको काफ़ी आनंद आएगा, थोड़े कॉमेडी सीन्स भी इस मूवी के अंदर और मतलब एक्शन सीन्स भी हैं। तो सजेस्ट मैं आपको यहाँ पे यही करूँगा, आप मूवी देखें एक बार जरूर देखें। और गाइस वैसे मैं अगर आपको अपना पर्सनल ओपिनियन दूँ इस मूवी के बारे में, तो गाइस ये मूवी मेरी देखी हुई है और काफ़ी कॉमेडी स्टोरी इस मूवी, तो गाइस मैं आपको यहाँ पे सजेस्ट यही करूँगा आप एक बार जरूर देखें इस मूवी को और मूवी देख के मूवी का आनंद लें और इस मूवी के सॉन्ग सुने और अच्छे जाने इस मूवी की स्टोरी को और सॉन्ग सुन के सॉन्ग्स का आनंद लें। तो गाइस चलिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। हे गाइस आप सभी का फिर से स्वागत है मेरे YouTube चैनल थंडर रिव्यूज़ में। तो गाइस आज हम बात करने वाले हैं यहाँ पे मुबारका मूवी के बारे में। तो गाइस मैं आपको यहाँ पे मूवी का रिव्यू दूंगा, और गाइस मूवी का रिव्यू स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि गाइस मैं यहाँ पे कोई मूवी की क्लिप या फिर पूरी मूवी अपलोड नहीं कर पाऊंगा YouTube कम्युनिटी गाइडलाइंस की वजह से। तो गाइस चलिए स्टार्ट करते हैं मूवी का रिव्यू, और गाइस मैं आपको बताता हूँ यहाँ पे इस मूवी को किसने डायरेक्ट किया है और किसके द्वारा इसका स्क्रीन प्ले दिया गया है, और इस मूवी की स्टोरी के बारे में किसने इस मूवी की स्टोरी दी है, और इस मूवी के प्रोड्यूसर्स के बारे में, और इस मूवी के स्टारिंग रोल्स के बारे में, और गाइस मूवी से जुड़ी हुई जानकारी और काफ़ी कुछ। तो गाइस इस मूवी का जो डायरेक्टर है वह अनीस बज्मी, और गाइस अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के स्क्रीन प्ले की, तो गाइस इस मूवी का जो स्क्रीन प्ले दिया गया है वो दिया गया है बलविंदर सिंह जंजुआ के द्वारा और गुरमीत सिंह के द्वारा और राजेश चावला के द्वारा, जिन्होंने गाइस इस मूवी के अंदर डायलॉग्स दिए हैं। और अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी की स्टोरी की, तो गाइस इस मूवी की जो स्टोरी दी गई है वो दी गई बलविंदर सिंह जंजुआ के द्वारा और रुपिंदर चहल के द्वारा। और गाइस अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के प्रोड्यूसर्स की, तो गाइस इस मूवी के प्रोड्यूसर्स में आपको देखने के लिए मिलेंगे सोनी पिक्चर्स नेटवर्क्स प्रोडक्शंस और मुराद खेतानी के द्वारा और अश्विन वर्दे के द्वारा। और गाइस अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के स्टारिंग रोल्स की, तो गाइस इस मूवी के स्टारिंग रोल्स में आपको देखने के लिए मिलेंगे अनिल कपूर और अर्जुन कपूर और इलियाना डिक्रूज और आथिया शेट्टी और करण कुंद्रा और नेहा शर्मा और राहुल देव और गुरपाल सिंह और रतन पाठक साहा और पवन मल्होत्रा और ललित परिमो और संजय कपूर। और गाइस ये मूवी सुनाई गई है विजय राज के द्वारा। और गाइस अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के सिनेमेटोग्राफी की, तो गाइस इस मूवी की जो सिनेमेटोग्राफी की गई है वो की गई हिम्मत धमीजा के द्वारा, और गाइस इस मूवी को एडिट किया गया है रामेश्वर एस भगत के द्वारा। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के म्यूजिक की, तो गाइस इस मूवी के अंदर जो सॉन्ग्स दिए गए हैं वो दिए गए अमाल मलिक के द्वारा और गौरव रोशन के द्वारा और ऋषि रिच के द्वारा, और इस मूवी के अंदर जो बैकग्राउंड स्कोर दिया गया है वो दिया गया अमर मोहिल के द्वारा। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की प्रोडक्शन कंपनीज की, तो गाइस इस मूवी की जो प्रोडक्शन कंपनीज हैं वो है सोनी पिक्चर्स नेटवर्क्स प्रोडक्शंस और साइनमन स्टूडियोज और मार्क प्रोडक्शन। और गाइस इस मूवी को डिस्ट्रीब्यूट किया गया था सोनी पिक्चर्स लीजिंग के द्वारा, और इस मूवी को रिलीज किया गया था 28 जुलाई 2017 को, और मूवी का टोटल रनिंग टाइम है 116 मिनट का, और ये इंडिया की हिंदी लैंग्वेज की मूवी है। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के बजट की, तो गाइस इस मूवी का टोटल बजट है वो 65 करोड़ रुपए का। और अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी की बॉक्स ऑफिस पे कमाई की, तो गाइस बॉक्स ऑफिस पे इस मूवी ने मतलब काफ़ी अच्छी खासी धूम मचाई, काफ़ी अच्छी खासी कमाई की है, क्योंकि इस बॉक्स ऑफिस पे जिस मूवी ने कमाई की है वो की 93.59 करोड़ रुपये की। तो आप इससे भी अंदाज़ा लगा सकते हैं कि मूवी की स्टोरी कैसी होगी। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के साउंड ट्रैक की, तो गाइस अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के साउंड ट्रैक की, तो गाइस इस मूवी के अंदर टोटल 6 सॉन्ग्स हैं, और गाइस जो इस मूवी के अंदर पहला सॉन्ग है वो है द गूगल सॉन्ग, और गाइस जो इस मूवी के अंदर दूसरा सॉन्ग है वो है मुबारक का टाइटल ट्रैक, और गाइस जो इस मूवी के अंदर तीसरा सॉन्ग है वह जट जैगुआर, और गाइस जो इस मूवी के अंदर चौथा सॉन्ग है वह हाथों में थे हाथ, और गाइस जो इस मूवी के अंदर पांचवा सॉन्ग है वह हवा हवा, और गाइस जो इस मूवी के अंदर छठा और आखिरी सॉन्ग है वह दिल धड़के लाउडर लाउडर। तो गाइस इसी तरीके से 6 सॉन्ग्स हैं और मतलब मीडियम सॉन्ग्स हैं, सुन भी सकते हैं आप अगर आपका मन करता है तो, मैं सजेस्ट करूंगा सुन सकते हैं अगर मन कर रहा है तो, अगर नहीं कर रहा तो मत सुनिए, स्किप कर दीजिए। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की IMDb रेटिंग के बारे में। तो गाइस अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी की IMDb रेटिंग की, तो गाइस इस मूवी को IMDb पर मिले हैं 10 में से 5.6 की रेटिंग, जो कि गाइस मतलब मीडियम से थोड़ा ऊपर है, काफ़ी सही रेटिंग है। तो मैं आपको सजेस्ट यहाँ पे यही करूँगा कि वन टाइम मूवी है, अगर आप एक बार देखेंगे तो आपको काफ़ी आनंद आएगा, थोड़े कॉमेडी सीन्स भी इस मूवी के अंदर और मतलब एक्शन सीन्स भी हैं। तो सजेस्ट मैं आपको यहाँ पे यही करूँगा, आप मूवी देखें एक बार जरूर देखें। और गाइस वैसे मैं अगर आपको अपना पर्सनल ओपिनियन दूँ इस मूवी के बारे में, तो गाइस ये मूवी मेरी देखी हुई है और काफ़ी कॉमेडी स्टोरी इस मूवी, तो गाइस मैं आपको यहाँ पे सजेस्ट यही करूँगा आप एक बार जरूर देखें इस मूवी को और मूवी देख के मूवी का आनंद लें और इस मूवी के सॉन्ग सुने और अच्छे जाने इस मूवी की स्टोरी को और सॉन्ग सुन के सॉन्ग्स का आनंद लें। तो गाइस चलिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। हे गाइस आप सभी का फिर से स्वागत है मेरे YouTube चैनल थंडर रिव्यूज़ में। तो गाइस आज हम बात करने वाले हैं यहाँ पे मुबारका मूवी के बारे में। तो गाइस मैं आपको यहाँ पे मूवी का रिव्यू दूंगा, और गाइस मूवी का रिव्यू स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि गाइस मैं यहाँ पे कोई मूवी की क्लिप या फिर पूरी मूवी अपलोड नहीं कर पाऊंगा YouTube कम्युनिटी गाइडलाइंस की वजह से।
तो वैसे चलिए स्टार्ट करते हैं मूवी का रिव्यू। और गाइस मैं आपको बताता हूँ यहाँ पे इस मूवी को किसने डायरेक्ट किया है और किसके द्वारा इसका स्क्रीन प्ले दिया गया है और इस मूवी की स्टोरी के बारे में, किसने इस मूवी की स्टोरी दी है और इस मूवी के प्रोड्यूसर्स के बारे में और इस मूवी के स्टारिंग रोल्स के बारे में और गाइस मूवी से जुड़ी हुई जानकारी और काफ़ी कुछ। तो गाइस इस मूवी का जो डायरेक्टर हैं वह अनीस बज्मी। और गाइस अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के स्क्रीन प्ले की, तो गाइस इस मूवी का जो स्क्रीन प्ले दिया गया है वो दिया गया है बलविंदर सिंह जंजुआ के द्वारा और गुरमीत सिंह के द्वारा और राजेश चावला के द्वारा, जिन्होंने गाइस इस मूवी के अंदर डायलॉग्स दिए हैं। और अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी की स्टोरी की, तो गाइस इस मूवी की जो स्टोरी दी गई है वो दी गई बलविंदर सिंह जंजुआ के द्वारा और रुपिंदर चहल के द्वारा। और गाइस अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के प्रोड्यूसर्स की, तो गाइस इस मूवी के प्रोड्यूसर्स में आपको देखने के लिए मिलेंगे सोनी पिक्चर्स नेटवर्क्स प्रोडक्शंस और मुराद खेतानी के द्वारा और अश्विन वर्दे के द्वारा। और गाइस अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के स्टारिंग रोल्स की, तो गाइस इस मूवी के स्टारिंग रोल्स में आपको देखने के लिए मिलेंगे अनिल कपूर और अर्जुन कपूर और इलियाना डिक्रूज और आथिया शेट्टी और करण कुंद्रा और नेहा शर्मा और राहुल देव और गुरपाल सिंह और रतन पाठक साहा और पवन मल्होत्रा और ललित परिमो और संजय कपूर। और गाइस ये मूवी सुनाई गई है विजय राज के द्वारा। और गाइस अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के सिनेमेटोग्राफी की, तो गाइस इस मूवी की जो सिनेमेटोग्राफी की गई है वो की गई हिम्मत धमीजा के द्वारा और गाइस इस मूवी को एडिट किया गया है रामेश्वर एस भगत के द्वारा। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के म्यूजिक की। तो गाइस इस मूवी के अंदर जो सॉन्ग्स दिए गए हैं वो दिए गए हैं अमाल मलिक के द्वारा और गौरव रोशन के द्वारा और ऋषि रिच के द्वारा। और इस मूवी के अंदर जो बैकग्राउंड स्कोर दिया गया है वो दिया गया अमर मोहिल के द्वारा। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की प्रोडक्शन कंपनीज की। तो गाइस इस मूवी की जो प्रोडक्शन कंपनीज हैं वो है सोनी पिक्चर्स नेटवर्क्स प्रोडक्शंस और साइन वन स्टूडियोज और मार्क प्रोडक्शन। और गाइस इस मूवी को डिस्ट्रीब्यूट किया गया था सोनी पिक्चर्स लीजिंग के द्वारा और इस मूवी को रिलीज किया गया था 28 जुलाई सन 2017 को और मूवी का टोटल रनिंग टाइम है 116 मिनट का और ये इंडिया की हिंदी लैंग्वेज की मूवी है। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के बजट की। तो गाइस इस मूवी का टोटल बजट है वो 65 करोड़ रुपए का। और अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी की बॉक्स ऑफिस पे कमाई की, तो गाइस बॉक्स ऑफिस पे इस मूवी ने मतलब काफ़ी अच्छी खासी धूम मचाई, काफ़ी अच्छी खासी कमाई की है, क्योंकि इस बॉक्स ऑफिस पे जिस मूवी ने कमाई की है वो की 93.59 करोड़ रुपये की। तो आप इससे भी अंदाजा लगा सकते हैं कि मूवी की स्टोरी कैसी होगी। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के साउंड ट्रैक की। तो गाइस अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के साउंड ट्रैक की, तो गाइस इस मूवी के अंदर टोटल 6 सॉन्ग्स हैं। और गाइस जो इस मूवी के अंदर पहला सॉन्ग है वो है द गूगल सॉन्ग। और गाइस जो इस मूवी के अंदर दूसरा सॉन्ग है वो है मुबारक का टाइटल ट्रैक। और गाइस जो इस मूवी के अंदर तीसरा सॉन्ग है वो जट जगुआर। और गाइस जो इस मूवी के अंदर चौथा सॉन्ग है वो हाथों में थे हाथ। और गाइस जो इस मूवी के अंदर पांचवा सॉन्ग है वो हवा हवा। और गाइस जो इस मूवी के अंदर छठा और आखिरी सॉन्ग है वो दिल धड़के लाउडर लाउडर। तो गाइस इसी तरीके से 6 सॉन्ग्स हैं और मतलब मीडियम सॉन्ग्स हैं, सुन भी सकते हैं आप अगर आपका मन करता है तो, मैं सजेस्ट करूंगा सुन सकते हैं अगर मन कर रहा है तो, अगर नहीं कर रहा तो मत सुनिए, स्किप कर दीजिए। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के IMDb रेटिंग के बारे में। तो गाइस अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी की IMDb रेटिंग की, तो गाइस इस मूवी को IMDb पर मिले हैं 10 में से 5.6 की रेटिंग, जो कि गाइस मतलब मीडियम से थोड़ा ऊपर है, काफ़ी सही रेटिंग है। तो मैं आपको सजेस्ट यहाँ पे यही करूँगा कि वन टाइम मूवी है, अगर आप एक बार देखेंगे तो आपको काफ़ी आनंद आएगा। थोड़े कॉमेडी सीन्स भी इस मूवी के अंदर और मतलब एक्शन सीन्स भी हैं, तो सजेस्ट मैं आपको यहाँ पे यही करूँगा, आप मूवी देखें एक बार जरूर देखें। और गाइस वैसे मैं अगर आपको अपना पर्सनल ओपिनियन दूँ इस मूवी के बारे में, तो गाइस ये मूवी मेरी देखी हुई है और काफ़ी कॉमेडी स्टोरी इस मूवी। तो गाइस मैं आपको यहाँ पे सजेस्ट यही करूँगा, आप एक बार जरूर देखें इस मूवी को और मूवी देख के मूवी का आनंद लें और इस मूवी के सॉन्ग सुने और अच्छे से जानें इस मूवी की स्टोरी को और सॉन्ग सुन के सॉन्ग्स का आनंद लें। तो गाइस चलिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। हे गाइस, आप सभी का फिर से स्वागत है मेरे YouTube चैनल थंडर रिव्यूज़ में। तो गाइस आज हम बात करने वाले हैं यहाँ पे मुबारक मूवी के बारे में। तो गाइस मैं आपको यहाँ पे मूवी का रिव्यू दूंगा और गाइस मूवी का रिव्यू स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि गाइस मैं यहाँ पे कोई मूवी की क्लिप या फिर पूरी मूवी अपलोड नहीं कर पाऊंगा YouTube कम्युनिटी गाइडलाइंस की वजह से। तो गाइस चलिए स्टार्ट करते हैं मूवी का रिव्यू। और गाइस मैं आपको बताता हूँ यहाँ पे इस मूवी को किसने डायरेक्ट किया है और किसके द्वारा इसका स्क्रीन प्ले दिया गया है और इस मूवी की स्टोरी के बारे में, किसने इस मूवी की स्टोरी दी है और इस मूवी के प्रोड्यूसर्स के बारे में और इस मूवी के स्टारिंग रोल्स के बारे में और गाइस मूवी से जुड़ी हुई जानकारी और काफ़ी कुछ। तो गाइस इस मूवी का जो डायरेक्टर हैं वह अनीस बज्मी। और गाइस अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के स्क्रीन प्ले की, तो गाइस इस मूवी का जो स्क्रीन प्ले दिया गया है वो दिया गया बलविंदर सिंह जंजुआ के द्वारा और गुरमीत सिंह के द्वारा और राजेश चावला के द्वारा, जिन्होंने गाइस इस मूवी के अंदर डायलॉग्स दिए हैं। और अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी की स्टोरी की, तो गाइस इस मूवी की जो स्टोरी दी गई है वो दी गई बलविंदर सिंह जंजुआ के द्वारा और रुपिंदर चहल के द्वारा। और गाइस अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के प्रोड्यूसर्स की, तो गाइस इस मूवी के प्रोड्यूसर्स में आपको देखने के लिए मिलेंगे सोनी पिक्चर्स नेटवर्क्स प्रोडक्शंस और मुराद खेतानी के द्वारा और अश्विन वर्दे के द्वारा। और गाइस अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के स्टारिंग रोल्स की, तो गाइस इस मूवी के स्टारिंग रोल्स में आपको देखने के लिए मिलेंगे अनिल कपूर और अर्जुन कपूर और इलियाना डिक्रूज और आथिया शेट्टी और करण कुंद्रा और नेहा शर्मा और राहुल देव और गुरपाल सिंह और रतन पाठक साहा और पवन मल्होत्रा और ललित परिमो
और संजय कपूर। और गाइज ये मूवी सुनाई गई है विजय राज के द्वारा। और गाइज अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के सिनेमेटोग्राफी की, तो गाइज इस मूवी की जो सिनेमेटोग्राफी की गई है वो की गई हेमंत धमीजा के द्वारा। और गाइज इस मूवी को एडिट किया गया है रामेश्वर एस भगत के द्वारा। तो गाइज चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के म्यूजिक की। तो गाइज इस मूवी के अंदर जो सॉन्ग्स दिए गए हैं वो दिए गए अमाल मलिक के द्वारा और गौरव रोशन के द्वारा और ऋषि रिच के द्वारा। और इस मूवी के अंदर जो बैकग्राउंड स्कोर दिया गया है वो दिया गया अमर मोहिल के द्वारा। तो गाइज चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की प्रोडक्शन कंपनीज की। तो गाइज इस मूवी की जो प्रोडक्शन कंपनीज हैं वो है सोनी पिक्चर्स नेटवर्क्स प्रोडक्शंस और साइनमन स्टूडियोज और मार्क प्रोडक्शन। और गाइज इस मूवी को डिस्ट्रीब्यूट किया गया था सोनी पिक्चर्स लीजिंग के द्वारा। और इस मूवी को रिलीज किया गया था 28 जुलाई 2017 को और मूवी का टोटल रनिंग टाइम है 116 मिनट का और ये इंडिया की हिंदी लैंग्वेज की मूवी है। तो गाइज चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के बजट की। तो गाइज इस मूवी का टोटल बजट है वो है 65 करोड़ रुपए का। और अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी की बॉक्स ऑफिस पे कमाई की, तो गाइज बॉक्स ऑफिस पे इस मूवी ने मतलब काफ़ी अच्छी खासी धूम मचाई, काफ़ी अच्छी खासी कमाई की है, क्योंकि इस बॉक्स ऑफिस पे जिस मूवी ने कमाई की है वो की 93.59 करोड़ रुपये की। तो आप इससे भी अंदाज़ा लगा सकते हैं कि मूवी की स्टोरी कैसी होगी। तो गाइज चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के साउंड ट्रैक की। तो गाइज अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के साउंड ट्रैक की, तो गाइज इस मूवी के अंदर टोटल 6 सॉन्ग्स हैं। और गाइज इस मूवी के अंदर पहला सॉन्ग है वो है द गूगल सॉन्ग। और गाइज इस मूवी के अंदर दूसरा सॉन्ग है वो है मुबारक का टाइटल ट्रैक। और गाइस जो इस मूवी के अंदर तीसरा सॉन्ग है वो जट जगुआर। और गाइस जो इस मूवी के अंदर चौथा सॉन्ग है वो हाथों में थे हाथ। और गाइस जो इस मूवी के अंदर पांचवा सॉन्ग है वो हवा हवा। और गाइस जो इस मूवी के अंदर छठा और आखिरी सॉन्ग है वो दिल धड़के लाउडर लाउडर। तो गाइस इसी तरीके से 6 सॉन्ग्स हैं और मतलब मीडियम सॉन्ग्स हैं, सुन भी सकते हैं आप अगर आपका मन करता है तो। मैं सजेस्ट करूंगा सुन सकते हैं अगर मन कर रहा है तो, अगर नहीं कर रहा तो मत सुनिए, स्किप कर दीजिए। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की IMDb रेटिंग के बारे में। तो गाइस अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी की IMDb रेटिंग की, तो गाइस इस मूवी को IMDb पर मिले हैं 10 में से 5.6 की रेटिंग, जो कि गाइस मतलब मीडियम से थोड़ा ऊपर है, काफ़ी सही रेटिंग है। तो मैं आपको सजेशन यहाँ पे यही करूँगा कि वन टाइम मूवी है, अगर आप एक बार देखेंगे तो आपको काफ़ी आनंद आएगा। थोड़े कॉमेडी सीन्स भी इस मूवी के अंदर और मतलब एक्शन सीन्स भी हैं। तो सजेस्ट मैं आपको यहाँ पे यही करूँगा, आप मूवी देखें एक बार जरूर देखें। और गाइस वैसे मैं अगर आपको अपना पर्सनल ओपिनियन दूँ इस मूवी के बारे में, तो गाइस ये मूवी मेरी देखी हुई है और काफ़ी कॉमेडी स्टोरी इस मूवी। तो गाइस मैं आपको यहाँ पे सजेस्ट यही करूँगा, आप एक बार जरूर देखें इस मूवी को और मूवी देख के मूवी का आनंद लें और इस मूवी के सॉन्ग सुने और अच्छे जाने इस मूवी की स्टोरी को और सॉन्ग सुन के सॉन्ग्स का आनंद लें। तो गाइस चलिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। हे गाइस, आप सभी का फिर से स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल थंडर रिव्यूज़ में। तो गाइस आज हम बात करने वाले हैं यहाँ पे मुबारका मूवी के बारे में। तो गाइस मैं आपको यहाँ पे मूवी का रिव्यू दूंगा। और गाइस मूवी का रिव्यू स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूँ कि गाइस मैं यहाँ पे कोई मूवी की क्लिप या फिर पूरी मूवी अपलोड नहीं कर पाऊंगा यूट्यूब कम्युनिटी गाइडलाइंस की वजह से। तो गाइस चलिए स्टार्ट करते हैं मूवी का रिव्यू। और गाइस मैं आपको बताता हूँ यहाँ पे इस मूवी को किसने डायरेक्ट किया है और किसके द्वारा इसका स्क्रीन प्ले दिया गया है और इस मूवी की स्टोरी के बारे में, किसने इस मूवी की स्टोरी दी है और इस मूवी के प्रोड्यूसर्स के बारे में और इस मूवी के स्टारिंग रोल्स के बारे में और गाइस मूवी से जुड़ी हुई जानकारी और काफ़ी कुछ। तो गाइस इस मूवी का जो डायरेक्टर हैं वह अनीस बज्मी। और गाइस अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के स्क्रीन प्ले की, तो गाइस इस मूवी का जो स्क्रीन प्ले दिया गया है वो दिया गया है बलविंदर सिंह जंजुआ के द्वारा और गुरमीत सिंह के द्वारा और राजेश चावला के द्वारा, जिन्होंने गाइस इस मूवी के अंदर डायलॉग्स दिए हैं। और अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी की स्टोरी की, तो गाइस इस मूवी की जो स्टोरी दी गई है वो दी गई बलविंदर सिंह जंजुआ के द्वारा और रुपिंदर चहल के द्वारा। और गाइस अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के प्रोड्यूसर्स की, तो गाइस इस मूवी के प्रोड्यूसर्स में आपको देखने के लिए मिलेंगे सोनी पिक्चर्स नेटवर्क्स प्रोडक्शंस और मुराद खेतानी के द्वारा और अश्विन वर्दे के द्वारा। और गाइस अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के स्टारिंग रोल्स की, तो गाइस इस मूवी के स्टारिंग रोल्स में आपको देखने के लिए मिलेंगे अनिल कपूर और अर्जुन कपूर और इलियाना डिक्रूज और आथिया शेट्टी और करण कुंद्रा और नेहा शर्मा और राहुल देव और गुरपाल सिंह और रतन पाठक साहा और पवन मल्होत्रा और ललित परिमो और संजय कपूर। और गाइज ये मूवी सुनाई गई है विजय राज के द्वारा। और गाइज अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के सिनेमेटोग्राफी की, तो गाइज इस मूवी की जो सिनेमेटोग्राफी की गई है वो की गई हेमंत धमीजा के द्वारा। और गाइज इस मूवी को एडिट किया गया है रामेश्वर एस भगत के द्वारा। तो गाइज चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के म्यूजिक की। तो गाइज इस मूवी के अंदर जो सॉन्ग्स दिए गए हैं वो दिए गए अमाल मलिक के द्वारा और गौरव रोशन के द्वारा और ऋषि रिच के द्वारा। और इस मूवी के अंदर जो बैकग्राउंड स्कोर दिया गया है वो दिया गया अमर मोहिल के द्वारा। तो गाइज चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की प्रोडक्शन कंपनीज की। तो गाइज इस मूवी की जो प्रोडक्शन कंपनीज हैं वो है सोनी पिक्चर्स नेटवर्क्स प्रोडक्शंस और साइनमन स्टूडियोज और मार्क प्रोडक्शन। और गाइज इस मूवी को डिस्ट्रीब्यूट किया गया था सोनी पिक्चर्स लीजिंग के द्वारा। और इस मूवी को रिलीज किया गया था 28 जुलाई 2017 को और मूवी का टोटल रनिंग टाइम है 116 मिनट का और ये इंडिया की हिंदी लैंग्वेज की मूवी है। तो गाइज चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के बजट की। तो गाइज इस मूवी का टोटल बजट है वो है 65 करोड़ रुपए का। और अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी की बॉक्स ऑफिस पे कमाई की, तो गाइज बॉक्स ऑफिस पे इस मूवी ने मतलब काफ़ी अच्छी खासी धूम मचाई, काफ़ी अच्छी खासी कमाई की है, क्योंकि इस बॉक्स ऑफिस पे जिस मूवी ने कमाई की है वो की 93.59 करोड़ रुपये की। तो आप इससे भी अंदाज़ा लगा सकते हैं कि मूवी की स्टोरी कैसी होगी। तो गाइज चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के साउंड ट्रैक की। तो गाइज अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के साउंड ट्रैक की, तो गाइज इस मूवी के अंदर टोटल 6 सॉन्ग्स हैं। और गाइज इस मूवी के अंदर पहला सॉन्ग है वो है द गूगल सॉन्ग। और गाइज इस मूवी के अंदर दूसरा सॉन्ग है वो है मुबारका का टाइटल ट्रैक। और गाइज इस मूवी के अंदर तीसरा सॉन्ग है वो जट जगुआर।
और गाइस जो इस मूवी के अंदर चौथा सॉन्ग है वह हाथों में थे हाथ, और गाइस जो इस मूवी के अंदर पांचवा सॉन्ग है वह हवा हवा, और गाइस जो इस मूवी के अंदर छठा और आखिरी सॉन्ग है वह दिल धड़के लाउडर लाउडर। तो गाइस इसी तरीके से छः सॉन्ग्स हैं और मतलब मीडियम सॉन्ग्स हैं, सुन भी सकते हैं आप अगर आपका मन करता है तो, मैं सजेस्ट करूँगा सुन सकते हैं अगर मन कर रहा है तो, अगर नहीं कर रहा तो मत सुनिए, स्किप कर दीजिए। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के IMDb रेटिंग के बारे में। तो गाइस अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी की IMDb रेटिंग की, तो गाइस इस मूवी को IMDb पर मिले हैं 10 में से 5.6 की रेटिंग, जो कि गाइस मतलब मीडियम से थोड़ा ऊपर है, काफ़ी सही रेटिंग है। तो मैं आपको सजेस्ट यहाँ पे यही करूँगा कि वन टाइम मूवी है, अगर आप एक बार देखेंगे तो आपको काफ़ी आनंद आएगा, थोड़े कॉमेडी सीन्स भी इस मूवी के अंदर और मतलब एक्शन सीन्स भी हैं। तो सजेस्ट मैं आपको यहाँ पे यही करूँगा, आप मूवी देखें एक बार जरूर देखें। और गाइस वैसे मैं अगर आपको अपना पर्सनल ओपिनियन दूँ इस मूवी के बारे में, तो गाइस ये मूवी मेरी देखी हुई है और काफ़ी कॉमेडी स्टोरी इस मूवी, तो गाइस मैं आपको यहाँ पे सजेस्ट यही करूँगा आप एक बार जरूर देखें इस मूवी को और मूवी देख के मूवी का आनंद लें और इस मूवी के सॉन्ग सुने और अच्छे जाने इस मूवी की स्टोरी को और सॉन्ग सुन के सॉन्ग्स का आनंद लें। तो गाइस चलिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। हे गाइस आप सभी का फिर से स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल थंडर रिव्यूज़ में। तो गाइस आज हम बात करने वाले हैं यहाँ पे मुबारका मूवी के बारे में। तो गाइस मैं आपको यहाँ पे मूवी का रिव्यू दूंगा, और गाइस मूवी का रिव्यू स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूँ कि गाइस मैं यहाँ पे कोई मूवी की क्लिप या फिर पूरी मूवी अपलोड नहीं कर पाऊंगा यूट्यूब कम्युनिटी गाइडलाइंस की वजह से। तो गाइस चलिए स्टार्ट करते हैं मूवी का रिव्यू, और गाइस मैं आपको बताता हूँ यहाँ पे इस मूवी को किसने डायरेक्ट किया है और किसके द्वारा इसका स्क्रीन प्ले दिया गया है, और इस मूवी की स्टोरी के बारे में, किसने इस मूवी की स्टोरी दी है, और इस मूवी के प्रोड्यूसर्स के बारे में, और इस मूवी के स्टारिंग रोल्स के बारे में, और गाइस मूवी से जुड़ी हुई जानकारी और काफ़ी कुछ। तो गाइस इस मूवी का जो डायरेक्टर हैं वह अनीस बज्मी, और गाइस अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के स्क्रीन प्ले की, तो गाइस इस मूवी का जो स्क्रीन प्ले दिया गया है वो दिया गया है बलविंदर सिंह जंजुआ के द्वारा और गुरमीत सिंह के द्वारा और राजेश चावला के द्वारा, जिन्होंने गाइस इस मूवी के अंदर डायलॉग्स दिए हैं। और अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी की स्टोरी की, तो गाइस इस मूवी की जो स्टोरी दी गई है वो दी गई बलविंदर सिंह जंजुआ के द्वारा और रुपिंदर चहल के द्वारा। और गाइस अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के प्रोड्यूसर्स की, तो गाइस इस मूवी के प्रोड्यूसर्स में आपको देखने के लिए मिलेंगे सोनी पिक्चर्स नेटवर्क प्रोडक्शंस और मुराद खेतानी के द्वारा और अश्विन वर्दे के द्वारा। और गाइस अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के स्टारिंग रोल्स की, तो गाइस इस मूवी के स्टारिंग रोल्स में आपको देखने के लिए मिलेंगे अनिल कपूर और अर्जुन कपूर और इलियाना डिक्रूज और आथिया शेट्टी और करण कुंद्रा और नेहा शर्मा और राहुल देव और गुरपाल सिंह और रतन पाठक साहा और पवन मल्होत्रा और ललित परिमो और संजय कपूर। और गाइस ये मूवी सुनाई गई है विजय राज के द्वारा। और गाइस अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी की सिनेमेटोग्राफी की, तो गाइस इस मूवी की जो सिनेमेटोग्राफी की गई है वो की गई हिम्मत धमीजा के द्वारा, और गाइस इस मूवी को एडिट किया गया है रामेश्वर एस भगत के द्वारा। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के म्यूजिक की, तो गाइस इस मूवी के अंदर जो सॉन्ग्स दिए गए हैं वो दिए गए अमाल मलिक के द्वारा और गौरव रोशन के द्वारा और ऋषि रिच के द्वारा, और इस मूवी के अंदर जो बैकग्राउंड स्कोर दिया गया है वो दिया गया अमर मोहिल के द्वारा। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की प्रोडक्शन कंपनीज की, तो गाइस इस मूवी की जो प्रोडक्शन कंपनीज हैं वो है सोनी पिक्चर्स नेटवर्क्स प्रोडक्शंस और साइनमन स्टूडियोज और मार्क प्रोडक्शन। और गाइस इस मूवी को डिस्ट्रीब्यूट किया गया था सोनी पिक्चर्स लीजिंग के द्वारा, और इस मूवी को रिलीज किया गया था 28 जुलाई 2017 को, और मूवी का टोटल रनिंग टाइम है 116 मिनट का, और ये इंडिया की हिंदी लैंग्वेज की मूवी है। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के बजट की, तो गाइस इस मूवी का टोटल बजट है वो 65 करोड़ रुपए का। और अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी की बॉक्स ऑफिस पे कमाई की, तो गाइस बॉक्स ऑफिस पे इस मूवी ने मतलब काफ़ी अच्छी खासी धूम मचाई, काफ़ी अच्छी खासी कमाई की है, क्योंकि इस बॉक्स ऑफिस पे जिस मूवी ने कमाई की है वो की 93.59 करोड़ रुपये की। तो आप इससे भी अंदाज़ा लगा सकते हैं कि मूवी की स्टोरी कैसी होगी। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के साउंड ट्रैक की, तो गाइस अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के साउंड ट्रैक की, तो गाइस इस मूवी के अंदर टोटल 6 सॉन्ग्स हैं, और गाइस जो इस मूवी के अंदर पहला सॉन्ग है वह द गूगल सॉन्ग, और गाइस जो इस मूवी के अंदर दूसरा सॉन्ग है वह मुबारक का टाइटल ट्रैक, और गाइस जो इस मूवी के अंदर तीसरा सॉन्ग है वह जट जगुआर, और गाइस जो इस मूवी के अंदर चौथा सॉन्ग है वह हाथों में थे हाथ, और गाइस जो इस मूवी के अंदर पांचवा सॉन्ग है वह हवा हवा, और गाइस जो इस मूवी के अंदर छठा और आखिरी सॉन्ग है वह दिल धड़के लाउडर लाउडर। तो गाइस इसी तरीके से 6 सॉन्ग्स हैं और मतलब मीडियम सॉन्ग्स हैं, सुन भी सकते हैं आप अगर आपका मन करता है तो, मैं सजेस्ट करूंगा सुन सकते हैं अगर मन कर रहा है तो, अगर नहीं कर रहा तो मत सुनिए, स्किप कर दीजिए। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की IMDb रेटिंग के बारे में। तो गाइस अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी की IMDb रेटिंग की, तो गाइस इस मूवी को IMDb पर मिले हैं 10 में से 5.6 की रेटिंग, जो कि गाइस मतलब मीडियम से थोड़ा ऊपर है, काफ़ी सही रेटिंग है। तो मैं आपको सजेस्ट यहाँ पे यही करूँगा कि वन टाइम मूवी है, अगर आप एक बार देखेंगे तो आपको काफ़ी आनंद आएगा, थोड़े कॉमेडी सीन्स भी इस मूवी के अंदर और मतलब एक्शन सीन्स भी हैं। तो सजेस्ट मैं आपको यहाँ पे यही करूँगा, आप मूवी देखें एक बार जरूर देखें। और गाइस वैसे मैं अगर आपको अपना पर्सनल ओपिनियन दूँ इस मूवी के बारे में, तो गाइस ये मूवी मेरी देखी हुई है और काफ़ी कॉमेडी स्टोरी इस मूवी, तो गाइस मैं आपको यहाँ पे सजेस्ट यही करूँगा आप एक बार जरूर देखें इस मूवी को और मूवी देख के मूवी का आनंद लें और इस मूवी के सॉन्ग सुने और अच्छे जाने इस मूवी की स्टोरी को और सॉन्ग सुन के सॉन्ग्स का आनंद लें। तो गाइस चलिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। हे गाइस आप सभी का फिर से स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल थंडर रिव्यूज़ में। तो गाइस आज हम बात करने वाले हैं यहाँ पे मुबारका मूवी के बारे में। तो गाइस मैं आपको यहाँ पे मूवी का रिव्यू दूंगा, और गाइस मूवी का रिव्यू स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि गाइस मैं यहाँ पे कोई मूवी की क्लिप या फिर पूरी मूवी अपलोड नहीं कर पाऊंगा यूट्यूब कम्युनिटी गाइडलाइंस की वजह से।
तो वैसे चलिए स्टार्ट करते हैं मूवी का रिव्यू। और गाइस मैं आपको बताता हूँ यहाँ पे इस मूवी को किसने डायरेक्ट किया है और किसके द्वारा इसका स्क्रीन प्ले दिया गया है, और इस मूवी की स्टोरी के बारे में, किसने इस मूवी की स्टोरी दी है, और इस मूवी के प्रोड्यूसर्स के बारे में, और इस मूवी के स्टारिंग रोल्स के बारे में, और गाइस मूवी से जुड़ी हुई जानकारी और काफ़ी कुछ। तो गाइस इस मूवी का जो डायरेक्टर हैं वह अनीस बज्मी। और गाइस अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के स्क्रीन प्ले की, तो गाइस इस मूवी का जो स्क्रीन प्ले दिया गया है वो दिया गया है बलविंदर सिंह जंजुआ के द्वारा, और गुरमीत सिंह के द्वारा, और राजेश चावला के द्वारा, जिन्होंने गाइस इस मूवी के अंदर डायलॉग्स दिए हैं। और अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी की स्टोरी की, तो गाइस इस मूवी की जो स्टोरी दी गई है वो दी गई बलविंदर सिंह जंजुआ के द्वारा और रुपिंदर चहल के द्वारा। और गाइस अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के प्रोड्यूसर्स की, तो गाइस इस मूवी के प्रोड्यूसर्स में आपको देखने के लिए मिलेंगे सोनी पिक्चर्स नेटवर्क्स प्रोडक्शंस और मुराद खेतानी के द्वारा और अश्विन वर्दे के द्वारा। और गाइस अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के स्टारिंग रोल्स की, तो गाइस इस मूवी के स्टारिंग रोल्स में आपको देखने के लिए मिलेंगे अनिल कपूर और अर्जुन कपूर और इलियाना डिक्रूज और आथिया शेट्टी और करण कुंद्रा और नेहा शर्मा और राहुल देव और गुरपाल सिंह और रतन पाठक साहा और पवन मल्होत्रा और ललित परिमो और संजय कपूर। और गाइज ये मूवी सुनाई गई है विजय राज के द्वारा। और गाइज अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के सिनेमेटोग्राफी की, तो गाइज इस मूवी की जो सिनेमेटोग्राफी की गई है वो की गई हिम्मत धमीजा के द्वारा, और गाइज इस मूवी को एडिट किया गया है रामेश्वर एस भगत के द्वारा। तो गाइज चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के म्यूजिक की। तो गाइज इस मूवी के अंदर जो सॉन्ग्स दिए गए हैं वो दिए गए अमाल मलिक के द्वारा और गौरव रोशन के द्वारा और ऋषि रिच के द्वारा, और इस मूवी के अंदर जो बैकग्राउंड स्कोर दिया गया है वो दिया गया अमर मोहिल के द्वारा। तो गाइज चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की प्रोडक्शन कंपनीज की। तो गाइज इस मूवी की जो प्रोडक्शन कंपनीज हैं वो है सोनी पिक्चर्स नेटवर्क्स प्रोडक्शंस और साइन वन स्टूडियोज और मार्क प्रोडक्शन। और गाइज इस मूवी को डिस्ट्रीब्यूट किया गया था सोनी पिक्चर्स लीजिंग के द्वारा, और इस मूवी को रिलीज किया गया था 28 जुलाई सन 2017 को, और मूवी का टोटल रनिंग टाइम है 116 मिनट का, और ये इंडिया की हिंदी लैंग्वेज की मूवी है। तो गाइज चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के बजट की। तो गाइज इस मूवी का टोटल बजट है वो 65 करोड़ रुपए का, और अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी की बॉक्स ऑफिस पे कमाई की, तो गाइज बॉक्स ऑफिस पे इस मूवी ने मतलब काफ़ी अच्छी खासी धूम मचाई, काफ़ी अच्छी खासी कमाई की है, क्योंकि इस बॉक्स ऑफिस पे जिस मूवी ने कमाई की है वो की 93.59 करोड़ रुपये की। तो आप इससे भी अंदाजा लगा सकते हैं कि मूवी की स्टोरी कैसी होगी। तो गाइज चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के साउंड ट्रैक की। तो गाइज अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के साउंड ट्रैक की, तो गाइज इस मूवी के अंदर टोटल 6 सॉन्ग्स हैं, और गाइज इस मूवी के अंदर पहला सॉन्ग है वो है द गूगल सॉन्ग, और गाइज इस मूवी के अंदर दूसरा सॉन्ग है वो है मुबारक का टाइटल ट्रैक, और गाइस जो इस मूवी के अंदर तीसरा सॉन्ग है वो जट जगुआर, और गाइस जो इस मूवी के अंदर चौथा सॉन्ग है वो हाथों में थे हाथ, और गाइस जो इस मूवी के अंदर पांचवा सॉन्ग है वो हवा हवा, और गाइस जो इस मूवी के अंदर छठा और आखिरी सॉन्ग है वो दिल धड़के लाउडर लाउडर। तो गाइस इसी तरीके से 6 सॉन्ग्स हैं, और मतलब मीडियम सॉन्ग्स हैं, सुन भी सकते हैं आप अगर आपका मन करता है तो, मैं सजेस्ट करूंगा सुन सकते हैं अगर मन कर रहा है तो, अगर नहीं कर रहा तो मत सुनिए, स्किप कर दीजिए। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के IMDb रेटिंग के बारे में। तो गाइस अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी की IMDb रेटिंग की, तो गाइस इस मूवी को IMDb पर मिले हैं 10 में से 5.6 की रेटिंग, जो कि गाइस मतलब मीडियम से थोड़ा ऊपर है, काफ़ी सही रेटिंग है। तो मैं आपको सजेस्ट यहाँ पे यही करूँगा कि वन टाइम मूवी है, अगर आप एक बार देखेंगे तो आपको काफ़ी आनंद आएगा, थोड़े कॉमेडी सीन्स भी इस मूवी के अंदर और मतलब एक्शन सीन्स भी हैं। तो सजेस्ट मैं आपको यहाँ पे यही करूँगा, आप मूवी देखें एक बार जरूर देखें। और गाइस वैसे मैं अगर आपको अपना पर्सनल ओपिनियन दूँ इस मूवी के बारे में, तो गाइस ये मूवी मेरी देखी हुई है और काफ़ी कॉमेडी स्टोरी इस मूवी, तो गाइस मैं आपको यहाँ पे सजेस्ट यही करूँगा आप एक बार जरूर देखें इस मूवी को, और मूवी देख के मूवी का आनंद लें और इस मूवी के सॉन्ग सुने और अच्छे जाने इस मूवी की स्टोरी को और सॉन्ग सुन के सॉन्ग्स का आनंद लें। तो गाइस चलिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। हे गाइस आप सभी का फिर से स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल थंडर रिव्यूज़ में। तो गाइस आज हम बात करने वाले हैं यहाँ पे मुबारका मूवी के बारे में। तो गाइस मैं आपको यहाँ पे मूवी का रिव्यू दूंगा, और गाइस मूवी का रिव्यू स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि गाइस मैं यहाँ पे कोई मूवी की क्लिप या फिर पूरी मूवी अपलोड नहीं कर पाऊंगा यूट्यूब कम्युनिटी गाइडलाइंस की वजह से। तो गाइस चलिए स्टार्ट करते हैं मूवी का रिव्यू। और गाइस मैं आपको बताता हूँ यहाँ पे इस मूवी को किसने डायरेक्ट किया है और किसके द्वारा इसका स्क्रीन प्ले दिया गया है, और इस मूवी की स्टोरी के बारे में, किसने इस मूवी की स्टोरी दी है, और इस मूवी के प्रोड्यूसर्स के बारे में, और इस मूवी के स्टारिंग रोल्स के बारे में, और गाइस मूवी से जुड़ी हुई जानकारी और काफ़ी कुछ। तो गाइस इस मूवी का जो डायरेक्टर हैं वह अनीस बज्मी। और गाइस अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के स्क्रीन प्ले की, तो गाइस इस मूवी का जो स्क्रीन प्ले दिया गया है वो दिया गया बलविंदर सिंह जंजुआ के द्वारा और गुरमीत सिंह के द्वारा और राजेश चावला के द्वारा, जिन्होंने गाइस इस मूवी के अंदर डायलॉग्स दिए हैं। और अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी की स्टोरी की, तो गाइस इस मूवी की जो स्टोरी दी गई है वो दी गई बलविंदर सिंह जंजुआ के द्वारा और रुपिंदर चहल के द्वारा। और गाइस अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के प्रोड्यूसर्स की, तो गाइस इस मूवी के प्रोड्यूसर्स में आपको देखने के लिए मिलेंगे सोनी पिक्चर्स नेटवर्क्स प्रोडक्शंस और मुराद खेतानी के द्वारा और अश्विन वर्दे के द्वारा। और गाइस अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के स्टारिंग रोल्स की, तो गाइस इस मूवी के स्टारिंग रोल्स में आपको देखने के लिए मिलेंगे अनिल कपूर और अर्जुन कपूर और इलियाना डिक्रूज और आथिया शेट्टी और करण कुंद्रा और नेहा शर्मा और राहुल देव और गुरपाल सिंह और रतन पाठक साहा और पवन मल्होत्रा और ललित परिमो
और संजय कपूर। और गाइज ये मूवी सुनाई गई है विजय राज के द्वारा। और गाइज अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी की सिनेमेटोग्राफी की, तो गाइज इस मूवी की जो सिनेमेटोग्राफी की गई है वो की गई हिम्मत धमीजा के द्वारा। और गाइज इस मूवी को एडिट किया गया है रामेश्वर एस भगत के द्वारा। तो गाइज चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के म्यूजिक की। तो गाइज इस मूवी के अंदर जो सॉन्ग्स दिए गए हैं वो दिए गए अमाल मलिक के द्वारा और गौरव रोशन के द्वारा और ऋषि रिच के द्वारा। और इस मूवी के अंदर जो बैकग्राउंड स्कोर दिया गया है वो दिया गया अमर मोहिल के द्वारा। तो गाइज चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की प्रोडक्शन कंपनीज की। तो गाइज इस मूवी की जो प्रोडक्शन कंपनीज हैं वो है सोनी पिक्चर्स नेटवर्क्स प्रोडक्शंस और साइनमन स्टूडियोज और मार्क प्रोडक्शन। और गाइज इस मूवी को डिस्ट्रीब्यूट किया गया था सोनी पिक्चर्स लीजिंग के द्वारा। और इस मूवी को रिलीज किया गया था 28 जुलाई 2017 को और मूवी का टोटल रनिंग टाइम है 116 मिनट का और ये इंडिया की हिंदी लैंग्वेज की मूवी है। तो गाइज चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के बजट की। तो गाइज इस मूवी का टोटल बजट है वो 65 करोड़ रुपए का। और अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी की बॉक्स ऑफिस पे कमाई की, तो गाइज बॉक्स ऑफिस पे इस मूवी ने मतलब काफ़ी अच्छी खासी धूम मचाई, काफ़ी अच्छी खासी कमाई की है, क्योंकि इस बॉक्स ऑफिस पे जिस मूवी ने कमाई की है वो की 93.59 करोड़ रुपये की। तो आप इससे भी अंदाजा लगा सकते हैं कि मूवी की स्टोरी कैसी होगी। तो गाइज चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के साउंड ट्रैक की। तो गाइज अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के साउंड ट्रैक की, तो गाइज इस मूवी के अंदर टोटल 6 सॉन्ग्स हैं। और गाइज इस मूवी के अंदर पहला सॉन्ग है वो है द गूगल सॉन्ग। और गाइज इस मूवी के अंदर दूसरा सॉन्ग है वो है मुबारक का टाइटल ट्रैक। और गाइस जो इस मूवी के अंदर तीसरा सॉन्ग है वो जट जगुआर। और गाइस जो इस मूवी के अंदर चौथा सॉन्ग है वो हाथों में थे हाथ। और गाइस जो इस मूवी के अंदर पांचवा सॉन्ग है वो हवा हवा। और गाइस जो इस मूवी के अंदर छठा और आखिरी सॉन्ग है वो दिल धड़के लाउडर लाउडर। तो गाइस इसी तरीके से 6 सॉन्ग्स हैं और मतलब मीडियम सॉन्ग्स हैं, सुन भी सकते हैं आप अगर आपका मन करता है तो। मैं सजेस्ट करूंगा सुन सकते हैं अगर मन कर रहा है तो, अगर नहीं कर रहा तो मत सुनिए, स्किप कर दीजिए। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की IMDb रेटिंग के बारे में। तो गाइस अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी की IMDb रेटिंग की, तो गाइस इस मूवी को IMDb पर मिले हैं 10 में से 5.6 की रेटिंग, जो कि गाइस मतलब मीडियम से थोड़ा ऊपर है, काफ़ी सही रेटिंग है। तो मैं आपको सजेशन यहाँ पे यही करूँगा कि वन टाइम मूवी है, अगर आप एक बार देखेंगे तो आपको काफ़ी आनंद आएगा। थोड़े कॉमेडी सीन्स भी इस मूवी के अंदर और मतलब एक्शन सीन्स भी हैं। तो सजेस्ट मैं आपको यहाँ पे यही करूँगा, आप मूवी देखें एक बार जरूर देखें। और गाइज वैसे मैं अगर आपको अपना पर्सनल ओपिनियन दूँ इस मूवी के बारे में, तो गाइज ये मूवी मेरी देखी हुई है और काफ़ी कॉमेडी स्टोरी इस मूवी। तो गाइज मैं आपको यहाँ पे सजेस्ट यही करूँगा, आप एक बार जरूर देखें इस मूवी को और मूवी देख के मूवी का आनंद लें और इस मूवी के सॉन्ग सुने और अच्छे से जाने इस मूवी की स्टोरी को और सॉन्ग सुन के सॉन्ग्स का आनंद लें। तो गाइज चलिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। हे गाइज आप सभी का फिर से स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल थंडर रिव्यूज़ में। तो गाइज आज हम बात करने वाले हैं यहाँ पे मुबारका मूवी के बारे में। तो गाइज मैं आपको यहाँ पे मूवी का रिव्यू दूंगा। और गाइज मूवी का रिव्यू स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूँ कि गाइज मैं यहाँ पे कोई मूवी की क्लिप या फिर पूरी मूवी अपलोड नहीं कर पाऊंगा यूट्यूब कम्युनिटी गाइडलाइंस की वजह से। तो गाइज चलिए स्टार्ट करते हैं मूवी का रिव्यू। और गाइज मैं आपको बताता हूँ यहाँ पे इस मूवी को किसने डायरेक्ट किया है और किसके द्वारा इसका स्क्रीन प्ले दिया गया है और इस मूवी की स्टोरी के बारे में, किसने इस मूवी की स्टोरी दी है और इस मूवी के प्रोड्यूसर्स के बारे में और इस मूवी के स्टारिंग रोल्स के बारे में और गाइज मूवी से जुड़ी हुई जानकारी और काफ़ी कुछ। तो गाइज इस मूवी का जो डायरेक्टर हैं वह अनीस बज्मी। और गाइज अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के स्क्रीन प्ले की, तो गाइज इस मूवी का जो स्क्रीन प्ले दिया गया है वो दिया गया बलविंदर सिंह जंजुआ के द्वारा और गुरमीत सिंह के द्वारा और राजेश चावला के द्वारा, जिन्होंने गाइज इस मूवी के अंदर डायलॉग्स दिए हैं। और अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी की स्टोरी की, तो गाइज इस मूवी की जो स्टोरी दी गई है वो दी गई बलविंदर सिंह जंजुआ के द्वारा और रुपिंदर चहल के द्वारा। और गाइज अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के प्रोड्यूसर्स की, तो गाइज इस मूवी के प्रोड्यूसर्स में आपको देखने के लिए मिलेंगे सोनी पिक्चर्स नेटवर्क्स प्रोडक्शंस और मुराद खेतानी के द्वारा और अश्विन वर्दे के द्वारा। और गाइज अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के स्टारिंग रोल्स की, तो गाइज इस मूवी के स्टारिंग रोल्स में आपको देखने के लिए मिलेंगे अनिल कपूर और अर्जुन कपूर और इलियाना डिक्रूज और आथिया शेट्टी और करण कुंद्रा और नेहा शर्मा और राहुल देव और गुरपाल सिंह और रतन पाठक साहा और पवन मल्होत्रा और ललित परिमो और संजय कपूर। और गाइज ये मूवी सुनाई गई है विजय राज के द्वारा। और गाइज अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी की सिनेमेटोग्राफी की, तो गाइज इस मूवी की जो सिनेमेटोग्राफी की गई है वो की गई हिम्मत धमीजा के द्वारा। और गाइज इस मूवी को एडिट किया गया है रामेश्वर एस भगत के द्वारा। तो गाइज चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के म्यूजिक की। तो गाइज इस मूवी के अंदर जो सॉन्ग्स दिए गए हैं वो दिए गए अमाल मलिक के द्वारा और गौरव रोशन के द्वारा और ऋषि रिच के द्वारा। और इस मूवी के अंदर जो बैकग्राउंड स्कोर दिया गया है वो दिया गया अमर मोहिल के द्वारा। तो गाइज चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की प्रोडक्शन कंपनीज की। तो गाइज इस मूवी की जो प्रोडक्शन कंपनीज हैं वो है सोनी पिक्चर्स नेटवर्क्स प्रोडक्शंस और साइनमन स्टूडियोज और मार्क प्रोडक्शन। और गाइज इस मूवी को डिस्ट्रीब्यूट किया गया था सोनी पिक्चर्स लीजिंग के द्वारा। और इस मूवी को रिलीज किया गया था 28 जुलाई 2017 को और मूवी का टोटल रनिंग टाइम है 116 मिनट का और ये इंडिया की हिंदी लैंग्वेज की मूवी है। तो गाइज चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के बजट की। तो गाइज इस मूवी का टोटल बजट है वो 65 करोड़ रुपए का। और अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी की बॉक्स ऑफिस पे कमाई की, तो गाइज बॉक्स ऑफिस पे इस मूवी ने मतलब काफ़ी अच्छी खासी धूम मचाई, काफ़ी अच्छी खासी कमाई की है, क्योंकि इस बॉक्स ऑफिस पे जिस मूवी ने कमाई की है वो की 93.59 करोड़ रुपये की। तो आप इससे भी अंदाजा लगा सकते हैं कि मूवी की स्टोरी कैसी होगी। तो गाइज चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के साउंड ट्रैक की। तो गाइज अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के साउंड ट्रैक की, तो गाइज इस मूवी के अंदर टोटल 6 सॉन्ग्स हैं। और गाइज इस मूवी के अंदर पहला सॉन्ग है वो है द गूगल सॉन्ग। और गाइज इस मूवी के अंदर दूसरा सॉन्ग है वो है मुबारका का टाइटल ट्रैक। और गाइज इस मूवी के अंदर तीसरा सॉन्ग है वो जट जगुआर।
और गाइस जो इस मूवी के अंदर चौथा सॉन्ग है वह हाथों में थे हाथ, और गाइस जो इस मूवी के अंदर पांचवा सॉन्ग है वह हवा हवा, और गाइस जो इस मूवी के अंदर छठा और आखिरी सॉन्ग है वह दिल धड़के लाउडर लाउडर। तो गाइस इसी तरीके से 6 सॉन्ग्स हैं और मतलब मीडियम सॉन्ग्स हैं, सुन भी सकते हैं आप अगर आपका मन करता है तो, मैं सजेस्ट करूंगा सुन सकते हैं अगर मन कर रहा है तो, अगर नहीं कर रहा तो मत सुनिए, स्किप कर दीजिए। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के IMDb रेटिंग के बारे में। तो गाइस अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी की IMDb रेटिंग की, तो गाइस इस मूवी को IMDb पर मिले हैं 10 में से 5.6 की रेटिंग, जो कि गाइस मतलब मीडियम से थोड़ा ऊपर है, काफ़ी सही रेटिंग है। तो मैं आपको सजेस्ट यहाँ पे यही करूँगा कि वन टाइम मूवी है, अगर आप एक बार देखेंगे तो आपको काफ़ी आनंद आएगा, थोड़े कॉमेडी सीन्स भी इस मूवी के अंदर और मतलब एक्शन सीन्स भी हैं। तो सजेस्ट मैं आपको यहाँ पे यही करूँगा, आप मूवी देखें एक बार जरूर देखें। और गाइस वैसे मैं अगर आपको अपना पर्सनल ओपिनियन दूँ इस मूवी के बारे में, तो गाइस ये मूवी मेरी देखी हुई है और काफ़ी कॉमेडी स्टोरी इस मूवी, तो गाइस मैं आपको यहाँ पे सजेस्ट यही करूँगा आप एक बार जरूर देखें इस मूवी को और मूवी देख के मूवी का आनंद लें और इस मूवी के सॉन्ग सुने और अच्छे जाने इस मूवी की स्टोरी को और सॉन्ग सुन के सॉन्ग्स का आनंद लें। तो गाइस चलिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। हे गाइस आप सभी का फिर से स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल थंडर रिव्यूज़ में। तो गाइस आज हम बात करने वाले हैं यहाँ पे मुबारका मूवी के बारे में। तो गाइस मैं आपको यहाँ पे मूवी का रिव्यू दूंगा और गाइस मूवी का रिव्यू स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूँ कि गाइस मैं यहाँ पे कोई मूवी की क्लिप या फिर पूरी मूवी अपलोड नहीं कर पाऊंगा यूट्यूब कम्युनिटी गाइडलाइंस की वजह से। तो गाइस चलिए स्टार्ट करते हैं मूवी का रिव्यू और गाइस मैं आपको बताता हूँ यहाँ पे इस मूवी को किसने डायरेक्ट किया है और किसके द्वारा इसका स्क्रीन प्ले दिया गया है और इस मूवी की स्टोरी के बारे में, किसने इस मूवी की स्टोरी दी है और इस मूवी के प्रोड्यूसर्स के बारे में और इस मूवी के स्टारिंग रोल्स के बारे में और गाइस मूवी से जुड़ी हुई जानकारी और काफ़ी कुछ। तो गाइस इस मूवी का जो डायरेक्टर हैं वह अनीस बज्मी, और गाइस अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के स्क्रीन प्ले की, तो गाइस इस मूवी का जो स्क्रीन प्ले दिया गया है वो दिया गया है बलविंदर सिंह जंजुआ के द्वारा और गुरमीत सिंह के द्वारा और राजेश चावला के द्वारा, जिन्होंने गाइस इस मूवी के अंदर डायलॉग्स दिए हैं। और अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी की स्टोरी की, तो गाइस इस मूवी की जो स्टोरी दी गई है वो दी गई बलविंदर सिंह जंजुआ के द्वारा और रुपिंदर चहल के द्वारा। और गाइस अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के प्रोड्यूसर्स की, तो गाइस इस मूवी के प्रोड्यूसर्स में आपको देखने के लिए मिलेंगे सोनी पिक्चर्स नेटवर्क्स प्रोडक्शंस और मुराद खेतानी के द्वारा और अश्विन वर्दे के द्वारा। और गाइस अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के स्टारिंग रोल्स की, तो गाइस इस मूवी के स्टारिंग रोल्स में आपको देखने के लिए मिलेंगे अनिल कपूर और अर्जुन कपूर और इलियाना डिक्रूज और आथिया शेट्टी और करण कुंद्रा और नेहा शर्मा और राहुल देव और गुरपाल सिंह और रतन पाठक साहा और पवन मल्होत्रा और ललित परिमो और संजय कपूर। और गाइस ये मूवी सुनाई गई है विजय राज के द्वारा। और गाइस अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के सिनेमेटोग्राफी की, तो गाइस इस मूवी की जो सिनेमेटोग्राफी की गई है वो की गई हिम्मत धमीजा के द्वारा और गाइस इस मूवी को एडिट किया गया है रामेश्वर एस भगत के द्वारा। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के म्यूजिक की, तो गाइस इस मूवी के अंदर जो सॉन्ग्स दिए गए हैं वो दिए गए अमाल मलिक के द्वारा और गौरव रोशन के द्वारा और ऋषि रिच के द्वारा। और इस मूवी के अंदर जो बैकग्राउंड स्कोर दिया गया है वो दिया गया अमर मोहिल के द्वारा। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की प्रोडक्शन कंपनीज की, तो गाइस इस मूवी की जो प्रोडक्शन कंपनीज हैं वो है सोनी पिक्चर्स नेटवर्क्स प्रोडक्शंस और साइनमन स्टूडियोज और मार्क प्रोडक्शन। और गाइस इस मूवी को डिस्ट्रीब्यूट किया गया था सोनी पिक्चर्स लीजिंग के द्वारा और इस मूवी को रिलीज किया गया था 28 जुलाई 2017 को और मूवी का टोटल रनिंग टाइम है 116 मिनट का और ये इंडिया की हिंदी लैंग्वेज की मूवी है। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के बजट की, तो गाइस इस मूवी का टोटल बजट है वो 65 करोड़ रुपए का। और अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी की बॉक्स ऑफिस पे कमाई की, तो गाइस बॉक्स ऑफिस पे इस मूवी ने मतलब काफ़ी अच्छी खासी धूम मचाई, काफ़ी अच्छी खासी कमाई की है, क्योंकि इस बॉक्स ऑफिस पे जिस मूवी ने कमाई की है वो की 93.59 करोड़ रुपये की। तो आप इससे भी अंदाज़ा लगा सकते हैं कि मूवी की स्टोरी कैसी होगी। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के साउंड ट्रैक की, तो गाइस अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के साउंड ट्रैक की, तो गाइस इस मूवी के अंदर टोटल 6 सॉन्ग्स हैं और गाइस जो इस मूवी के अंदर पहला सॉन्ग है वह द गूगल सॉन्ग, और गाइस जो इस मूवी के अंदर दूसरा सॉन्ग है वह मुबारक का टाइटल ट्रैक, और गाइस जो इस मूवी के अंदर तीसरा सॉन्ग है वह जट जगुआर, और गाइस जो इस मूवी के अंदर चौथा सॉन्ग है वह हाथों में थे हाथ, और गाइस जो इस मूवी के अंदर पांचवा सॉन्ग है वह हवा हवा, और गाइस जो इस मूवी के अंदर छठा और आखिरी सॉन्ग है वह दिल धड़के लाउडर लाउडर। तो गाइस इसी तरीके से 6 सॉन्ग्स हैं और मतलब मीडियम सॉन्ग्स हैं, सुन भी सकते हैं आप अगर आपका मन करता है तो, मैं सजेस्ट करूंगा सुन सकते हैं अगर मन कर रहा है तो, अगर नहीं कर रहा तो मत सुनिए, स्किप कर दीजिए। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की IMDb रेटिंग के बारे में। तो गाइस अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी की IMDb रेटिंग की, तो गाइस इस मूवी को IMDb पर मिले हैं 10 में से 5.6 की रेटिंग, जो कि गाइस मतलब मीडियम से थोड़ा ऊपर है, काफ़ी सही रेटिंग है। तो मैं आपको सजेस्ट यहाँ पे यही करूँगा कि वन टाइम मूवी है, अगर आप एक बार देखेंगे तो आपको काफ़ी आनंद आएगा, थोड़े कॉमेडी सीन्स भी इस मूवी के अंदर और मतलब एक्शन सीन्स भी हैं। तो सजेस्ट मैं आपको यहाँ पे यही करूँगा आप मूवी देखें एक बार जरूर देखें। और गाइस वैसे मैं अगर आपको अपना पर्सनल ओपिनियन दूँ इस मूवी के बारे में, तो गाइस ये मूवी मेरी देखी हुई है और काफ़ी कॉमेडी स्टोरी इस मूवी, तो गाइस मैं आपको यहाँ पे सजेस्ट यही करूँगा आप एक बार जरूर देखें इस मूवी को और मूवी देख के मूवी का आनंद लें और इस मूवी के सॉन्ग सुने और अच्छे जाने इस मूवी की स्टोरी को और सॉन्ग सुन के सॉन्ग्स का आनंद लें। तो गाइस चलिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। हे गाइस आप सभी का फिर से स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल थंडर रिव्यूज़ में। तो गाइस आज हम बात करने वाले हैं यहाँ पे मुबारका मूवी के बारे में। तो गाइस मैं आपको यहाँ पे मूवी का रिव्यू दूंगा और गाइस मूवी का रिव्यू स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि गाइस मैं यहाँ पे कोई मूवी की क्लिप या फिर पूरी मूवी अपलोड नहीं कर पाऊंगा यूट्यूब कम्युनिटी गाइडलाइंस की वजह से।
तो वैसे चलिए स्टार्ट करते हैं मूवी का रिव्यू। और गाइस मैं आपको बताता हूँ यहाँ पे इस मूवी को किसने डायरेक्ट किया है और किसके द्वारा इसका स्क्रीन प्ले दिया गया है और इस मूवी की स्टोरी के बारे में, किसने इस मूवी की स्टोरी दी है और इस मूवी के प्रोड्यूसर्स के बारे में और इस मूवी के स्टारिंग रोल्स के बारे में और गाइस मूवी से जुड़ी हुई जानकारी और काफ़ी कुछ। तो गाइस इस मूवी का जो डायरेक्टर हैं वह अनीस बज्मी। और गाइस अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के स्क्रीन प्ले की, तो गाइस इस मूवी का जो स्क्रीन प्ले दिया गया है वो दिया गया है बलविंदर सिंह जंजुआ के द्वारा और गुरमीत सिंह के द्वारा और राजेश चावला के द्वारा, जिन्होंने गाइस इस मूवी के अंदर डायलॉग्स दिए हैं। और अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी की स्टोरी की, तो गाइस इस मूवी की जो स्टोरी दी गई है वो दी गई बलविंदर सिंह जंजुआ के द्वारा और रुपिंदर चहल के द्वारा। और गाइस अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के प्रोड्यूसर्स की, तो गाइस इस मूवी के प्रोड्यूसर्स में आपको देखने के लिए मिलेंगे सोनी पिक्चर्स नेटवर्क्स प्रोडक्शंस और मुराद खेतानी के द्वारा और अश्विन वर्दे के द्वारा। और गाइस अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के स्टारिंग रोल्स की, तो गाइस इस मूवी के स्टारिंग रोल्स में आपको देखने के लिए मिलेंगे अनिल कपूर और अर्जुन कपूर और इलियाना डिक्रूज और आथिया शेट्टी और करण कुंद्रा और नेहा शर्मा और राहुल देव और गुरपाल सिंह और रतन पाठक साहा और पवन मल्होत्रा और ललित परिमो और संजय कपूर। और गाइस ये मूवी सुनाई गई है विजय राज के द्वारा। और गाइस अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी की सिनेमेटोग्राफी की, तो गाइस इस मूवी की जो सिनेमेटोग्राफी की गई है वो की गई हिम्मत धमीजा के द्वारा और गाइस इस मूवी को एडिट किया गया है रामेश्वर एस भगत के द्वारा। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के म्यूजिक की। तो गाइस इस मूवी के अंदर जो सॉन्ग्स दिए गए हैं वो दिए गए अमाल मलिक के द्वारा और गौरव रोशन के द्वारा और ऋषि रिच के द्वारा। और इस मूवी के अंदर जो बैकग्राउंड स्कोर दिया गया है वो दिया गया अमर मोहिल के द्वारा। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की प्रोडक्शन कंपनीज की। तो गाइस इस मूवी की जो प्रोडक्शन कंपनीज हैं वो है सोनी पिक्चर्स नेटवर्क्स प्रोडक्शंस और साइन वन स्टूडियोज और मार्क प्रोडक्शन। और गाइस इस मूवी को डिस्ट्रीब्यूट किया गया था सोनी पिक्चर्स लीजिंग के द्वारा और इस मूवी को रिलीज किया गया था 28 जुलाई 2017 को और मूवी का टोटल रनिंग टाइम है 116 मिनट का और ये इंडिया की हिंदी लैंग्वेज की मूवी है। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के बजट की। तो गाइस इस मूवी का टोटल बजट है वो 65 करोड़ रुपए का। और अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी की बॉक्स ऑफिस पे कमाई की, तो गाइस बॉक्स ऑफिस पे इस मूवी ने मतलब काफ़ी अच्छी खासी धूम मचाई, काफ़ी अच्छी खासी कमाई की है, क्योंकि इस बॉक्स ऑफिस पे जिस मूवी ने कमाई की है वो की 93.59 करोड़ रुपये की। तो आप इससे भी अंदाजा लगा सकते हैं कि मूवी की स्टोरी कैसी होगी। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के साउंड ट्रैक की। तो गाइस अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के साउंड ट्रैक की, तो गाइस इस मूवी के अंदर टोटल 6 सॉन्ग्स हैं। और गाइस जो इस मूवी के अंदर पहला सॉन्ग है वो है द गोल सॉन्ग। और गाइस जो इस मूवी के अंदर दूसरा सॉन्ग है वो है मुबारक का टाइटल ट्रैक। और गाइस जो इस मूवी के अंदर तीसरा सॉन्ग है वह जट जगुआर। और गाइस जो इस मूवी के अंदर चौथा सॉन्ग है वह हाथों में थे हाथ। और गाइस जो इस मूवी के अंदर पांचवा सॉन्ग है वह हवा हवा। और गाइस जो इस मूवी के अंदर छठा और आखिरी सॉन्ग है वह दिल धड़के लाउडर लाउडर। तो गाइस इसी तरीके से 6 सॉन्ग्स हैं और मतलब मीडियम सॉन्ग्स हैं, सुन भी सकते हैं आप अगर आपका मन करता है तो, मैं सजेस्ट करूंगा सुन सकते हैं अगर मन कर रहा है तो, अगर नहीं कर रहा तो मत सुनिए, स्किप कर दीजिए। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के IMDb रेटिंग के बारे में। तो गाइस अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी की IMDb रेटिंग की, तो गाइस इस मूवी को IMDb पर मिले हैं 10 में से 5.6 की रेटिंग, जो कि गाइस मतलब मीडियम से थोड़ा ऊपर है, काफ़ी सही रेटिंग है। तो मैं आपको सजेस्ट यहाँ पे यही करूँगा कि वन टाइम मूवी है, अगर आप एक बार देखेंगे तो आपको काफ़ी आनंद आएगा, थोड़े कॉमेडी सीन्स भी इस मूवी के अंदर और मतलब एक्शन सीन्स भी हैं। तो सजेस्ट मैं आपको यहाँ पे यही करूँगा, आप मूवी देखें एक बार जरूर देखें। और गाइस वैसे मैं अगर आपको अपना पर्सनल ओपिनियन दूँ इस मूवी के बारे में, तो गाइस ये मूवी मेरी देखी हुई है और काफ़ी कॉमेडी स्टोरी इस मूवी। तो गाइस मैं आपको यहाँ पे सजेस्ट यही करूँगा, आप एक बार जरूर देखें इस मूवी को और मूवी देख के मूवी का आनंद लें और इस मूवी के सॉन्ग सुने और अच्छे जाने इस मूवी की स्टोरी को और सॉन्ग सुन के सॉन्ग्स का आनंद लें। तो गाइस चलिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। हे गाइस आप सभी का फिर से स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल थंडर रिव्यूज़ में। तो गाइस आज हम बात करने वाले हैं यहाँ पे मुबारका मूवी के बारे में। तो गाइस मैं आपको यहाँ पे मूवी का रिव्यू दूंगा और गाइस मूवी का रिव्यू स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूँ कि गाइस मैं यहाँ पे कोई मूवी की क्लिप या फिर पूरी मूवी अपलोड नहीं कर पाऊंगा यूट्यूब कम्युनिटी गाइडलाइंस की वजह से। तो गाइस चलिए स्टार्ट करते हैं मूवी का रिव्यू। और गाइस मैं आपको बताता हूँ यहाँ पे इस मूवी को किसने डायरेक्ट किया है और किसके द्वारा इसका स्क्रीन प्ले दिया गया है और इस मूवी की स्टोरी के बारे में, किसने इस मूवी की स्टोरी दी है और इस मूवी के प्रोड्यूसर्स के बारे में और इस मूवी के स्टारिंग रोल्स के बारे में और गाइस मूवी से जुड़ी हुई जानकारी और काफ़ी कुछ। तो गाइस इस मूवी का जो डायरेक्टर हैं वह अनीस बज्मी। और गाइस अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के स्क्रीन प्ले की, तो गाइस इस मूवी का जो स्क्रीन प्ले दिया गया है वो दिया गया बलविंदर सिंह जंजुआ के द्वारा और गुरमीत सिंह के द्वारा और राजेश चावला के द्वारा, जिन्होंने गाइस इस मूवी के अंदर डायलॉग्स दिए हैं। और अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी की स्टोरी की, तो गाइस इस मूवी की जो स्टोरी दी गई है वो दी गई बलविंदर सिंह जंजुआ के द्वारा और रुपिंदर चहल के द्वारा। और गाइस अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के प्रोड्यूसर्स की, तो गाइस इस मूवी के प्रोड्यूसर्स में आपको देखने के लिए मिलेंगे सोनी पिक्चर्स नेटवर्क्स प्रोडक्शंस और मुराद खेतानी के द्वारा और अश्विन वर्दे के द्वारा। और गाइस अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के स्टारिंग रोल्स की, तो गाइस इस मूवी के स्टारिंग रोल्स में आपको देखने के लिए मिलेंगे अनिल कपूर और अर्जुन कपूर और इलियाना डिक्रूज और आथिया शेट्टी और करण कुंद्रा और नेहा शर्मा और राहुल देव और गुरपाल सिंह और रतन पाठक साहा और पवन मल्होत्रा और ललित परिमो
और संजय कपूर। और गाइज ये मूवी सुनाई गई है विजय राज के द्वारा। और गाइज अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी की सिनेमेटोग्राफी की, तो गाइज इस मूवी की जो सिनेमेटोग्राफी की गई है वो की गई हेमंत धमीजा के द्वारा। और गाइज इस मूवी को एडिट किया गया है रामेश्वर एस भगत के द्वारा। तो गाइज चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के म्यूजिक की। तो गाइज इस मूवी के अंदर जो सॉन्ग्स दिए गए हैं वो दिए गए अमाल मलिक के द्वारा और गौरव रोशन के द्वारा और ऋषि रिच के द्वारा। और इस मूवी के अंदर जो बैकग्राउंड स्कोर दिया गया है वो दिया गया अमर मोहिल के द्वारा। तो गाइज चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की प्रोडक्शन कंपनीज की। तो गाइज इस मूवी की जो प्रोडक्शन कंपनीज हैं वो है सोनी पिक्चर्स नेटवर्क्स प्रोडक्शंस और साइन वन स्टूडियोज और मार्क प्रोडक्शन। और गाइज इस मूवी को डिस्ट्रीब्यूट किया गया था सोनी पिक्चर्स लीजिंग के द्वारा। और इस मूवी को रिलीज किया गया था 28 जुलाई 2017 को। और मूवी का टोटल रनिंग टाइम है 116 मिनट का। और ये इंडिया की हिंदी लैंग्वेज की मूवी है। तो गाइज चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के बजट की। तो गाइज इस मूवी का टोटल बजट है वो 65 करोड़ रुपए का। और अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी की बॉक्स ऑफिस पे कमाई की, तो गाइज बॉक्स ऑफिस पे इस मूवी ने मतलब काफ़ी अच्छी खासी धूम मचाई, काफ़ी अच्छी खासी कमाई की है। क्योंकि इस बॉक्स ऑफिस पे जिस मूवी ने कमाई की है वो की 93.59 करोड़ रुपए की। तो आप इससे भी अंदाजा लगा सकते हैं कि मूवी की स्टोरी कैसी होगी। तो गाइज चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के साउंड ट्रैक की। तो गाइज अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के साउंड ट्रैक की, तो गाइज इस मूवी के अंदर टोटल 6 सॉन्ग्स हैं। और गाइज इस मूवी के अंदर पहला सॉन्ग है वो है द गूगल सॉन्ग। और गाइज इस मूवी के अंदर दूसरा सॉन्ग है वो है मुबारक का टाइटल ट्रैक। और गाइज इस मूवी के अंदर तीसरा सॉन्ग है वो है जट जगुआर। और गाइज इस मूवी के अंदर चौथा सॉन्ग है वो है हाथों में थे हाथ। और गाइज इस मूवी के अंदर पांचवा सॉन्ग है वो है हवा हवा। और गाइज इस मूवी के अंदर छठा और आखिरी सॉन्ग है वो है दिल धड़के लाउडर लाउडर। तो गाइज इसी तरीके से 6 सॉन्ग्स हैं और मतलब मीडियम सॉन्ग्स हैं, सुन भी सकते हैं आप अगर आपका मन करता है तो। मैं सजेस्ट करूंगा सुन सकते हैं अगर मन कर रहा है तो, अगर नहीं कर रहा तो मत सुनिए, स्किप कर दीजिए। तो गाइज चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की IMDb रेटिंग के बारे में। तो गाइज अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी की IMDb रेटिंग की, तो गाइज इस मूवी को IMDb पर मिले हैं 10 में से 5.6 की रेटिंग, जो कि गाइज मतलब मीडियम से थोड़ा ऊपर है, काफ़ी सही रेटिंग है। तो मैं आपको सजेशन यहाँ पे यही करूँगा कि वन टाइम मूवी है, अगर आप एक बार देखेंगे तो आपको काफ़ी आनंद आएगा। थोड़े कॉमेडी सीन्स भी इस मूवी के अंदर और मतलब एक्शन सीन्स भी हैं। तो सजेशन मैं आपको यहाँ पे यही करूँगा, आप मूवी देखें एक बार जरूर देखें। और गाइज वैसे मैं अगर आपको अपना पर्सनल ओपिनियन दूँ इस मूवी के बारे में, तो गाइज ये मूवी मेरी देखी हुई है और काफ़ी कॉमेडी स्टोरी इस मूवी। तो गाइज मैं आपको यहाँ पे सजेस्ट यही करूँगा, आप एक बार जरूर देखें इस मूवी को और मूवी देख के मूवी का आनंद लें और इस मूवी के सॉन्ग सुने और अच्छे जाने इस मूवी की स्टोरी को और सॉन्ग सुन के सॉन्ग्स का आनंद लें। तो गाइज चलिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। हे गाइज आप सभी का फिर से स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल थंडर रिव्यूज़ में। तो गाइज आज हम बात करने वाले हैं यहाँ पे मुबारका मूवी के बारे में। तो गाइज मैं आपको यहाँ पे मूवी का रिव्यू दूंगा। और गाइज मूवी का रिव्यू स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूँ कि गाइज मैं यहाँ पे कोई मूवी की क्लिप या फिर पूरी मूवी अपलोड नहीं कर पाऊंगा यूट्यूब कम्युनिटी गाइडलाइंस की वजह से। तो गाइज चलिए स्टार्ट करते हैं मूवी का रिव्यू। और गाइज मैं आपको बताता हूँ यहाँ पे इस मूवी को किसने डायरेक्ट किया है और किसके द्वारा इसका स्क्रीन प्ले दिया गया है और इस मूवी की स्टोरी के बारे में, किसने इस मूवी की स्टोरी दी है और इस मूवी के प्रोड्यूसर्स के बारे में और इस मूवी के स्टारिंग रोल्स के बारे में और गाइज मूवी से जुड़ी हुई जानकारी और काफ़ी कुछ। तो गाइज इस मूवी का जो डायरेक्टर हैं वह अनीस बज्मी। और गाइज अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के स्क्रीन प्ले की, तो गाइज इस मूवी का जो स्क्रीन प्ले दिया गया है वो दिया गया बलविंदर सिंह जंजुआ के द्वारा और गुरमीत सिंह के द्वारा और राजेश चावला के द्वारा, जिन्होंने गाइज इस मूवी के अंदर डायलॉग्स दिए हैं। और अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी की स्टोरी की, तो गाइज इस मूवी की जो स्टोरी दी गई है वो दी गई बलविंदर सिंह जंजुआ के द्वारा और रुपिंदर चहल के द्वारा। और गाइज अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के प्रोड्यूसर्स की, तो गाइज इस मूवी के प्रोड्यूसर्स में आपको देखने के लिए मिलेंगे सोनी पिक्चर्स नेटवर्क्स प्रोडक्शंस और मुराद खेतानी के द्वारा और अश्विन वर्दे के द्वारा। और गाइज अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के स्टारिंग रोल्स की, तो गाइज इस मूवी के स्टारिंग रोल्स में आपको देखने के लिए मिलेंगे अनिल कपूर और अर्जुन कपूर और इलियाना डिक्रूज और आथिया शेट्टी और करण कुंद्रा और नेहा शर्मा और राहुल देव और गुरपाल सिंह और रतन पाठक साहा और पवन मल्होत्रा और ललित परिमो और संजय कपूर। और गाइज ये मूवी सुनाई गई है विजय राज के द्वारा। और गाइज अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी की सिनेमेटोग्राफी की, तो गाइज इस मूवी की जो सिनेमेटोग्राफी की गई है वो की गई हेमंत धमीजा के द्वारा। और गाइज इस मूवी को एडिट किया गया है रामेश्वर एस भगत के द्वारा। तो गाइज चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के म्यूजिक की। तो गाइज इस मूवी के अंदर जो सॉन्ग्स दिए गए हैं वो दिए गए अमाल मलिक के द्वारा और गौरव रोशन के द्वारा और ऋषि रिच के द्वारा। और इस मूवी के अंदर जो बैकग्राउंड स्कोर दिया गया है वो दिया गया अमर मोहिल के द्वारा। तो गाइज चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की प्रोडक्शन कंपनीज की। तो गाइज इस मूवी की जो प्रोडक्शन कंपनीज हैं वो है सोनी पिक्चर्स नेटवर्क्स प्रोडक्शंस और साइन वन स्टूडियोज और मार्क प्रोडक्शन। और गाइज इस मूवी को डिस्ट्रीब्यूट किया गया था सोनी पिक्चर्स लीजिंग के द्वारा। और इस मूवी को रिलीज किया गया था 28 जुलाई 2017 को। और मूवी का टोटल रनिंग टाइम है 116 मिनट का। और ये इंडिया की हिंदी लैंग्वेज की मूवी है। तो गाइज चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के बजट की। तो गाइज इस मूवी का टोटल बजट है वो 65 करोड़ रुपए का। और अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी की बॉक्स ऑफिस पे कमाई की, तो गाइज बॉक्स ऑफिस पे इस मूवी ने मतलब काफ़ी अच्छी खासी धूम मचाई, काफ़ी अच्छी खासी कमाई की है। क्योंकि इस बॉक्स ऑफिस पे जिस मूवी ने कमाई की है वो की 93.59 करोड़ रुपये की। तो आप इससे भी अंदाजा लगा सकते हैं कि मूवी की स्टोरी कैसी होगी। तो गाइज चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के साउंड ट्रैक की। तो गाइज अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के साउंड ट्रैक की, तो गाइज इस मूवी के अंदर टोटल 6 सॉन्ग्स हैं। और गाइज इस मूवी के अंदर पहला सॉन्ग है वो है द गूगल सॉन्ग। और गाइज इस मूवी के अंदर दूसरा सॉन्ग है वो है मुबारक
जगुआर का टाइटल ट्रैक, और गाइस जी उस मूवी के अंदर तीसरा सॉन्ग है वह जट जगुआर, और गाइस जी उस मूवी के अंदर चौथा सॉन्ग है वह हाथों में थे हाथ, और गाइस जी इस मूवी के अंदर पांचवा सॉन्ग है वह हवा हवा, और गाइस जी उस मूवी के अंदर छठा और आखिरी सॉन्ग है वह दिल धड़के लाउडर लाउडर। तो गाइस इसी तरीके से 6 सॉन्ग्स हैं और मतलब मीडियम सॉन्ग्स हैं, सुन भी सकते हैं आप अगर आपका मन करता है तो, मैं सजेस्ट करूंगा सुन सकते हैं अगर मन कर रहा है तो, अगर नहीं कर रहा तो मत सुनिए, स्किप कर दीजिए। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के IMDb रेटिंग के बारे में। तो गाइस अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी की IMDb रेटिंग की, तो गाइस इस मूवी को IMDb पर मिले हैं 10 में से 5.6 की रेटिंग, जो कि गाइस मतलब मीडियम से थोड़ा ऊपर है, काफ़ी सही रेटिंग है। तो मैं आपको सजेस्ट यहाँ पे यही करूँगा कि वन टाइम मूवी है, अगर आप एक बार देखेंगे तो आपको काफ़ी आनंद आएगा, थोड़े कॉमेडी सीन्स भी इस मूवी के अंदर और मतलब एक्शन सीन्स भी हैं। तो सजेस्ट मैं आपको यहाँ पे यही करूँगा, आप मूवी देखें एक बार जरूर देखें। और गाइस वैसे मैं अगर आपको अपना पर्सनल ओपिनियन दूँ इस मूवी के बारे में, तो गाइस ये मूवी मेरी देखी हुई है और काफ़ी कॉमेडी स्टोरी इस मूवी, तो गाइस मैं आपको यहाँ पे सजेस्ट यही करूँगा आप एक बार जरूर देखें इस मूवी को, और मूवी देख के मूवी का आनंद लें और इस मूवी के सॉन्ग सुने और अच्छे जाने इस मूवी की स्टोरी को और सॉन्ग सुन के सॉन्ग्स का आनंद लें। तो गाइस चलिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। हे गाइस आप सभी का फिर से स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल थंडर रिव्यूज़ में। तो गाइस आज हम बात करने वाले हैं यहाँ पे मुबारका मूवी के बारे में। तो गाइस मैं आपको यहाँ पे मूवी का रिव्यू दूंगा, और गाइस मूवी का रिव्यू स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूँ कि गाइस मैं यहाँ पे कोई मूवी के क्लिप या फिर पूरी मूवी अपलोड नहीं कर पाऊंगा यूट्यूब कम्युनिटी गाइडलाइंस की वजह से। तो गाइस चलिए स्टार्ट करते हैं मूवी का रिव्यू, और गाइस मैं आपको बताता हूँ यहाँ पे इस मूवी को किसने डायरेक्ट किया है और किसके द्वारा इसका स्क्रीन प्ले दिया गया है, और इस मूवी की स्टोरी के बारे में किसने इस मूवी की स्टोरी दी है, और इस मूवी के प्रोड्यूसर्स के बारे में, और इस मूवी के स्टारिंग रोल्स के बारे में, और गाइस मूवी से जुड़ी हुई जानकारी और काफ़ी कुछ। तो गाइस इस मूवी का जो डायरेक्टर हैं वह अनीस बज्मी, और गाइस अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के स्क्रीन प्ले की, तो गाइस इस मूवी का जो स्क्रीन प्ले दिया गया है वो दिया गया है बलविंदर सिंह जंजुआ के द्वारा और गुरमीत सिंह के द्वारा और राजेश चावला के द्वारा, जिन्होंने गाइस इस मूवी के अंदर डायलॉग्स दिए हैं। और अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी की स्टोरी की, तो गाइस इस मूवी की जो स्टोरी दी गई है वो दी गई बलविंदर सिंह जंजुआ के द्वारा और रुपिंदर चहल के द्वारा। और गाइस अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के प्रोड्यूसर्स की, तो गाइस इस मूवी के प्रोड्यूसर्स में आपको देखने के लिए मिलेंगे सोनी पिक्चर्स नेटवर्क्स प्रोडक्शंस और मुराद खेतानी के द्वारा और अश्विन वर्दे के द्वारा। और गाइस अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के स्टारिंग रोल्स की, तो गाइस इस मूवी के स्टारिंग रोल्स में आपको देखने के लिए मिलेंगे अनिल कपूर और अर्जुन कपूर और इलियाना डिक्रूज और आथिया शेट्टी और करण कुंद्रा और नेहा शर्मा और राहुल देव और गुरपाल सिंह और रतन पाठक साहा और पवन मल्होत्रा और ललित परिमो और संजय कपूर। और गाइस ये मूवी सुनाई गई है विजय राज के द्वारा। और गाइस अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी की सिनेमेटोग्राफी की, तो गाइस इस मूवी की जो सिनेमेटोग्राफी की गई है वो की गई हिम्मत धमीजा के द्वारा, और गाइस इस मूवी को एडिट किया गया है रामेश्वर एस भगत के द्वारा। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के म्यूजिक की, तो गाइस इस मूवी के अंदर जो सॉन्ग्स दिए गए हैं वो दिए गए अमाल मलिक के द्वारा और गौरव रोशन के द्वारा और ऋषि रिच के द्वारा, और इस मूवी के अंदर जो बैकग्राउंड स्कोर दिया गया है वो दिया गया अमर मोहिल के द्वारा। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की प्रोडक्शन कंपनीज की, तो गाइस इस मूवी की जो प्रोडक्शन कंपनीज हैं वो है सोनी पिक्चर्स नेटवर्क्स प्रोडक्शंस और साइनमन स्टूडियोज और मार्क प्रोडक्शन। और गाइस इस मूवी को डिस्ट्रीब्यूट किया गया था सोनी पिक्चर्स लीजिंग के द्वारा, और इस मूवी को रिलीज किया गया था 28 जुलाई 2017 को, और मूवी का टोटल रनिंग टाइम है 116 मिनट का, और ये इंडिया की हिंदी लैंग्वेज की मूवी है। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के बजट की, तो गाइस इस मूवी का टोटल बजट है वो 65 करोड़ रुपए का, और अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी की बॉक्स ऑफिस पे कमाई की, तो गाइस बॉक्स ऑफिस पे इस मूवी ने मतलब काफ़ी अच्छी खासी धूम मचाई, काफ़ी अच्छी खासी कमाई की है, क्योंकि इस बॉक्स ऑफिस पे जिस मूवी ने कमाई की है वो की 93.59 करोड़ रुपए की। तो आप इससे भी अंदाजा लगा सकते हैं कि मूवी की स्टोरी कैसी होगी। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के साउंड ट्रैक की, तो गाइस अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के साउंड ट्रैक की, तो गाइस इस मूवी के अंदर टोटल 6 सॉन्ग्स हैं, और गाइस जो इस मूवी के अंदर पहला सॉन्ग है वह द गूगल सॉन्ग, और गाइस जो इस मूवी के अंदर दूसरा सॉन्ग है वह मुबारक का टाइटल ट्रैक, और गाइस जो इस मूवी के अंदर तीसरा सॉन्ग है वह जट जगुआर, और गाइस जो इस मूवी के अंदर चौथा सॉन्ग है वह हाथों में थे हाथ, और गाइस जो इस मूवी के अंदर पांचवा सॉन्ग है वह हवा हवा, और गाइस जो इस मूवी के अंदर छठा और आखिरी सॉन्ग है वह दिल धड़के लाउडर लाउडर। तो गाइस इसी तरीके से 6 सॉन्ग्स हैं और मतलब मीडियम सॉन्ग्स हैं, सुन भी सकते हैं आप अगर आपका मन करता है तो, मैं सजेस्ट करूंगा सुन सकते हैं अगर मन कर रहा है तो, अगर नहीं कर रहा तो मत सुनिए, स्किप कर दीजिए। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की IMDb रेटिंग के बारे में। तो गाइस अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी की IMDb रेटिंग की, तो गाइस इस मूवी को IMDb पर मिले हैं 10 में से 5.6 की रेटिंग, जो कि गाइस मतलब मीडियम से थोड़ा ऊपर है, काफ़ी सही रेटिंग है। तो मैं आपको सजेस्ट यहाँ पे यही करूँगा कि वन टाइम मूवी है, अगर आप एक बार देखेंगे तो आपको काफ़ी आनंद आएगा, थोड़े कॉमेडी सीन्स भी इस मूवी के अंदर और मतलब एक्शन सीन्स भी हैं। तो सजेस्ट मैं आपको यहाँ पे यही करूँगा, आप मूवी देखें एक बार जरूर देखें। और गाइस वैसे मैं अगर आपको अपना पर्सनल ओपिनियन दूँ इस मूवी के बारे में, तो गाइस ये मूवी मेरी देखी हुई है और काफ़ी कॉमेडी स्टोरी इस मूवी, तो गाइस मैं आपको यहाँ पे सजेस्ट यही करूँगा आप एक बार जरूर देखें इस मूवी को, और मूवी देख के मूवी का आनंद लें और इस मूवी के सॉन्ग सुने और अच्छे जाने इस मूवी की स्टोरी को और सॉन्ग सुन के सॉन्ग्स का आनंद लें। तो गाइस चलिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए।
हे गाइस, आप सभी का फिर से स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल थंडर रिव्यूज़ में। तो गाइस आज हम बात करने वाले हैं यहाँ पे मुबारका मूवी के बारे में। तो गाइस मैं आपको यहाँ पे मूवी का रिव्यू दूंगा, और गाइस मूवी का रिव्यू स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूँ कि गाइस मैं यहाँ पे कोई मूवी की क्लिप या फिर पूरी मूवी अपलोड नहीं कर पाऊंगा यूट्यूब कम्युनिटी गाइडलाइंस की वजह से। तो गाइस चलिए स्टार्ट करते हैं मूवी का रिव्यू, और गाइस मैं आपको बताता हूँ यहाँ पे इस मूवी को किसने डायरेक्ट किया है और किसके द्वारा इसका स्क्रीन प्ले दिया गया है, और इस मूवी की स्टोरी के बारे में, किसने इस मूवी की स्टोरी दी है, और इस मूवी के प्रोड्यूसर्स के बारे में, और इस मूवी के स्टारिंग रोल्स के बारे में, और गाइस मूवी से जुड़ी हुई जानकारी और काफ़ी कुछ। तो गाइस इस मूवी का जो डायरेक्टर हैं वह अनीस बज्मी, और गाइस अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के स्क्रीन प्ले की, तो गाइस इस मूवी का जो स्क्रीन प्ले दिया गया है वो दिया गया है बलविंदर सिंह जंजुआ के द्वारा, और गुरमीत सिंह के द्वारा, और राजेश चावला के द्वारा, जिन्होंने गाइस इस मूवी के अंदर डायलॉग्स दिए हैं। और अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी की स्टोरी की, तो गाइस इस मूवी की जो स्टोरी दी गई है वो दी गई बलविंदर सिंह जंजुआ के द्वारा और रुपिंदर चहल के द्वारा। और गाइस अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के प्रोड्यूसर्स की, तो गाइस इस मूवी के प्रोड्यूसर्स में आपको देखने के लिए मिलेंगे सोनी पिक्चर्स नेटवर्क्स प्रोडक्शंस और मुराद खेतानी के द्वारा और अश्विन वर्दे के द्वारा। और गाइस अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के स्टारिंग रोल्स की, तो गाइस इस मूवी के स्टारिंग रोल्स में आपको देखने के लिए मिलेंगे अनिल कपूर और अर्जुन कपूर और इलियाना डिक्रूज और आथिया शेट्टी और करण कुंद्रा और नेहा शर्मा और राहुल देव और गुरपाल सिंह और रतन पाठक साहा और पवन मल्होत्रा और ललित परिमो और संजय कपूर। और गाइस ये मूवी सुनाई गई है विजय राज के द्वारा। और गाइस अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के सिनेमेटोग्राफी की, तो गाइस इस मूवी की जो सिनेमेटोग्राफी की गई है वो की गई हिम्मत धमीजा के द्वारा, और गाइस इस मूवी को एडिट किया गया है रामेश्वर एस भगत के द्वारा। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के म्यूजिक की। तो गाइस इस मूवी के अंदर जो सॉन्ग्स दिए गए हैं वो दिए गए अमाल मलिक के द्वारा और गौरव रोशन के द्वारा और ऋषि रिच के द्वारा, और इस मूवी के अंदर जो बैकग्राउंड स्कोर दिया गया है वो दिया गया अमर मोहिल के द्वारा। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की प्रोडक्शन कंपनीज की। तो गाइस इस मूवी की जो प्रोडक्शन कंपनीज हैं वो है सोनी पिक्चर्स नेटवर्क्स प्रोडक्शंस और साइनमन स्टूडियोज और मार्क प्रोडक्शन। और गाइस इस मूवी को डिस्ट्रीब्यूट किया गया था सोनी पिक्चर्स लीजिंग के द्वारा, और इस मूवी को रिलीज किया गया था 28 जुलाई 2017 को, और मूवी का टोटल रनिंग टाइम है 116 मिनट का, और ये इंडिया की हिंदी लैंग्वेज की मूवी है। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के बजट की। तो गाइस इस मूवी का टोटल बजट है वो है 65 करोड़ रुपए का, और अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी की बॉक्स ऑफिस पे कमाई की, तो गाइस बॉक्स ऑफिस पे इस मूवी ने मतलब काफ़ी अच्छी खासी धूम मचाई, काफ़ी अच्छी खासी कमाई की है, क्योंकि इस बॉक्स ऑफिस पे जिस मूवी ने कमाई की है वो की 93.59 करोड़ रुपये की। तो आप इससे भी अंदाज़ा लगा सकते हैं कि मूवी की स्टोरी कैसी होगी। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के साउंड ट्रैक की। तो गाइस अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के साउंड ट्रैक की, तो गाइस इस मूवी के अंदर टोटल 6 सॉन्ग्स हैं, और गाइस जो इस मूवी के अंदर पहला सॉन्ग है वो है द गूगल सॉन्ग, और गाइस जो इस मूवी के अंदर दूसरा सॉन्ग है वो है मुबारक का टाइटल ट्रैक, और गाइस जो इस मूवी के अंदर तीसरा सॉन्ग है वह जट जगुआर, और गाइस जो इस मूवी के अंदर चौथा सॉन्ग है वह हाथों में थे हाथ, और गाइस जो इस मूवी के अंदर पांचवा सॉन्ग है वह हवा हवा, और गाइस जो इस मूवी के अंदर छठा और आखिरी सॉन्ग है वह दिल धड़के लाउडर लाउडर। तो गाइस इसी तरीके से 6 सॉन्ग्स हैं, और मतलब मीडियम सॉन्ग्स हैं, सुन भी सकते हैं आप अगर आपका मन करता है तो, मैं सजेस्ट करूंगा सुन सकते हैं अगर मन कर रहा है तो, अगर नहीं कर रहा तो मत सुनिए, स्किप कर दीजिए। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की IMDb रेटिंग के बारे में। तो गाइस अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी की IMDb रेटिंग की, तो गाइस इस मूवी को IMDb पर मिले हैं 10 में से 5.6 की रेटिंग, जो कि गाइस मतलब मीडियम से थोड़ा ऊपर है, काफ़ी सही रेटिंग है। तो मैं आपको सजेशन यहाँ पे यही करूँगा कि वन टाइम मूवी है, अगर आप एक बार देखेंगे तो आपको काफ़ी आनंद आएगा, थोड़े कॉमेडी सीन्स भी इस मूवी के अंदर और मतलब एक्शन सीन्स भी हैं। तो सजेस्ट मैं आपको यहाँ पे यही करूँगा, आप मूवी देखें एक बार जरूर देखें। और गाइस वैसे मैं अगर आपको अपना पर्सनल ओपिनियन दूँ इस मूवी के बारे में, तो गाइस ये मूवी मेरी देखी हुई है और काफ़ी कॉमेडी स्टोरी इस मूवी, तो गाइस मैं आपको यहाँ पे सजेस्ट यही करूँगा आप एक बार जरूर देखें इस मूवी को, और मूवी देख के मूवी का आनंद लें और इस मूवी के सॉन्ग सुने और अच्छे से जाने इस मूवी की स्टोरी को और सॉन्ग सुन के सॉन्ग्स का आनंद लें। तो गाइस चलिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। हे गाइस, आप सभी का फिर से स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल थंडर रिव्यूज़ में। तो गाइस आज हम बात करने वाले हैं यहाँ पे मुबारका मूवी के बारे में। तो गाइस मैं आपको यहाँ पे मूवी का रिव्यू दूंगा, और गाइस मूवी का रिव्यू स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि गाइस मैं यहाँ पे कोई मूवी की क्लिप या फिर पूरी मूवी अपलोड नहीं कर पाऊंगा यूट्यूब कम्युनिटी गाइडलाइंस की वजह से। तो गाइस चलिए स्टार्ट करते हैं मूवी का रिव्यू, और गाइस मैं आपको बताता हूँ यहाँ पे इस मूवी को किसने डायरेक्ट किया है और किसके द्वारा इसका स्क्रीन प्ले दिया गया है, और इस मूवी की स्टोरी के बारे में, किसने इस मूवी की स्टोरी दी है, और इस मूवी के प्रोड्यूसर्स के बारे में, और इस मूवी के स्टारिंग रोल्स के बारे में, और गाइस मूवी से जुड़ी हुई जानकारी और काफ़ी कुछ। तो गाइस इस मूवी का जो डायरेक्टर हैं वह अनीस बज्मी, और गाइस अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के स्क्रीन प्ले की, तो गाइस इस मूवी का जो स्क्रीन प्ले दिया गया है वो दिया गया है बलविंदर सिंह जंजुआ के द्वारा और गुरमीत सिंह के द्वारा और राजेश चावला के द्वारा, जिन्होंने गाइस इस मूवी के अंदर डायलॉग्स दिए हैं। और अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी की स्टोरी की, तो गाइस इस मूवी की जो स्टोरी दी गई है वो दी गई बलविंदर सिंह जंजुआ के द्वारा और रुपिंदर चहल के द्वारा। और गाइस अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के प्रोड्यूसर्स की, तो गाइस इस मूवी के प्रोड्यूसर्स में आपको देखने के लिए मिलेंगे सोनी पिक्चर्स नेटवर्क्स प्रोडक्शंस और मुराद खेतानी के द्वारा और अश्विन वर्दे के द्वारा। और गाइस अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के स्टारिंग रोल्स की, तो गाइस इस मूवी के स्टारिंग रोल्स में आपको देखने के लिए मिलेंगे अनिल कपूर और अर्जुन कपूर और इलियाना डिक्रूज और आथिया शेट्टी और करण कुंद्रा और नेहा शर्मा और राहुल देव और गुरपाल सिंह और रतन पाठक साहा और पवन मल्होत्रा और ललित परिमो
और संजय कपूर। और गाइज ये मूवी सुनाई गई है विजय राज के द्वारा। और गाइज अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी की सिनेमेटोग्राफी की, तो गाइज इस मूवी की जो सिनेमेटोग्राफी की गई है वो की गई हेमंत धमीजा के द्वारा। और गाइज इस मूवी को एडिट किया गया है रामेश्वर एस भगत के द्वारा। तो गाइज चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के म्यूजिक की। तो गाइज इस मूवी के अंदर जो सॉन्ग्स दिए गए हैं वो दिए गए अमाल मलिक के द्वारा और गौरव रोशन के द्वारा और ऋषि रिच के द्वारा। और इस मूवी के अंदर जो बैकग्राउंड स्कोर दिया गया है वो दिया गया अमर मोहिल के द्वारा। तो गाइज चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की प्रोडक्शन कंपनीज की। तो गाइज इस मूवी की जो प्रोडक्शन कंपनीज हैं वो है सोनी पिक्चर्स नेटवर्क्स प्रोडक्शंस और साइनमन स्टूडियोज और मार्क प्रोडक्शन। और गाइज इस मूवी को डिस्ट्रीब्यूट किया गया था सोनी पिक्चर्स लीजिंग के द्वारा। और इस मूवी को रिलीज किया गया था 28 जुलाई 2017 को। और मूवी का टोटल रनिंग टाइम है 116 मिनट का। और ये इंडिया की हिंदी लैंग्वेज की मूवी है। तो गाइज चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के बजट की। तो गाइज इस मूवी का टोटल बजट है वो 65 करोड़ रुपए का। और अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी की बॉक्स ऑफिस पे कमाई की, तो गाइज बॉक्स ऑफिस पे इस मूवी ने मतलब काफ़ी अच्छी खासी धूम मचाई, काफ़ी अच्छी खासी कमाई की है। क्योंकि इस बॉक्स ऑफिस पे जिस मूवी ने कमाई की है वो की 93.59 करोड़ रुपए की। तो आप इससे भी अंदाजा लगा सकते हैं कि मूवी की स्टोरी कैसी होगी। तो गाइज चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के साउंड ट्रैक की। तो गाइज अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के साउंड ट्रैक की, तो गाइज इस मूवी के अंदर टोटल 6 सॉन्ग्स हैं। और गाइज जो इस मूवी के अंदर पहला सॉन्ग है वो है द गूगल सॉन्ग। और गाइज जो इस मूवी के अंदर दूसरा सॉन्ग है वो है मुबारका का टाइटल ट्रैक। और गाइज जो इस मूवी के अंदर तीसरा सॉन्ग है वो है जट जगुआर। और गाइज जो इस मूवी के अंदर चौथा सॉन्ग है वह हाथों में थे हाथ। और गाइज जो इस मूवी के अंदर पांचवा सॉन्ग है वह हवा हवा। और गाइज जो इस मूवी के अंदर छठा और आखिरी सॉन्ग है वह दिल धड़के लाउडर लाउडर। तो गाइज इसी तरीके से 6 सॉन्ग्स हैं और मतलब मीडियम सॉन्ग्स हैं, सुन भी सकते हैं आप अगर आपका मन करता है तो। मैं सजेस्ट करूँगा सुन सकते हैं अगर मन कर रहा है तो, अगर नहीं कर रहा तो मत सुनिए, स्किप कर दीजिए। तो गाइज चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की IMDb रेटिंग के बारे में। तो गाइज अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी की IMDb रेटिंग की, तो गाइज इस मूवी को IMDb पर मिले हैं 10 में से 5.6 की रेटिंग, जो कि गाइज मतलब मीडियम से थोड़ा ऊपर है, काफ़ी सही रेटिंग है। तो मैं आपको सजेशन यहाँ पे यही करूँगा कि वन टाइम मूवी है, अगर आप एक बार देखेंगे तो आपको काफ़ी आनंद आएगा। थोड़े कॉमेडी सीन्स भी इस मूवी के अंदर और मतलब एक्शन सीन्स भी हैं। तो सजेशन मैं आपको यहाँ पे यही करूँगा, आप मूवी देखें एक बार जरूर देखें। और गाइज वैसे मैं अगर आपको अपना पर्सनल ओपिनियन दूँ इस मूवी के बारे में, तो गाइज ये मूवी मेरी देखी हुई है और काफ़ी कॉमेडी स्टोरी इस मूवी। तो गाइज मैं आपको यहाँ पे सजेस्ट यही करूँगा, आप एक बार जरूर देखें इस मूवी को और मूवी देख के मूवी का आनंद लें और इस मूवी के सॉन्ग सुने और अच्छे जाने इस मूवी की स्टोरी को और सॉन्ग सुन के सॉन्ग्स का आनंद लें। तो गाइज चलिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। हे गाइज आप सभी का फिर से स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल थंडर रिव्यूज़ में। तो गाइज आज हम बात करने वाले हैं यहाँ पे मुबारका मूवी के बारे में। तो गाइज मैं आपको यहाँ पे मूवी का रिव्यू दूंगा। और गाइज मूवी का रिव्यू स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूँ कि गाइज मैं यहाँ पे कोई मूवी की क्लिप या फिर पूरी मूवी अपलोड नहीं कर पाऊंगा यूट्यूब कम्युनिटी गाइडलाइंस की वजह से। तो गाइज चलिए स्टार्ट करते हैं मूवी का रिव्यू। और गाइज मैं आपको बताता हूँ यहाँ पे इस मूवी को किसने डायरेक्ट किया है और किसके द्वारा इसका स्क्रीन प्ले दिया गया है और इस मूवी की स्टोरी के बारे में, किसने इस मूवी की स्टोरी दी है और इस मूवी के प्रोड्यूसर्स के बारे में और इस मूवी के स्टारिंग रोल्स के बारे में और गाइज मूवी से जुड़ी हुई जानकारी और काफ़ी कुछ। तो गाइज इस मूवी का जो डायरेक्टर हैं वह अनीस बज्मी। और गाइज अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के स्क्रीन प्ले की, तो गाइज इस मूवी का जो स्क्रीन प्ले दिया गया है वो दिया गया बलविंदर सिंह जंजुआ के द्वारा और गुरमीत सिंह के द्वारा और राजेश चावला के द्वारा, जिन्होंने गाइज इस मूवी के अंदर डायलॉग्स दिए हैं। और अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी की स्टोरी की, तो गाइज इस मूवी की जो स्टोरी दी गई है वो दी गई बलविंदर सिंह जंजुआ के द्वारा और रुपिंदर चहल के द्वारा। और गाइज अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के प्रोड्यूसर्स की, तो गाइज इस मूवी के प्रोड्यूसर्स में आपको देखने के लिए मिलेंगे सोनी पिक्चर्स नेटवर्क्स प्रोडक्शंस और मुराद खेतानी के द्वारा और अश्विन वर्दे के द्वारा। और गाइज अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के स्टारिंग रोल्स की, तो गाइज इस मूवी के स्टारिंग रोल्स में आपको देखने के लिए मिलेंगे अनिल कपूर और अर्जुन कपूर और इलियाना डिक्रूज और आथिया शेट्टी और करण कुंद्रा और नेहा शर्मा और राहुल देव और गुरपाल सिंह और रतन पाठक साहा और पवन मल्होत्रा और ललित परिमो और संजय कपूर। और गाइज ये मूवी सुनाई गई है विजय राज के द्वारा। और गाइज अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी की सिनेमेटोग्राफी की, तो गाइज इस मूवी की जो सिनेमेटोग्राफी की गई है वो की गई हेमंत धमीजा के द्वारा। और गाइज इस मूवी को एडिट किया गया है रामेश्वर एस भगत के द्वारा। तो गाइज चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के म्यूजिक की। तो गाइज इस मूवी के अंदर जो सॉन्ग्स दिए गए हैं वो दिए गए अमाल मलिक के द्वारा और गौरव रोशन के द्वारा और ऋषि रिच के द्वारा। और इस मूवी के अंदर जो बैकग्राउंड स्कोर दिया गया है वो दिया गया अमर मोहिल के द्वारा। तो गाइज चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की प्रोडक्शन कंपनीज की। तो गाइज इस मूवी की जो प्रोडक्शन कंपनीज हैं वो है सोनी पिक्चर्स नेटवर्क्स प्रोडक्शंस और साइनमन स्टूडियोज और मार्क प्रोडक्शन। और गाइज इस मूवी को डिस्ट्रीब्यूट किया गया था सोनी पिक्चर्स लीजिंग के द्वारा। और इस मूवी को रिलीज किया गया था 28 जुलाई 2017 को। और मूवी का टोटल रनिंग टाइम है 116 मिनट का। और ये इंडिया की हिंदी लैंग्वेज की मूवी है। तो गाइज चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के बजट की। तो गाइज इस मूवी का टोटल बजट है वो 65 करोड़ रुपए का। और अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी की बॉक्स ऑफिस पे कमाई की, तो गाइज बॉक्स ऑफिस पे इस मूवी ने मतलब काफ़ी अच्छी खासी धूम मचाई, काफ़ी अच्छी खासी कमाई की है। क्योंकि इस बॉक्स ऑफिस पे जिस मूवी ने कमाई की है वो की 93.59 करोड़ रुपये की। तो आप इससे भी अंदाज़ा लगा सकते हैं कि मूवी की स्टोरी कैसी होगी। तो गाइज चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के साउंड ट्रैक की। तो गाइज अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के साउंड ट्रैक की, तो गाइज इस मूवी के अंदर टोटल 6 सॉन्ग्स हैं। और गाइज जो इस मूवी के अंदर पहला सॉन्ग है वो है द गूगल सॉन्ग। और गाइज जो इस मूवी के अंदर दूसरा सॉन्ग है वो है मुबारका का टाइटल ट्रैक। और गाइज जो इस मूवी के अंदर तीसरा सॉन्ग है वो जट जगुआर।
और गाइस जो इस मूवी के अंदर चौथा सॉन्ग है वह हाथों में थे हाथ, और गाइस जो इस मूवी के अंदर पांचवा सॉन्ग है वह हवा हवा, और गाइस जो इस मूवी के अंदर छठा और आखिरी सॉन्ग है वह दिल धड़के लाउडर लाउडर। तो गाइस इसी तरीके से छह सॉन्ग्स हैं और मतलब मीडियम सॉन्ग्स हैं, सुन भी सकते हैं आप अगर आपका मन करता है तो, मैं सजेस्ट करूंगा सुन सकते हैं अगर मन कर रहा है तो, अगर नहीं कर रहा तो मत सुनिए, स्किप कर दीजिए। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के IMDb रेटिंग के बारे में। तो गाइस अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी की IMDb रेटिंग की, तो गाइस इस मूवी को IMDb पर मिले हैं 10 में से 5.6 की रेटिंग, जो कि गाइस मतलब मीडियम से थोड़ा ऊपर है, काफ़ी सही रेटिंग है। तो मैं आपको सजेशन यहाँ पे यही करूँगा कि वन टाइम मूवी है, अगर आप एक बार देखेंगे तो आपको काफ़ी आनंद आएगा, थोड़े कॉमेडी सीन्स भी इस मूवी के अंदर और मतलब एक्शन सीन्स भी हैं। तो सजेस्ट मैं आपको यहाँ पे यही करूँगा, आप मूवी देखें एक बार जरूर देखें। और गाइस वैसे मैं अगर आपको अपना पर्सनल ओपिनियन दूँ इस मूवी के बारे में, तो गाइस ये मूवी मेरी देखी हुई है और काफ़ी कॉमेडी स्टोरी इस मूवी, तो गाइस मैं आपको यहाँ पे सजेस्ट यही करूँगा आप एक बार जरूर देखें इस मूवी को और मूवी देख के मूवी का आनंद लें और इस मूवी के सॉन्ग सुने और अच्छे से जानें इस मूवी की स्टोरी को और सॉन्ग सुन के सॉन्ग्स का आनंद लें। तो गाइस चलिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। हे गाइस आप सभी का फिर से स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल थंडर रिव्यूज में। तो गाइस आज हम बात करने वाले हैं यहाँ पे मुबारका मूवी के बारे में। तो गाइस मैं आपको यहाँ पे मूवी का रिव्यू दूंगा और गाइस मूवी का रिव्यू स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूँ कि गाइस मैं यहाँ पे कोई मूवी की क्लिप या फिर पूरी मूवी अपलोड नहीं कर पाऊंगा यूट्यूब कम्युनिटी गाइडलाइंस की वजह से। तो गाइस चलिए स्टार्ट करते हैं मूवी का रिव्यू और गाइस मैं आपको बताता हूँ यहाँ पे इस मूवी को किसने डायरेक्ट किया है और किसके द्वारा इसका स्क्रीन प्ले दिया गया है और इस मूवी की स्टोरी के बारे में, किसने इस मूवी की स्टोरी दी है और इस मूवी के प्रोड्यूसर्स के बारे में और इस मूवी के स्टारिंग रोल्स के बारे में और गाइस मूवी से जुड़ी हुई जानकारी और काफ़ी कुछ। तो गाइस इस मूवी का जो डायरेक्टर हैं वह अनीस बज्मी, और गाइस अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के स्क्रीन प्ले की, तो गाइस इस मूवी का जो स्क्रीन प्ले दिया गया है वो दिया गया है बलविंदर सिंह जंजुआ के द्वारा और गुरमीत सिंह के द्वारा और राजेश चावला के द्वारा, जिन्होंने गाइस इस मूवी के अंदर डायलॉग्स दिए हैं। और अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी की स्टोरी की, तो गाइस इस मूवी की जो स्टोरी दी गई है वो दी गई बलविंदर सिंह जंजुआ के द्वारा और रुपिंदर चहल के द्वारा। और गाइस अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के प्रोड्यूसर्स की, तो गाइस इस मूवी के प्रोड्यूसर्स में आपको देखने के लिए मिलेंगे सोनी पिक्चर्स नेटवर्क्स प्रोडक्शंस और मुराद खेतानी के द्वारा और अश्विन वर्दे के द्वारा। और गाइस अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के स्टारिंग रोल्स की, तो गाइस इस मूवी के स्टारिंग रोल्स में आपको देखने के लिए मिलेंगे अनिल कपूर और अर्जुन कपूर और इलियाना डिक्रूज और आथिया शेट्टी और करण कुंद्रा और नेहा शर्मा और राहुल देव और गुरपाल सिंह और रतन पाठक साहा और पवन मल्होत्रा और ललित परिमो और संजय कपूर। और गाइस ये मूवी सुनाई गई है विजय राज के द्वारा। और गाइस अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के सिनेमेटोग्राफी की, तो गाइस इस मूवी की जो सिनेमेटोग्राफी की गई है वो की गई हिम्मत धमीजा के द्वारा और गाइस इस मूवी को एडिट किया गया है रामेश्वर एस भगत के द्वारा। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के म्यूजिक की, तो गाइस इस मूवी के अंदर जो सॉन्ग्स दिए गए हैं वो दिए गए हैं अमाल मलिक के द्वारा और गौरव रोशन के द्वारा और ऋषि रिच के द्वारा। और इस मूवी के अंदर जो बैकग्राउंड स्कोर दिया गया है वो दिया गया अमर मोहिल के द्वारा। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की प्रोडक्शन कंपनीज की, तो गाइस इस मूवी की जो प्रोडक्शन कंपनीज हैं वो है सोनी पिक्चर्स नेटवर्क्स प्रोडक्शंस और साइन वन स्टूडियोज और मार्क प्रोडक्शन। और गाइस इस मूवी को डिस्ट्रीब्यूट किया गया था सोनी पिक्चर्स लीजिंग के द्वारा और इस मूवी को रिलीज किया गया था 28 जुलाई 2017 को और मूवी का टोटल रनिंग टाइम है 116 मिनट का और ये इंडिया की हिंदी लैंग्वेज की मूवी है। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के बजट की, तो गाइस इस मूवी का टोटल बजट है वो 65 करोड़ रुपए का। और अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी की बॉक्स ऑफिस पे कमाई की, तो गाइस बॉक्स ऑफिस पे इस मूवी ने मतलब काफ़ी अच्छी खासी धूम मचाई, काफ़ी अच्छी खासी कमाई की है, क्योंकि इस बॉक्स ऑफिस पे जिस मूवी ने कमाई की है वो की 93.59 करोड़ रुपये की। तो आप इससे भी अंदाजा लगा सकते हैं कि मूवी की स्टोरी कैसी होगी। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के साउंड ट्रैक की, तो गाइस अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के साउंड ट्रैक की, तो गाइस इस मूवी के अंदर टोटल 6 सॉन्ग्स हैं और गाइस जो इस मूवी के अंदर पहला सॉन्ग है वह द गूगल सॉन्ग, और गाइस जो इस मूवी के अंदर दूसरा सॉन्ग है वह मुबारक का टाइटल ट्रैक, और गाइस जो इस मूवी के अंदर तीसरा सॉन्ग है वह जट जगुआर, और गाइस जो इस मूवी के अंदर चौथा सॉन्ग है वह हाथों में थे हाथ, और गाइस जो इस मूवी के अंदर पांचवा सॉन्ग है वह हवा हवा, और गाइस जो इस मूवी के अंदर छठा और आखिरी सॉन्ग है वह दिल धड़के लाउडर लाउडर। तो गाइस इसी तरीके से 6 सॉन्ग्स हैं और मतलब मीडियम सॉन्ग्स हैं, सुन भी सकते हैं आप अगर आपका मन करता है तो, मैं सजेस्ट करूंगा सुन सकते हैं अगर मन कर रहा है तो, अगर नहीं कर रहा तो मत सुनिए, स्किप कर दीजिए। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के IMDb रेटिंग के बारे में। तो गाइस अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी की IMDb रेटिंग की, तो गाइस इस मूवी को IMDb पर मिले हैं 10 में से 5.6 की रेटिंग, जो कि गाइस मतलब मीडियम से थोड़ा ऊपर है, काफ़ी सही रेटिंग है। तो मैं आपको सजेस्ट यहाँ पे यही करूँगा कि वन टाइम मूवी है, अगर आप एक बार देखेंगे तो आपको काफ़ी आनंद आएगा, थोड़े कॉमेडी सीन्स भी इस मूवी के अंदर और मतलब एक्शन सीन्स भी हैं। तो सजेस्ट मैं आपको यहाँ पे यही करूँगा आप मूवी देखें एक बार जरूर देखें। और गाइस वैसे मैं अगर आपको अपना पर्सनल ओपिनियन दूँ इस मूवी के बारे में, तो गाइस ये मूवी मेरी देखी हुई है और काफ़ी कॉमेडी स्टोरी इस मूवी, तो गाइस मैं आपको यहाँ पे सजेस्ट यही करूँगा आप एक बार जरूर देखें इस मूवी को और मूवी देख के मूवी का आनंद लें और इस मूवी के सॉन्ग सुने और अच्छे से जानें इस मूवी की स्टोरी को और सॉन्ग सुन के सॉन्ग्स का आनंद लें। तो गाइस चलिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। हे गाइस आप सभी का फिर से स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल थंडर रिव्यूज़ में। तो गाइस आज हम बात करने वाले हैं यहाँ पे मुबारका मूवी के बारे में। तो गाइस मैं आपको यहाँ पे मूवी का रिव्यू दूंगा और गाइस मूवी का रिव्यू स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि गाइस मैं यहाँ पे कोई मूवी की क्लिप या फिर पूरी मूवी अपलोड नहीं कर पाऊंगा यूट्यूब कम्युनिटी गाइडलाइंस की वजह से।
तो वैसे चलिए स्टार्ट करते हैं मूवी का रिव्यू। और गाइस मैं आपको बताता हूँ यहाँ पे इस मूवी को किसने डायरेक्ट किया है और किसके द्वारा इसका स्क्रीन प्ले दिया गया है और इस मूवी की स्टोरी के बारे में, किसने इस मूवी की स्टोरी दी है और इस मूवी के प्रोड्यूसर्स के बारे में और इस मूवी के स्टारिंग रोल्स के बारे में और गाइस मूवी से जुड़ी हुई जानकारी और काफ़ी कुछ। तो गाइस इस मूवी का जो डायरेक्टर हैं वह अनीस बज्मी। और गाइस अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के स्क्रीन प्ले की, तो गाइस इस मूवी का जो स्क्रीन प्ले दिया गया है वो दिया गया है बलविंदर सिंह जंजुआ के द्वारा और गुरमीत सिंह के द्वारा और राजेश चावला के द्वारा, जिन्होंने गाइस इस मूवी के अंदर डायलॉग्स दिए हैं। और अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी की स्टोरी की, तो गाइस इस मूवी की जो स्टोरी दी गई है वो दी गई बलविंदर सिंह जंजुआ के द्वारा और रुपिंदर चहल के द्वारा। और गाइस अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के प्रोड्यूसर्स की, तो गाइस इस मूवी के प्रोड्यूसर्स में आपको देखने के लिए मिलेंगे सोनी पिक्चर्स नेटवर्क्स प्रोडक्शंस और मुराद खेतानी के द्वारा और अश्विन वर्दे के द्वारा। और गाइस अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के स्टारिंग रोल्स की, तो गाइस इस मूवी के स्टारिंग रोल्स में आपको देखने के लिए मिलेंगे अनिल कपूर और अर्जुन कपूर और इलियाना डिक्रूज और आथिया शेट्टी और करण कुंद्रा और नेहा शर्मा और राहुल देव और गुरपाल सिंह और रतन पाठक साहा और पवन मल्होत्रा और ललित परिमो और संजय कपूर। और गाइस ये मूवी सुनाई गई है विजय राज के द्वारा। और गाइस अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के सिनेमेटोग्राफी की, तो गाइस इस मूवी की जो सिनेमेटोग्राफी की गई है वो की गई हिम्मत धमीजा के द्वारा और गाइस इस मूवी को एडिट किया गया है रामेश्वर एस भगत के द्वारा। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के म्यूजिक की। तो गाइस इस मूवी के अंदर जो सॉन्ग्स दिए गए हैं वो दिए गए अमाल मलिक के द्वारा और गौरव रोशन के द्वारा और ऋषि रिच के द्वारा। और इस मूवी के अंदर जो बैकग्राउंड स्कोर दिया गया है वो दिया गया अमर मोहिल के द्वारा। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की प्रोडक्शन कंपनीज की। तो गाइस इस मूवी की जो प्रोडक्शन कंपनीज हैं वो है सोनी पिक्चर्स नेटवर्क्स प्रोडक्शंस और साइनमन स्टूडियोज और मार्क प्रोडक्शन। और गाइस इस मूवी को डिस्ट्रीब्यूट किया गया था सोनी पिक्चर्स लीजिंग के द्वारा और इस मूवी को रिलीज किया गया था 28 जुलाई 2017 को और मूवी का टोटल रनिंग टाइम है 116 मिनट का और ये इंडिया की हिंदी लैंग्वेज की मूवी है। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के बजट की। तो गाइस इस मूवी का टोटल बजट है वो है 65 करोड़ रुपए का। और अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी की बॉक्स ऑफिस पे कमाई की, तो गाइस बॉक्स ऑफिस पे इस मूवी ने मतलब काफ़ी अच्छी खासी धूम मचाई, काफ़ी अच्छी खासी कमाई की है, क्योंकि इस बॉक्स ऑफिस पे जिस मूवी ने कमाई की है वो 93.59 करोड़ रुपए की। तो आप इससे भी अंदाज़ा लगा सकते हैं कि मूवी की स्टोरी कैसी होगी। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के साउंड ट्रैक की। तो गाइस अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के साउंड ट्रैक की, तो गाइस इस मूवी के अंदर टोटल 6 सॉन्ग्स हैं। और गाइस जो इस मूवी के अंदर पहला सॉन्ग है वो है द गूगल सॉन्ग। और गाइस जो इस मूवी के अंदर दूसरा सॉन्ग है वो है मुबारक का टाइटल ट्रैक। और गाइस जो इस मूवी के अंदर तीसरा सॉन्ग है वह जट जगुआर। और गाइस जो इस मूवी के अंदर चौथा सॉन्ग है वह हाथों में थे हाथ। और गाइस जो इस मूवी के अंदर पांचवा सॉन्ग है वह हवा हवा। और गाइस जो इस मूवी के अंदर छठा और आखिरी सॉन्ग है वह दिल धड़के लाउडर लाउडर। तो गाइस इसी तरीके से 6 सॉन्ग्स हैं और मतलब मीडियम सॉन्ग्स हैं, सुन भी सकते हैं आप अगर आपका मन करता है तो, मैं सजेस्ट करूंगा सुन सकते हैं अगर मन कर रहा है तो, अगर नहीं कर रहा तो मत सुनिए, स्किप कर दीजिए। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के IMDb रेटिंग के बारे में। तो गाइस अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी की IMDb रेटिंग की, तो गाइस इस मूवी को IMDb पर मिले हैं 10 में से 5.6 की रेटिंग, जो कि गाइस मतलब मीडियम से थोड़ा ऊपर है, काफ़ी सही रेटिंग है। तो मैं आपको सजेशन यहाँ पे यही करूँगा कि वन टाइम मूवी है, अगर आप एक बार देखेंगे तो आपको काफ़ी आनंद आएगा, थोड़े कॉमेडी सीन्स भी इस मूवी के अंदर और मतलब एक्शन सीन्स भी हैं। तो सजेस्ट मैं आपको यहाँ पे यही करूँगा, आप मूवी देखें एक बार जरूर देखें। और गाइस वैसे मैं अगर आपको अपना पर्सनल ओपिनियन दूँ इस मूवी के बारे में, तो गाइस ये मूवी मेरी देखी हुई है और काफ़ी कॉमेडी स्टोरी इस मूवी। तो गाइस मैं आपको यहाँ पे सजेस्ट यही करूँगा, आप एक बार जरूर देखें इस मूवी को और मूवी देख के मूवी का आनंद लें और इस मूवी के सॉन्ग सुने और अच्छे जाने इस मूवी की स्टोरी को और सॉन्ग सुन के सॉन्ग्स का आनंद लें। तो गाइस चलिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। हे गाइस आप सभी का फिर से स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल थंडर रिव्यूज़ में। तो गाइस आज हम बात करने वाले हैं यहाँ पे मुबारका मूवी के बारे में। तो गाइस मैं आपको यहाँ पे मूवी का रिव्यू दूंगा और गाइस मूवी का रिव्यू स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूँ कि गाइस मैं यहाँ पे कोई मूवी की क्लिप या फिर पूरी मूवी अपलोड नहीं कर पाऊंगा यूट्यूब कम्युनिटी गाइडलाइंस की वजह से। तो गाइस चलिए स्टार्ट करते हैं मूवी का रिव्यू। और गाइस मैं आपको बताता हूँ यहाँ पे इस मूवी को किसने डायरेक्ट किया है और किसके द्वारा इसका स्क्रीन प्ले दिया गया है और इस मूवी की स्टोरी के बारे में, किसने इस मूवी की स्टोरी दी है और इस मूवी के प्रोड्यूसर्स के बारे में और इस मूवी के स्टारिंग रोल्स के बारे में और गाइस मूवी से जुड़ी हुई जानकारी और काफ़ी कुछ। तो गाइस इस मूवी का जो डायरेक्टर हैं वह अनीस बज्मी। और गाइस अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के स्क्रीन प्ले की, तो गाइस इस मूवी का जो स्क्रीन प्ले दिया गया है वो दिया गया है बलविंदर सिंह जंजुआ के द्वारा और गुरमीत सिंह के द्वारा और राजेश चावला के द्वारा, जिन्होंने गाइस इस मूवी के अंदर डायलॉग्स दिए हैं। और अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी की स्टोरी की, तो गाइस इस मूवी की जो स्टोरी दी गई है वो दी गई बलविंदर सिंह जंजुआ के द्वारा और रुपिंदर चहल के द्वारा। और गाइस अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के प्रोड्यूसर्स की, तो गाइस इस मूवी के प्रोड्यूसर्स में आपको देखने के लिए मिलेंगे सोनी पिक्चर्स नेटवर्क्स प्रोडक्शंस और मुराद खेतानी के द्वारा और अश्विन वर्दे के द्वारा। और गाइस अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के स्टारिंग रोल्स की, तो गाइस इस मूवी के स्टारिंग रोल्स में आपको देखने के लिए मिलेंगे अनिल कपूर और अर्जुन कपूर और इलियाना डिक्रूज और आथिया शेट्टी और करण कुंद्रा और नेहा शर्मा और राहुल देव और गुरपाल सिंह और रतन पाठक साहा और पवन मल्होत्रा और ललित परिमो
और संजय कपूर। और गाइज ये मूवी सुनाई गई है विजय राज के द्वारा। और गाइज अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के सिनेमेटोग्राफी की, तो गाइज इस मूवी की जो सिनेमेटोग्राफी की गई है वो की गई हेमंत धमीजा के द्वारा। और गाइज इस मूवी को एडिट किया गया है रामेश्वर एस भगत के द्वारा। तो गाइज चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के म्यूजिक की। तो गाइज इस मूवी के अंदर जो सॉन्ग्स दिए गए हैं वो दिए गए हैं अमाल मलिक के द्वारा और गौरव रोशन के द्वारा और ऋषि रिच के द्वारा। और इस मूवी के अंदर जो बैकग्राउंड स्कोर दिया गया है वो दिया गया अमर मोहिल के द्वारा। तो गाइज चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की प्रोडक्शन कंपनीज की। तो गाइज इस मूवी की जो प्रोडक्शन कंपनीज हैं वो है सोनी पिक्चर्स नेटवर्क्स प्रोडक्शंस और साइनमन स्टूडियोज और मार्क प्रोडक्शन। और गाइज इस मूवी को डिस्ट्रीब्यूट किया गया था सोनी पिक्चर्स लीजिंग के द्वारा। और इस मूवी को रिलीज किया गया था 28 जुलाई 2017 को। और मूवी का टोटल रनिंग टाइम है 116 मिनट का और ये इंडिया की हिंदी लैंग्वेज की मूवी है। तो गाइज चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के बजट की। तो गाइज इस मूवी का टोटल बजट है वो 65 करोड़ रुपए का। और अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी की बॉक्स ऑफिस पे कमाई की, तो गाइज बॉक्स ऑफिस पे इस मूवी ने मतलब काफ़ी अच्छी खासी धूम मचाई, काफ़ी अच्छी खासी कमाई की है। क्योंकि इस बॉक्स ऑफिस पे जिस मूवी ने कमाई की है वो की 93.59 करोड़ रुपये की। तो आप इससे भी अंदाजा लगा सकते हैं कि मूवी की स्टोरी कैसी होगी। तो गाइज चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के साउंड ट्रैक की। तो गाइज अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के साउंड ट्रैक की, तो गाइज इस मूवी के अंदर टोटल 6 सॉन्ग्स हैं। और गाइज इस मूवी के अंदर पहला सॉन्ग है वो है द गूगल सॉन्ग। और गाइज इस मूवी के अंदर दूसरा सॉन्ग है वो है मुबारक का टाइटल ट्रैक। और गाइज इस मूवी के अंदर तीसरा सॉन्ग है वो जट जगुआर। और गाइज इस मूवी के अंदर चौथा सॉन्ग है वो हाथों में थे हाथ। और गाइज इस मूवी के अंदर पांचवा सॉन्ग है वो हवा हवा। और गाइज इस मूवी के अंदर छठा और आखिरी सॉन्ग है वो दिल धड़के लाउडर लाउडर। तो गाइज इसी तरीके से 6 सॉन्ग्स हैं और मतलब मीडियम सॉन्ग्स हैं, सुन भी सकते हैं आप अगर आपका मन करता है तो। मैं सजेस्ट करूंगा सुन सकते हैं अगर मन कर रहा है तो, अगर नहीं कर रहा तो मत सुनिए, स्किप कर दीजिए। तो गाइज चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के IMDb रेटिंग के बारे में। तो गाइज अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी की IMDb रेटिंग की, तो गाइज इस मूवी को IMDb पर मिले हैं 10 में से 5.6 की रेटिंग, जो कि गाइज मतलब मीडियम से थोड़ा ऊपर है, काफ़ी सही रेटिंग है। तो मैं आपको सजेस्ट यहाँ पे यही करूँगा कि वन टाइम मूवी है, अगर आप एक बार देखेंगे तो आपको काफ़ी आनंद आएगा। थोड़े कॉमेडी सीन्स भी इस मूवी के अंदर और मतलब एक्शन सीन्स भी हैं। तो सजेस्ट मैं आपको यहाँ पे यही करूँगा, आप मूवी देखें एक बार जरूर देखें। और गाइज वैसे मैं अगर आपको अपना पर्सनल ओपिनियन दूँ इस मूवी के बारे में, तो गाइज ये मूवी मेरी देखी हुई है और काफ़ी कॉमेडी स्टोरी इस मूवी। तो गाइज मैं आपको यहाँ पे सजेस्ट यही करूँगा, आप एक बार जरूर देखें इस मूवी को और मूवी देख के मूवी का आनंद लें और इस मूवी के सॉन्ग सुने और अच्छे जाने इस मूवी की स्टोरी को और सॉन्ग सुन के सॉन्ग्स का आनंद लें। तो गाइज चलिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। हे गाइज आप सभी का फिर से स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल थंडर रिव्यूज़ में। तो गाइज आज हम बात करने वाले हैं यहाँ पे मुबारका मूवी के बारे में। तो गाइज मैं आपको यहाँ पे मूवी का रिव्यू दूंगा। और गाइज मूवी का रिव्यू स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूँ कि गाइज मैं यहाँ पे कोई मूवी की क्लिप या फिर पूरी मूवी अपलोड नहीं कर पाऊंगा यूट्यूब कम्युनिटी गाइडलाइंस की वजह से। तो गाइज चलिए स्टार्ट करते हैं मूवी का रिव्यू। और गाइज मैं आपको बताता हूँ यहाँ पे इस मूवी को किसने डायरेक्ट किया है और किसके द्वारा इसका स्क्रीन प्ले दिया गया है और इस मूवी की स्टोरी के बारे में, किसने इस मूवी की स्टोरी दी है और इस मूवी के प्रोड्यूसर्स के बारे में और इस मूवी के स्टारिंग रोल्स के बारे में और गाइज मूवी से जुड़ी हुई जानकारी और काफ़ी कुछ। तो गाइज इस मूवी का जो डायरेक्टर हैं वह अनीस बज्मी। और गाइज अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के स्क्रीन प्ले की, तो गाइज इस मूवी का जो स्क्रीन प्ले दिया गया है वो दिया गया है बलविंदर सिंह जंजुआ के द्वारा और गुरमीत सिंह के द्वारा और राजेश चावला के द्वारा, जिन्होंने गाइज इस मूवी के अंदर डायलॉग्स दिए हैं। और अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी की स्टोरी की, तो गाइज इस मूवी की जो स्टोरी दी गई है वो दी गई बलविंदर सिंह जंजुआ के द्वारा और रुपिंदर चहल के द्वारा। और गाइज अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के प्रोड्यूसर्स की, तो गाइज इस मूवी के प्रोड्यूसर्स में आपको देखने के लिए मिलेंगे सोनी पिक्चर्स नेटवर्क्स प्रोडक्शंस और मुराद खेतानी के द्वारा और अश्विन वर्दे के द्वारा। और गाइज अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के स्टारिंग रोल्स की, तो गाइज इस मूवी के स्टारिंग रोल्स में आपको देखने के लिए मिलेंगे अनिल कपूर और अर्जुन कपूर और इलियाना डिक्रूज और आथिया शेट्टी और करण कुंद्रा और नेहा शर्मा और राहुल देव और गुरपाल सिंह और रतन पाठक साहा और पवन मल्होत्रा और ललित परिमो और संजय कपूर। और गाइज ये मूवी सुनाई गई है विजय राज के द्वारा। और गाइज अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के सिनेमेटोग्राफी की, तो गाइज इस मूवी की जो सिनेमेटोग्राफी की गई है वो की गई हेमंत धमीजा के द्वारा। और गाइज इस मूवी को एडिट किया गया है रामेश्वर एस भगत के द्वारा। तो गाइज चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के म्यूजिक की। तो गाइज इस मूवी के अंदर जो सॉन्ग्स दिए गए हैं वो दिए गए अमाल मलिक के द्वारा और गौरव रोशन के द्वारा और ऋषि रिच के द्वारा। और इस मूवी के अंदर जो बैकग्राउंड स्कोर दिया गया है वो दिया गया अमर मोहिल के द्वारा। तो गाइज चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की प्रोडक्शन कंपनीज की। तो गाइज इस मूवी की जो प्रोडक्शन कंपनीज हैं वो है सोनी पिक्चर्स नेटवर्क्स प्रोडक्शंस और साइनमन स्टूडियोज और मार्क प्रोडक्शन। और गाइज इस मूवी को डिस्ट्रीब्यूट किया गया था सोनी पिक्चर्स लीजिंग के द्वारा। और इस मूवी को रिलीज किया गया था 28 जुलाई 2017 को। और मूवी का टोटल रनिंग टाइम है 116 मिनट का और ये इंडिया की हिंदी लैंग्वेज की मूवी है। तो गाइज चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के बजट की। तो गाइज इस मूवी का टोटल बजट है वो 65 करोड़ रुपए का। और अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी की बॉक्स ऑफिस पे कमाई की, तो गाइज बॉक्स ऑफिस पे इस मूवी ने मतलब काफ़ी अच्छी खासी धूम मचाई, काफ़ी अच्छी खासी कमाई की है। क्योंकि इस बॉक्स ऑफिस पे जिस मूवी ने कमाई की है वो की 93.59 करोड़ रुपये की। तो आप इससे भी अंदाजा लगा सकते हैं कि मूवी की स्टोरी कैसी होगी। तो गाइज चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के साउंड ट्रैक की। तो गाइज अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के साउंड ट्रैक की, तो गाइज इस मूवी के अंदर टोटल 6 सॉन्ग्स हैं। और गाइज इस मूवी के अंदर पहला सॉन्ग है वो है द गूगल सॉन्ग।
और गाइस जो इस मूवी के अंदर दूसरा सॉन्ग है वो है मुबारका का टाइटल ट्रैक, और गाइस जो इस मूवी के अंदर तीसरा सॉन्ग है वो है जट जगुआर, और गाइस जो इस मूवी के अंदर चौथा सॉन्ग है वो है हाथों में थे हाथ, और गाइस जो इस मूवी के अंदर पांचवा सॉन्ग है वो है हवा हवा, और गाइस जो इस मूवी के अंदर छठा और आखिरी सॉन्ग है वो है दिल धड़के लाउडर लाउडर। तो गाइस इसी तरीके से छः सॉन्ग्स हैं और मतलब मीडियम सॉन्ग्स हैं, सुन भी सकते हैं आप अगर आपका मन करता है तो, मैं सजेस्ट करूँगा सुन सकते हैं अगर मन कर रहा है तो, अगर नहीं कर रहा तो मत सुनिए, स्किप कर दीजिए। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की IMDb रेटिंग के बारे में। तो गाइस अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी की IMDb रेटिंग की, तो गाइस इस मूवी को IMDb पर मिले हैं 10 में से 5.6 की रेटिंग, जो कि गाइस मतलब मीडियम से थोड़ा ऊपर है, काफ़ी सही रेटिंग है। तो मैं आपको सजेशन यहाँ पे यही करूँगा कि वन टाइम मूवी है, अगर आप एक बार देखेंगे तो आपको काफ़ी आनंद आएगा, थोड़े कॉमेडी सीन्स भी इस मूवी के अंदर और मतलब एक्शन सीन्स भी हैं। तो सजेस्ट मैं आपको यहाँ पे यही करूँगा, आप मूवी देखें एक बार जरूर देखें। और गाइस वैसे मैं अगर आपको अपना पर्सनल ओपिनियन दूँ इस मूवी के बारे में, तो गाइस ये मूवी मेरी देखी हुई है और काफ़ी कॉमेडी स्टोरी इस मूवी, तो गाइस मैं आपको यहाँ पे सजेस्ट यही करूँगा आप एक बार जरूर देखें इस मूवी को, और मूवी देख के मूवी का आनंद लें और इस मूवी के सॉन्ग सुने और अच्छे जाने इस मूवी की स्टोरी को और सॉन्ग सुन के सॉन्ग्स का आनंद लें। तो गाइस चलिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। हे गाइस आप सभी का फिर से स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल थंडर रिव्यूज़ में। तो गाइस आज हम बात करने वाले हैं यहाँ पे मुबारका मूवी के बारे में। तो गाइस मैं आपको यहाँ पे मूवी का रिव्यू दूंगा, और गाइस मूवी का रिव्यू स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूँ कि गाइस मैं यहाँ पे कोई मूवी की क्लिप या फिर पूरी मूवी अपलोड नहीं कर पाऊंगा यूट्यूब कम्युनिटी गाइडलाइंस की वजह से। तो गाइस चलिए स्टार्ट करते हैं मूवी का रिव्यू, और गाइस मैं आपको बताता हूँ यहाँ पे इस मूवी को किसने डायरेक्ट किया है और किसके द्वारा इसका स्क्रीन प्ले दिया गया है, और इस मूवी की स्टोरी के बारे में, किसने इस मूवी की स्टोरी दी है, और इस मूवी के प्रोड्यूसर्स के बारे में, और इस मूवी के स्टारिंग रोल्स के बारे में, और गाइस मूवी से जुड़ी हुई जानकारी और काफ़ी कुछ। तो गाइस इस मूवी का जो डायरेक्टर हैं वह अनीस बज्मी, और गाइस अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के स्क्रीन प्ले की, तो गाइस इस मूवी का जो स्क्रीन प्ले दिया गया है वो दिया गया है बलविंदर सिंह जंजुआ के द्वारा और गुरमीत सिंह के द्वारा और राजेश चावला के द्वारा, जिन्होंने गाइस इस मूवी के अंदर डायलॉग्स दिए हैं। और अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी की स्टोरी की, तो गाइस इस मूवी की जो स्टोरी दी गई है वो दी गई बलविंदर सिंह जंजुआ के द्वारा और रुपिंदर चहल के द्वारा। और गाइस अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के प्रोड्यूसर्स की, तो गाइस इस मूवी के प्रोड्यूसर्स में आपको देखने के लिए मिलेंगे सोनी पिक्चर्स नेटवर्क्स प्रोडक्शंस और मुराद खेतानी के द्वारा और अश्विन वर्दे के द्वारा। और गाइस अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के स्टारिंग रोल्स की, तो गाइस इस मूवी के स्टारिंग रोल्स में आपको देखने के लिए मिलेंगे अनिल कपूर और अर्जुन कपूर और इलियाना डिक्रूज और आथिया शेट्टी और करण कुंद्रा और नेहा शर्मा और राहुल देव और गुरपाल सिंह और रतन पाठक साहा और पवन मल्होत्रा और ललित परिमो और संजय कपूर। और गाइस ये मूवी सुनाई गई है विजय राज के द्वारा। और गाइस अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के सिनेमेटोग्राफी की, तो गाइस इस मूवी की जो सिनेमेटोग्राफी की गई है वो की गई हिम्मत धमीजा के द्वारा, और गाइस इस मूवी को एडिट किया गया है रामेश्वर एस भगत के द्वारा। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के म्यूजिक की, तो गाइस इस मूवी के अंदर जो सॉन्ग्स दिए गए हैं वो दिए गए हैं अमाल मलिक के द्वारा और गौरव रोशन के द्वारा और ऋषि रिच के द्वारा, और इस मूवी के अंदर जो बैकग्राउंड स्कोर दिया गया है वो दिया गया अमर मोहिल के द्वारा। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की प्रोडक्शन कंपनीज की, तो गाइस इस मूवी की जो प्रोडक्शन कंपनीज हैं वो है सोनी पिक्चर्स नेटवर्क्स प्रोडक्शंस और साइन वन स्टूडियोज और मार्क प्रोडक्शन। और गाइस इस मूवी को डिस्ट्रीब्यूट किया गया था सोनी पिक्चर्स लीजिंग के द्वारा, और इस मूवी को रिलीज किया गया था 28 जुलाई 2017 को, और मूवी का टोटल रनिंग टाइम है 116 मिनट का, और ये इंडिया की हिंदी लैंग्वेज की मूवी है। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के बजट की, तो गाइस इस मूवी का टोटल बजट है वो 65 करोड़ रुपए का, और अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी की बॉक्स ऑफिस पे कमाई की, तो गाइस बॉक्स ऑफिस पे इस मूवी ने मतलब काफ़ी अच्छी खासी धूम मचाई, काफ़ी अच्छी खासी कमाई की है, क्योंकि इस बॉक्स ऑफिस पे जिस मूवी ने कमाई की है वो की 93.59 करोड़ रुपये की। तो आप इससे भी अंदाजा लगा सकते हैं कि मूवी की स्टोरी कैसी होगी। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के साउंड ट्रैक की, तो गाइस अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के साउंड ट्रैक की, तो गाइस इस मूवी के अंदर टोटल 6 सॉन्ग्स हैं, और गाइस जो इस मूवी के अंदर पहला सॉन्ग है वो है द गूगल सॉन्ग, और गाइस जो इस मूवी के अंदर दूसरा सॉन्ग है वो है मुबारक का टाइटल ट्रैक, और गाइस जो इस मूवी के अंदर तीसरा सॉन्ग है वो है जट जगुआर, और गाइस जो इस मूवी के अंदर चौथा सॉन्ग है वो है हाथों में थे हाथ, और गाइस जो इस मूवी के अंदर पांचवा सॉन्ग है वो है हवा हवा, और गाइस जो इस मूवी के अंदर छठा और आखिरी सॉन्ग है वो है दिल धड़के लाउडर लाउडर। तो गाइस इसी तरीके से 6 सॉन्ग्स हैं और मतलब मीडियम सॉन्ग्स हैं, सुन भी सकते हैं आप अगर आपका मन करता है तो, मैं सजेस्ट करूंगा सुन सकते हैं अगर मन कर रहा है तो, अगर नहीं कर रहा तो मत सुनिए, स्किप कर दीजिए। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की IMDb रेटिंग के बारे में। तो गाइस अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी की IMDb रेटिंग की, तो गाइस इस मूवी को IMDb पर मिले हैं 10 में से 5.6 की रेटिंग, जो कि गाइस मतलब मीडियम से थोड़ा ऊपर है, काफ़ी सही रेटिंग है। तो मैं आपको सजेस्ट यहाँ पे यही करूँगा कि वन टाइम मूवी है, अगर आप एक बार देखेंगे तो आपको काफ़ी आनंद आएगा, थोड़े कॉमेडी सीन्स भी इस मूवी के अंदर और मतलब एक्शन सीन्स भी हैं। तो सजेस्ट मैं आपको यहाँ पे यही करूँगा आप मूवी देखें एक बार जरूर देखें। और गाइस वैसे मैं अगर आपको अपना पर्सनल ओपिनियन दूँ इस मूवी के बारे में, तो गाइस ये मूवी मेरी देखी हुई है और काफ़ी कॉमेडी स्टोरी इस मूवी, तो गाइस मैं आपको यहाँ पे सजेस्ट यही करूँगा आप एक बार जरूर देखें इस मूवी को, और मूवी देख के मूवी का आनंद लें और इस मूवी के सॉन्ग सुने और अच्छे जाने इस मूवी की स्टोरी को और सॉन्ग सुन के सॉन्ग्स का आनंद लें। तो गाइस चलिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए।
हे गाइस, आप सभी का फिर से स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल थंडर रिव्यूज़ में। तो गाइस आज हम बात करने वाले हैं यहाँ पे मुबारका मूवी के बारे में। तो गाइस मैं आपको यहाँ पे मूवी का रिव्यू दूंगा, और गाइस मूवी का रिव्यू स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूँ कि गाइस मैं यहाँ पे कोई मूवी की क्लिप या फिर पूरी मूवी अपलोड नहीं कर पाऊंगा यूट्यूब कम्युनिटी गाइडलाइंस की वजह से। तो गाइस चलिए स्टार्ट करते हैं मूवी का रिव्यू, और गाइस मैं आपको बताता हूँ यहाँ पे इस मूवी को किसने डायरेक्ट किया है और किसके द्वारा इसका स्क्रीन प्ले दिया गया है, और इस मूवी की स्टोरी के बारे में, किसने इस मूवी की स्टोरी दी है, और इस मूवी के प्रोड्यूसर्स के बारे में, और इस मूवी के स्टारिंग रोल्स के बारे में, और गाइस मूवी से जुड़ी हुई जानकारी और काफ़ी कुछ। तो गाइस इस मूवी का जो डायरेक्टर हैं वह अनीस बज्मी, और गाइस अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के स्क्रीन प्ले की, तो गाइस इस मूवी का जो स्क्रीन प्ले दिया गया है वो दिया गया है बलविंदर सिंह जंजुआ के द्वारा, और गुरमीत सिंह के द्वारा, और राजेश चावला के द्वारा, जिन्होंने गाइस इस मूवी के अंदर डायलॉग्स दिए हैं। और अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी की स्टोरी की, तो गाइस इस मूवी की जो स्टोरी दी गई है वो दी गई बलविंदर सिंह जंजुआ के द्वारा और रुपिंदर चहल के द्वारा। और गाइस अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के प्रोड्यूसर्स की, तो गाइस इस मूवी के प्रोड्यूसर्स में आपको देखने के लिए मिलेंगे सोनी पिक्चर्स नेटवर्क प्रोडक्शंस और मुराद खेतानी के द्वारा और अश्विन वर्दे के द्वारा। और गाइस अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के स्टारिंग रोल्स की, तो गाइस इस मूवी के स्टारिंग रोल्स में आपको देखने के लिए मिलेंगे अनिल कपूर और अर्जुन कपूर और इलियाना डिक्रूज और आथिया शेट्टी और करण कुंद्रा और नेहा शर्मा और राहुल देव और गुरपाल सिंह और रतन पाठक साहा और पवन मल्होत्रा और ललित परिमो और संजय कपूर। और गाइस ये मूवी सुनाई गई है विजय राज के द्वारा। और गाइस अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के सिनेमेटोग्राफी की, तो गाइस इस मूवी की जो सिनेमेटोग्राफी की गई है वो की गई हिम्मत धमीजा के द्वारा, और गाइस इस मूवी को एडिट किया गया है रामेश्वर एस भगत के द्वारा। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के म्यूजिक की। तो गाइस इस मूवी के अंदर जो सॉन्ग्स दिए गए हैं वो दिए गए अमाल मलिक के द्वारा और गौरव रोशन के द्वारा और ऋषि रिच के द्वारा, और इस मूवी के अंदर जो बैकग्राउंड स्कोर दिया गया है वो दिया गया अमर मोहिल के द्वारा। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की प्रोडक्शन कंपनीज की। तो गाइस इस मूवी की जो प्रोडक्शन कंपनीज हैं वो है सोनी पिक्चर्स नेटवर्क्स प्रोडक्शंस और साइन वन स्टूडियोज और मार्क प्रोडक्शन। और गाइस इस मूवी को डिस्ट्रीब्यूट किया गया था सोनी पिक्चर्स लीजिंग के द्वारा, और इस मूवी को रिलीज किया गया था 28 जुलाई सन 2017 को, और मूवी का टोटल रनिंग टाइम है 116 मिनट का, और ये इंडिया की हिंदी लैंग्वेज की मूवी है। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के बजट की। तो गाइस इस मूवी का टोटल बजट है वो 65 करोड़ रुपए का, और अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी की बॉक्स ऑफिस पे कमाई की, तो गाइस बॉक्स ऑफिस पे इस मूवी ने मतलब काफ़ी अच्छी खासी धूम मचाई, काफ़ी अच्छी खासी कमाई की है, क्योंकि इस बॉक्स ऑफिस पर जिस मूवी ने कमाई की है वो की 93.59 करोड़ रुपये की। तो आप इससे भी अंदाज़ा लगा सकते हैं कि मूवी की स्टोरी कैसी होगी। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के साउंड ट्रैक की। तो गाइस अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के साउंड ट्रैक की, तो गाइस इस मूवी के अंदर टोटल 6 सॉन्ग्स हैं, और गाइस जो इस मूवी के अंदर पहला सॉन्ग है वह द गूगल सॉन्ग, और गाइस जो इस मूवी के अंदर दूसरा सॉन्ग है वह मुबारक का टाइटल ट्रैक, और गाइस जो इस मूवी के अंदर तीसरा सॉन्ग है वह जट जगुआर, और गाइस जो इस मूवी के अंदर चौथा सॉन्ग है वह हाथों में थे हाथ, और गाइस जो इस मूवी के अंदर पांचवा सॉन्ग है वह हवा हवा, और गाइस जो इस मूवी के अंदर छठा और आखिरी सॉन्ग है वह दिल धड़के लाउडर लाउडर। तो गाइस इसी तरीके से 6 सॉन्ग्स हैं, और मतलब मीडियम सॉन्ग्स हैं, सुन भी सकते हैं आप अगर आपका मन करता है तो, मैं सजेस्ट करूंगा सुन सकते हैं अगर मन कर रहा है तो, अगर नहीं कर रहा तो मत सुनिए, स्किप कर दीजिए। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की IMDb रेटिंग के बारे में। तो गाइस अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी की IMDb रेटिंग की, तो गाइस इस मूवी को IMDb पर मिले हैं 10 में से 5.6 की रेटिंग, जो कि गाइस मतलब मीडियम से थोड़ा ऊपर है, काफ़ी सही रेटिंग है। तो मैं आपको सजेशन यहाँ पे यही करूँगा कि वन टाइम मूवी है, अगर आप एक बार देखेंगे तो आपको काफ़ी आनंद आएगा, थोड़े कॉमेडी सीन्स भी इस मूवी के अंदर और मतलब एक्शन सीन्स भी हैं। तो सजेस्ट मैं आपको यहाँ पे यही करूँगा, आप मूवी देखें एक बार जरूर देखें। और गाइस वैसे मैं अगर आपको अपना पर्सनल ओपिनियन दूँ इस मूवी के बारे में, तो गाइस ये मूवी मेरी देखी हुई है और काफ़ी कॉमेडी स्टोरी इस मूवी, तो गाइस मैं आपको यहाँ पे सजेस्ट यही करूँगा आप एक बार जरूर देखें इस मूवी को, और मूवी देख के मूवी का आनंद लें, और इस मूवी के सॉन्ग सुने और अच्छे जाने इस मूवी की स्टोरी को, और सॉन्ग सुन के सॉन्ग्स का आनंद लें। तो गाइस चलिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। हे गाइस, आप सभी का फिर से स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल थंडर रिव्यूज़ में। तो गाइस आज हम बात करने वाले हैं यहाँ पे मुबारका मूवी के बारे में। तो गाइस मैं आपको यहाँ पे मूवी का रिव्यू दूंगा, और गाइस मूवी का रिव्यू स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि गाइस मैं यहाँ पे कोई मूवी की क्लिप या फिर पूरी मूवी अपलोड नहीं कर पाऊंगा यूट्यूब कम्युनिटी गाइडलाइंस की वजह से। तो गाइस चलिए स्टार्ट करते हैं मूवी का रिव्यू, और गाइस मैं आपको बताता हूँ यहाँ पे इस मूवी को किसने डायरेक्ट किया है और किसके द्वारा इसका स्क्रीन प्ले दिया गया है, और इस मूवी की स्टोरी के बारे में, किसने इस मूवी की स्टोरी दी है, और इस मूवी के प्रोड्यूसर्स के बारे में, और इस मूवी के स्टारिंग रोल्स के बारे में, और गाइस मूवी से जुड़ी हुई जानकारी और काफ़ी कुछ। तो गाइस इस मूवी का जो डायरेक्टर हैं वह अनीस बज्मी, और गाइस अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के स्क्रीन प्ले की, तो गाइस इस मूवी का जो स्क्रीन प्ले दिया गया है वो दिया गया है बलविंदर सिंह जंजुआ के द्वारा और गुरमीत सिंह के द्वारा और राजेश चावला के द्वारा, जिन्होंने गाइस इस मूवी के अंदर डायलॉग्स दिए हैं। और अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी की स्टोरी की, तो गाइस इस मूवी की जो स्टोरी दी गई है वो दी गई बलविंदर सिंह जंजुआ के द्वारा और रुपिंदर चहल के द्वारा। और गाइस अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के प्रोड्यूसर्स की, तो गाइस इस मूवी के प्रोड्यूसर्स में आपको देखने के लिए मिलेंगे सोनी पिक्चर्स नेटवर्क प्रोडक्शंस और मुराद खेतानी के द्वारा और अश्विन वर्दे के द्वारा। और गाइस अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के स्टारिंग रोल्स की, तो गाइस इस मूवी के स्टारिंग रोल्स में आपको देखने के लिए मिलेंगे अनिल कपूर और अर्जुन कपूर और इलियाना डिक्रूज और आथिया शेट्टी और करण कुंद्रा और नेहा शर्मा और राहुल देव और गुरपाल सिंह और रतन पाठक साहा और पवन मल्होत्रा और ललित परिमो
और संजय कपूर। और गाइज ये मूवी सुनाई गई है विजय राज के द्वारा। और गाइज अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी की सिनेमेटोग्राफी की, तो गाइज इस मूवी की जो सिनेमेटोग्राफी की गई है वो की गई हेमंत धमीजा के द्वारा। और गाइज इस मूवी को एडिट किया गया है रामेश्वर एस भगत के द्वारा। तो गाइज चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के म्यूजिक की। तो गाइज इस मूवी के अंदर जो सॉन्ग्स दिए गए हैं वो दिए गए हैं अमाल मलिक के द्वारा और गौरव रोशन के द्वारा और ऋषि रिच के द्वारा। और इस मूवी के अंदर जो बैकग्राउंड स्कोर दिया गया है वो दिया गया अमर मोहिल के द्वारा। तो गाइज चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की प्रोडक्शन कंपनीज की। तो गाइज इस मूवी की जो प्रोडक्शन कंपनीज हैं वो है सोनी पिक्चर्स नेटवर्क्स प्रोडक्शंस और साइनमन स्टूडियोज और मार्क प्रोडक्शन। और गाइज इस मूवी को डिस्ट्रीब्यूट किया गया था सोनी पिक्चर्स लीजिंग के द्वारा। और इस मूवी को रिलीज किया गया था 28 जुलाई 2017 को। और मूवी का टोटल रनिंग टाइम है 116 मिनट का और ये इंडिया की हिंदी लैंग्वेज की मूवी है। तो गाइज चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के बजट की। तो गाइज इस मूवी का टोटल बजट है वो 65 करोड़ रुपए का। और अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी की बॉक्स ऑफिस पे कमाई की, तो गाइज बॉक्स ऑफिस पे इस मूवी ने मतलब काफ़ी अच्छी खासी धूम मचाई, काफ़ी अच्छी खासी कमाई की है। क्योंकि इस बॉक्स ऑफिस पे जिस मूवी ने कमाई की है वो की 93.59 करोड़ रुपये की। तो आप इससे भी अंदाजा लगा सकते हैं कि मूवी की स्टोरी कैसी होगी। तो गाइज चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के साउंड ट्रैक की। तो गाइज अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के साउंड ट्रैक की, तो गाइज इस मूवी के अंदर टोटल 6 सॉन्ग्स हैं। और गाइज इस मूवी के अंदर पहला सॉन्ग है वो है द गूगल सॉन्ग। और गाइज इस मूवी के अंदर दूसरा सॉन्ग है वो है मुबारक का टाइटल ट्रैक। और गाइज इस मूवी के अंदर तीसरा सॉन्ग है वो जट जगुआर। और गाइज इस मूवी के अंदर चौथा सॉन्ग है वो हाथों में थे हाथ। और गाइज इस मूवी के अंदर पांचवा सॉन्ग है वो हवा हवा। और गाइज इस मूवी के अंदर छठा और आखिरी सॉन्ग है वो दिल धड़के लाउडर लाउडर। तो गाइज इसी तरीके से 6 सॉन्ग्स हैं और मतलब मीडियम सॉन्ग्स हैं, सुन भी सकते हैं आप अगर आपका मन करता है तो। मैं सजेस्ट करूंगा सुन सकते हैं अगर मन कर रहा है तो, अगर नहीं कर रहा तो मत सुनिए, स्किप कर दीजिए। तो गाइज चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के IMDb रेटिंग के बारे में। तो गाइज अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी की IMDb रेटिंग की, तो गाइज इस मूवी को IMDb पर मिले हैं 10 में से 5.6 की रेटिंग, जो कि गाइज मतलब मीडियम से थोड़ा ऊपर है, काफ़ी सही रेटिंग है। तो मैं आपको सजेस्ट यहाँ पे यही करूँगा कि वन टाइम मूवी है, अगर आप एक बार देखेंगे तो आपको काफ़ी आनंद आएगा। थोड़े कॉमेडी सीन्स भी इस मूवी के अंदर और मतलब एक्शन सीन्स भी हैं। तो सजेस्ट मैं आपको यहाँ पे यही करूँगा, आप मूवी देखें एक बार जरूर देखें। और गाइज वैसे मैं अगर आपको अपना पर्सनल ओपिनियन दूँ इस मूवी के बारे में, तो गाइज ये मूवी मेरी देखी हुई है और काफ़ी कॉमेडी स्टोरी इस मूवी। तो गाइज मैं आपको यहाँ पे सजेस्ट यही करूँगा, आप एक बार जरूर देखें इस मूवी को और मूवी देख के मूवी का आनंद लें और इस मूवी के सॉन्ग सुने और अच्छे से जानें इस मूवी की स्टोरी को और सॉन्ग सुन के सॉन्ग्स का आनंद लें। तो गाइज चलिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। हे गाइज आप सभी का फिर से स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल थंडर रिव्यूज़ में। तो गाइज आज हम बात करने वाले हैं यहाँ पे मुबारका मूवी के बारे में। तो गाइज मैं आपको यहाँ पे मूवी का रिव्यू दूंगा। और गाइज मूवी का रिव्यू स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूँ कि गाइज मैं यहाँ पे कोई मूवी की क्लिप या फिर पूरी मूवी अपलोड नहीं कर पाऊंगा यूट्यूब कम्युनिटी गाइडलाइंस की वजह से। तो गाइज चलिए स्टार्ट करते हैं मूवी का रिव्यू। और गाइज मैं आपको बताता हूँ यहाँ पे इस मूवी को किसने डायरेक्ट किया है और किसके द्वारा इसका स्क्रीन प्ले दिया गया है और इस मूवी की स्टोरी के बारे में, किसने इस मूवी की स्टोरी दी है और इस मूवी के प्रोड्यूसर्स के बारे में और इस मूवी के स्टारिंग रोल्स के बारे में और गाइज मूवी से जुड़ी हुई जानकारी और काफ़ी कुछ। तो गाइज इस मूवी का जो डायरेक्टर हैं वह अनीस बज्मी। और गाइज अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के स्क्रीन प्ले की, तो गाइज इस मूवी का जो स्क्रीन प्ले दिया गया है वो दिया गया है बलविंदर सिंह जंजुआ के द्वारा और गुरमीत सिंह के द्वारा और राजेश चावला के द्वारा, जिन्होंने गाइज इस मूवी के अंदर डायलॉग्स दिए हैं। और अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी की स्टोरी की, तो गाइज इस मूवी की जो स्टोरी दी गई है वो दी गई बलविंदर सिंह जंजुआ के द्वारा और रुपिंदर चहल के द्वारा। और गाइज अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के प्रोड्यूसर्स की, तो गाइज इस मूवी के प्रोड्यूसर्स में आपको देखने के लिए मिलेंगे सोनी पिक्चर्स नेटवर्क्स प्रोडक्शंस और मुराद खेतानी के द्वारा और अश्विन वर्दे के द्वारा। और गाइज अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के स्टारिंग रोल्स की, तो गाइज इस मूवी के स्टारिंग रोल्स में आपको देखने के लिए मिलेंगे अनिल कपूर और अर्जुन कपूर और इलियाना डिक्रूज और आथिया शेट्टी और करण कुंद्रा और नेहा शर्मा और राहुल देव और गुरपाल सिंह और रतन पाठक साहा और पवन मल्होत्रा और ललित परिमो और संजय कपूर। और गाइज ये मूवी सुनाई गई है विजय राज के द्वारा। और गाइज अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी की सिनेमेटोग्राफी की, तो गाइज इस मूवी की जो सिनेमेटोग्राफी की गई है वो की गई हेमंत धमीजा के द्वारा। और गाइज इस मूवी को एडिट किया गया है रामेश्वर एस भगत के द्वारा। तो गाइज चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के म्यूजिक की। तो गाइज इस मूवी के अंदर जो सॉन्ग्स दिए गए हैं वो दिए गए अमाल मलिक के द्वारा और गौरव रोशन के द्वारा और ऋषि रिच के द्वारा। और इस मूवी के अंदर जो बैकग्राउंड स्कोर दिया गया है वो दिया गया अमर मोहिल के द्वारा। तो गाइज चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की प्रोडक्शन कंपनीज की। तो गाइज इस मूवी की जो प्रोडक्शन कंपनीज हैं वो है सोनी पिक्चर्स नेटवर्क्स प्रोडक्शंस और साइनमन स्टूडियोज और मार्क प्रोडक्शन। और गाइज इस मूवी को डिस्ट्रीब्यूट किया गया था सोनी पिक्चर्स लीजिंग के द्वारा। और इस मूवी को रिलीज किया गया था 28 जुलाई 2017 को। और मूवी का टोटल रनिंग टाइम है 116 मिनट का और ये इंडिया की हिंदी लैंग्वेज की मूवी है। तो गाइज चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के बजट की। तो गाइज इस मूवी का टोटल बजट है वो 65 करोड़ रुपए का। और अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी की बॉक्स ऑफिस पे कमाई की, तो गाइज बॉक्स ऑफिस पे इस मूवी ने मतलब काफ़ी अच्छी खासी धूम मचाई, काफ़ी अच्छी खासी कमाई की है। क्योंकि इस बॉक्स ऑफिस पे जिस मूवी ने कमाई की है वो की 93.59 करोड़ रुपये की। तो आप इससे भी अंदाजा लगा सकते हैं कि मूवी की स्टोरी कैसी होगी। तो गाइज चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के साउंड ट्रैक की। तो गाइज अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के साउंड ट्रैक की, तो गाइज इस मूवी के अंदर टोटल 6 सॉन्ग्स हैं। और गाइज इस मूवी के अंदर पहला सॉन्ग है
वो है द गूगल सॉन्ग। और गाइस जो इस मूवी के अंदर दूसरा सॉन्ग है वो है मुबारका का टाइटल ट्रैक। और गाइस जो इस मूवी के अंदर तीसरा सॉन्ग है वो है जट जगुआर। और गाइस जो इस मूवी के अंदर चौथा सॉन्ग है वो है हाथों में थे हाथ। और गाइस जो इस मूवी के अंदर पांचवा सॉन्ग है वो है हवा हवा। और गाइस जो इस मूवी के अंदर छठा और आखिरी सॉन्ग है वो है दिल धड़के लाउडर लाउडर। तो गाइस इसी तरीके से छः सॉन्ग्स हैं और मतलब मीडियम सॉन्ग्स हैं, सुन भी सकते हैं आप अगर आपका मन करता है तो। मैं सजेस्ट करूँगा सुन सकते हैं अगर मन कर रहा है तो, अगर नहीं कर रहा तो मत सुनिए, स्किप कर दीजिए। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की IMDb रेटिंग के बारे में। तो गाइस अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी की IMDb रेटिंग की, तो गाइस इस मूवी को IMDb पर मिले हैं 10 में से 5.6 की रेटिंग, जो कि गाइस मतलब मीडियम से थोड़ा ऊपर है, काफ़ी सही रेटिंग है। तो मैं आपको सजेशन यहाँ पे यही करूँगा कि वन टाइम मूवी है, अगर आप एक बार देखेंगे तो आपको काफ़ी आनंद आएगा। थोड़े कॉमेडी सीन्स भी इस मूवी के अंदर और मतलब एक्शन सीन्स भी हैं, तो सजेस्ट मैं आपको यहाँ पे यही करूँगा, आप मूवी देखें एक बार जरूर देखें। और गाइस वैसे मैं अगर आपको अपना पर्सनल ओपिनियन दूँ इस मूवी के बारे में, तो गाइस ये मूवी मेरी देखी हुई है और काफ़ी कॉमेडी स्टोरी इस मूवी। तो गाइस मैं आपको यहाँ पे सजेस्ट यही करूँगा, आप एक बार जरूर देखें इस मूवी को और मूवी देख के मूवी का आनंद लें और इस मूवी के सॉन्ग सुने और अच्छे जाने इस मूवी की स्टोरी को और सॉन्ग सुन के सॉन्ग्स का आनंद लें। तो गाइस चलिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए।